चल सकते हैं आगे। कैसे हैं सब लोग? लखनऊ, रोहतक, सुभाष नगर, उत्तम नगर और यमुना नगर। हाँ अच्छा, थैंक यू। ठीक है, उत्तम नगर। हरसिमरन ना, हरसिमरन आपका ईमेल आईडी है मेरे पास? आई थिंक है। नहीं है तो भी मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको आज रात को ही वो चीज ईमेल कर दूंगा। अपने सब्जेक्ट की तो कर सकता हूं, ठीक हो, कोई बात, कम से कम अपने सब्जेक्ट की करके छुट्टी कर लेते हैं, तो आपका वो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। खम्बा गणी, गणी खम्मा, और तहे दिल से स्वागत है सुभाष नगर। आपका स्वागत है बच्चे, आपका स्वागत है, आप हीरो हो सर। वो जो है आपको बहुत पसंद, वही है जो आपको, अच्छा याद आ गया, याद आ गया, प्रिंसेस फ्रॉम दिल्ली, यस यस यस, आ गया, याद आ गया, याद आ गया, उत्तम नगर, यस यस यस। अच्छा ये जरा बताओ सब बच्चे, आज देखो भाई मेरी बात समझना, आज अगले 3 घंटे या 3.5 घंटे या 4 घंटे, भाई स्टूडियो वाले तैयार है ना आज 3 घंटे 3.5 घंटे आज बिना रुके बिना थके, क्यों मोहित? बिना डटे बिना रुके बिना थके तैयार है ना हम आज? बिल्कुल, वैसे तो कोशिश 3 की है, लेकिन अगर 15-20 मिनट ऊपर नीचे हुआ आधा घंटा, तो आज बच्चों को पूरी सेटिस्फेक्शन के साथ भेजेंगे। ठीक है भाई, आज हमारे नवंबर वाले बच्चों का आखिरी दिन है, जिंदगी का नहीं, इस बैच का है, भगवान शुभ शुभ बोलो। तो इस आखिरी दिन में हमें क्या क्या चीजें स्पेसिफिकली करनी है, वो ये कि थ्योरी के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस देना है, थ्योरी के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस देना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि थ्योरी एक ऐसी चीज है जो कि सीए का बच्चा अच्छे से नहीं करता, उसके कुछ कारण है। पहला रीजन वो ये कि आपको ऐसा लगता है जो सब्जेक्ट या तो प्रैक्टिकल होता है या न्यूमेरिकल होता है या थ्योरेटिकल होता है, जो थ्योरी सब्जेक्ट है उनमें कभी न्यूमेरिकल की उम्मीद नहीं की जाती, एंड वाइस वर्सा, जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मेरा सब्जेक्ट कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें कभी भी थ्योरी की उम्मीद नहीं की जाती, ऐसा हमारी साइकोलॉजी है, विच इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग। आपके और सीए फाइनल में भी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, आपके पेपर्स जो कि न्यूमेरिकल है, जैसे अकाउंट्स, जैसे कि टैक्स, जैसे कि कॉस्ट, जैसे कि एफएम, भर भर के थ्योरी आती है। अपने पेपर की बात करते हैं, कॉस्ट एफएम की 32 नंबर की थ्योरी आएगी, 32, यस 32, जिसमें से आपने 28 नंबर की तो हालत में अटेम्प्ट करनी करनी है, 4 नंबर की कभी कभार इधर उधर चॉइस वॉइस में छूट जाती है। और हां मैं ये सब बोल रहा हूं अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड विच इज सो फार, अगर आज इस बार से कुछ नया ट्रेंड आ गया भाई तो उसकी तो गारंटी है नहीं, हम कोई अब नास्त्रदमस तो है नहीं या रजनीकांत तो है नहीं कि हमें पता हो क्या आने वाला है, लेकिन ऐसी उम्मीद करी जा रही है कि ट्रेंड सेम ही रहेगा, बदलाव नहीं होगा। ठीक है, हाँ श्री कृष्ण को अर्जुन का स्वागत है, ओए हे कमाल कर दिया भुवनेश्वर, दिल्ली ले लिया तुमने तो। मैं अपने बच्चों से सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूं, वो ये कि आप अगले, आज तारीख है हमारी 14 तारीख है जी, आज हमारी 14 तारीख है, 14 तारीख है, आज 14 है ना जी, 15 है, आज 15 हो गई, बताओ देखो टाइम कितना फास्ट भाग रहा है, 15 तारीख के समझ लो आज की क्लास खत्म होते होते तक बात खत्म हो जाएगी, 15 तारीख हो जाएगा खत्म, यानी कि आपको 31 का महीना है, 16 दिन मिलेंगे इस महीने के और 5 दिन मिलेंगे अगले महीने के, तो 21 दिन, एक दिन की दिवाली भी हटा दो, 20 दिन आपने आज तक किसने कितनी पढ़ाई करी फर्क नहीं पड़ता, किसने कौन सी कोचिंग ली फर्क नहीं पड़ता, जैसे भगवान के द्वार पे सारे लोग बराबर खड़े होते हैं ना, अमीरी गरीबी मैटर नहीं करती, एग्जैक्टली उसी तरह जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे ना, फर्क नहीं पड़ेगा आप हाथ में आईफोन है कि नोकिया का 1100 है, फर्क नहीं पड़ेगा कि आप मर्सिडीज से उतर के आए हो या बस से आए हो, फर्क नहीं पड़ता कि आप किससे कोचिंग लेके आए हो या सेल्फ स्टडी करके आए हो, फर्क नहीं पड़ता, हर बंदा एक ही चीज न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, उस दिन उस सेकेंड उस मोमेंट जो आपको फील होता है वो असली लिबरेशन है। लिबरेशन बोलते हैं जब बंदा अपने सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, रियली। और मैं आपको आज एज अ टीचर तो बता ही नहीं रहा कुछ भी, मैं कौन हूं तो बताने वाला एज अ टीचर, आज मैं आपको अपने एज अ स्टूडेंट एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूं,
क्योंकि एज अ टीचर तो मैं आपके साथ पिछले कई महीनों से लगा हुआ हूं, आज मैं आपको एज अ स्टूडेंट कुछ कुछ बातें बताता हूं, ठीक है जी। एज अ स्टूडेंट बात समझेंगे, सब लोग अपना अपना QRS का बोर्ड पास रख लें, जितनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी उतना अच्छा। अगले 20 दिन जरा आप बताना, आप सब बच्चे बोध ग्रुप दे रहे हो कि सिंगल ग्रुप दे रहे हो? बड़ा फर्क पड़ेगा इसका, इसका बेहद फर्क पड़ेगा। बोध ग्रुप दे रहे हो कि सिंगल ग्रुप दे रहे हो, जल्दी से बताओ तो। सुभाष नगर कह रहा है बोथ, उत्तम नगर कह रहे सिंगल सिंगल सिंगल, यमुना नगर कह रहा है बोथ सिंगल सिंगल सिंगल। तो मैं ये बात देख पा रहा हूं कि दोनों ग्रुप देने वाले भी हैं और एक ग्रुप देने वाले भी हैं। मेरा सवाल बोथ ग्रुप से है, बड़े ध्यान से आज की क्लास करेंगे, मेरा सवाल बोथ ग्रुप वालों से है, आप लोग एक ग्रुप को प्राइमरी मान के दे रहे हो या दोनों को प्राइमरी मान के दे रहे हो? अलग अलग स्ट्रेटेजी होगी फिर। अगर दोनों को प्राइमरी मान रहे हो तो सातों पेपर पे बराबर फोकस है, नहीं तो पहले चार पे ज्यादा फोकस है, तीन पे कम फोकस है ना जी, फर्क बात है। हाँ, फर्स्ट टाइम आपको पानी पीते हुए देखा, लो सेकंड टाइम भी देख लो। अच्छा पानी पीता हूं ना मैं, है ना, सच्ची सच्ची बता दो, अच्छा पानी पीता हूँ? ये तो कहने की बात है, लालकोटी कौन है, माही ही लग रहा है। बोथ और प्राइमरी, देखो जी बड़ी स्ट्रैटेजी बनती है, बड़ी स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है, मैं इसीलिए ये मुद्दा उठाया, सब बच्चों की अलग स्ट्रैटेजी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि स्ट्रैटेजी सबकी अलग अलग है, इसीलिए सबके प्लान भी अलग अलग बनेंगे, ये ना समझे। और ये मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट की नहीं कह रहा, क्योंकि आज मैं एज अ फैकल्टी आया ही नहीं हूं, मैं तो आज एज अ स्टूडेंट आया हूं। अगर कोई बच्चा सात पेपर दे रहा है तो अगले 20 दिन में उसको सातों का ख्याल रखना है, अगर कोई बच्चा एक ग्रुप दे रहा है उसको सिर्फ चार का ख्याल रखना है। जाहिर सी बात है, जो बंदा सातों का ख्याल रखेगा उसको मेहनत भी थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, उसको थोड़ा एफर्ट भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, दिमाग पे भी प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, बिल्कुल जाहिर ऑब्वियस सी बात है, तो ये बात पूछी ना जाए। मैंने आज आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मोटिवेशन करूं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बात बताने आया हूं कि जिस बच्चे ने 3 घंटे 15 मिनट अपना मानसिक संतुलन बनाए रखा, मेंटली आप लोग डिस्टर्ब नहीं हुए। कहना बड़ा आसान है भाई साहब, करना बड़ा मुश्किल है। सीए के एग्जाम के फील से ही आदमी थर थर कांपता है, आप तो एग्जाम हॉल में बैठने की बातें कर रहे हो। तो आपने बस एक बार ध्यान रख लिया, अपने आप को दिन में रोज 20 बार समझाना है, मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं, कोई मुझे मार नहीं सकता, क्या हो गया तो मैं लड़ूंगा, इस तरह से आपको मोटिवेट करना है। और यही मोटिवेशन एग्जाम दिन में बैठ के भी होगा। ये आज का पहला टेक अवे। दूसरा टेक अवे समझे मेरा, आपकी तैयारी जिसकी भी जैसी भी हो फर्क नहीं पड़ता, आपकी तैयारी जिसकी भी जैसी भी हो फर्क नहीं पड़ता, आपने इंस्टीट्यूट ICAI के RTP और मॉक टेस्ट करके जाने हैं। किसी को बताओगे तो नहीं, हमारे अटेम्प्ट में 32 नंबर का सीधा सीधा RTP से आ गया था, उन जमाने में मॉक टेस्ट होते ही नहीं थे, RTP नए नए शुरू हुए थे, 32 नंबर का पेपर, 32 यू अंडरस्टैंड व्हाट इज 32 मार्क्स का एज इट इज RTP में ऐसे आया था। 20 सवाल होते हैं विद सॉल्यूशन गिवन होते हैं, प्रॉपर 4 घंटे निकालने हैं आपने, दिन के किसी भी दिन निकाल लेना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, प्रेफरेबली रिवीजन के बाद, नहीं तो सक्सेस रेट उतना ही अच्छा हो जाएगा। आपने निकालने हैं, एक दिन सुबह उठना है और फटाफट से काम करना है, 20 सवाल है, एक्सपेक्ट एटलीस्ट आज के जमाने में 20 से 25 नंबर का आउट ऑफ दोस बहुत होता है, 20 से 25 नंबर का, अगर पेपर देखा हुआ आ जाए समझ लेना वारे न्यारे हो गए। अरे 20-25 नंबर छोड़ो, एक क्वेश्चन भी देखा हुआ आ जाए ना, आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है, यहां तो मैं बात कर रहा हूं 20 नंबर की। दूसरा टेक अवे, एक तो डरना नहीं है, दूसरी बात RTP करके जाना है। तीसरा सर, आपने जो इतने बड़े बड़े पोथे कराए हैं उसका क्या करना है? आपने उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं अब बस पढ़ने हैं। देखो जी मेहनत का टाइम गया, अब दिमाग चलाने का टाइम है। 20 दिन बचे हैं, इंटू 12 घंटे कर लो, 240 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं हो सकती, इंसान का दिमाग 12 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगा जब तक कि आप स्वामी विवेकानंद ना हो, जो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप नहीं हो। 240 घंटे हैं भाई साहब, बांट लो कैसे भी बांटना है, कॉमन सेंस, एक गलती बिल्कुल मत करना। मैं अपने ऊपर बात रख के कहता हूं, सपोज आपको मैं बहुत अच्छा लगता हूं,
अंकुर सर बड़े फेमस हैं, तो आप क्योंकि अंकुर सर अच्छे लगते हैं इसीलिए कॉस्ट एफएम को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देते हो, तवज्जो यानी इंपॉर्टेंस। और चलो अब वो किसी और सब्जेक्ट का नाम नहीं लेते, सपोज सब्जेक्ट ए है और वो आपको अच्छा नहीं लगता और आप उसको कम पढ़ते हो, प्लीज भगवान के लिए ऐसी गलती मत करना। आपको पास कराने में चार पेपर या जिसके बोध ग्रुप है सात पेपरों का हाथ है, प्लीज ये नहीं करेंगे आप। मेरे पेपर में अगर 80 ले भी आए तो क्या हुआ बेटा जी, ग्रुप तो फेल हो गया। मैं नहीं चाहता आप ऐसा ड्रामा करो। तो प्लीज आपने जनरली बच्चे अकाउंट्स में ऐसा करते हैं क्योंकि सीए में अकाउंट्स आते हैं ना, घर वालों को भी लगता है बेटा क्या पढ़ रहे हो, जी कॉस्टिंग पढ़ रहा हूं। अरे नलायक अकाउंट्स पर सीए कर रहा है, बेटे क्या पढ़ रहे हो, अकाउंट्स पढ़ रहा हूं। अरे वाह क्या बात है, वाह बेटे और पढ़ अकाउंट्स पर। बच्चों को पेरेंट्स को माइंड में रहता है सीए का मतलब अकाउंट्स, तो बच्चे भी जबरदस्त से ज्यादा तवज्जो देते हैं और स्टूडेंट भी और उनके मम्मी पापा भी और टीचर भी। भैया 100 नंबर का पेपर आएगा अकाउंट्स का, 100 नंबर का आएगा लॉ का, और जिसका ग्रुप टू है 100 नंबर का आएगा ऑडिट का, तो ऑडिट और अकाउंट्स में बराबर इंपॉर्टेंस है। तो आप ऐसी गलती कैसे कर देते हो, इसी वजह से बच्चे फेल होते हैं। आज मैं एज अ फैकल्टी नहीं बोल रहा, आज मैं एज अ स्टूडेंट बोल रहा हूं, क्यों फेल हो जाता है बच्चा जिसके सब में पास है लेकिन टोटल में फेल है, वो इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि इंडिविजुअली इतना तो पढ़ लिया कि सब में पास हो गया लेकिन जरूरत से ज्यादा दिमाग अकाउंट्स 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 या फिर टैक्स 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 करता रहा या सपोज कॉस्ट 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 करता रहा, लेकिन जो लॉ था थ्योरी सब्जेक्ट का ध्यान ही नहीं दिया, 40 रह गए, थोड़ा ध्यान देते उसमें 60 हो जाते पास हो जाता ग्रुप। प्लीज ऐसी बात नहीं करनी है, आपने अपने आप को बैलेंस रख के चलना है। चौथी चीज, थ्योरी पे बड़े ध्यान से अटेम्प्ट करोगे। मैं आपको अपनी वेंटिलेटर, मैंने इस बुक का नाम रखा था वेंटिलेटर, वो बाद में चेंज करके रेकनर कर दिया, दिस इज द वेंटिलेटर। इसमें ना हमने थ्योरी क्वेश्चन के बारे में कुछ अलग से बातें लिखी हैं, हालांकि ये आप तक पहुंच जाएगा या कुछ बच्चों तक पहुंच जाएगा। हाँ रहमत बरस रही है, बिल्कुल बिल्कुल, आज क्योंकि मैं आपको एज अ स्टूडेंट पढ़ाने आया हूं, एज अ जैसे बोलते हैं ना कि भाई एज एन एल्डर ब्रदर बात कर रहा हूं, आज मैं टीचर की बात ही नहीं कर रहा, आज मैं अपने सब्जेक्ट की बात ही नहीं कर रहा क्योंकि सब्जेक्ट की बात करने का टाइम खत्म। पहली बात तो थैंक यू वेरी मच कि आप एग्जाम से 20 दिन पहले इस रूम में बैठे हो, वो तभी बैठे हो क्योंकि आपको लगता है कि 3 घंटे आपकी लाइफ के मैं कुछ बदलाव ला सकता हूं, और वो बदलाव तभी आएगा आज जब मैं एज अ आपसे स्टूडेंट बात करूं। सो प्लीज एज अ स्टूडेंट मैं बता दूं जी, मेरे सीपीटी फाउंडेशन यानी हमारे टाइम पे फाउंडेशन था, आईपीसीसी फाइनल में रैंक थी। लोग बड़े ताज्जुब से पूछते हैं सर कमाल कर दिया आपने, आपकी कोई सेटिंग वेटिंग तो नहीं थी? मैंने कहा भाई सेटिंग क्या होती है, हमने हमेशा हमेशा मेहनत करी इनपुट को देख के कि मैंने क्या डालना है, कभी सोची नहीं रैंक की। आप में से जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, जैसा कि मैं कुछ लोगों को जानता हूं पढ़ाई में आप लोग बहुत अच्छे हो, आप कभी रैंक को माइंड में रख के मत पढ़ाई करना, आएगी नहीं कभी। हमेशा कोशिश करना पूरा काम करने की, अपनी तरफ से एफर्ट पूरा डालना, पूरे कोर्स की रिवीजन, पूरा 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट। ये हमारा सीए का बच्चा पता नहीं कैसे गलती कर जाता है, कैसे उसके घर वाले उसके टीचर उसके पुराने स्टूडेंट उसके भैया उसकी दीदी सब लोग उसे सिखाते हैं 100 नंबर का पेपर करके आइयो, 100 नंबर का करके आइयो, लेकिन एग्जाम में कोई 80 का करके आ रहा है, कोई 75 कर रहा है, कोई 85 कर रहा है, कोई 90 कर रहा है, 100 नंबर का बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं। मैं उनसे पूछता हूं, मैंने कहा भाई अटेम्प्ट क्यों नहीं किया? कह रहे सर ईगो इश्यू में आ गया था। किससे? सर एक सवाल पे अटक गया। भाई यही तो डिसीजन मेकिंग है एग्जाम में, आज मैं कॉस्ट एफएम की बात ही नहीं कर रहा। आपको डिसीजन मेकिंग, वैसे जिसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं, आपको डिसीजन मेकिंग अकाउंट्स में भी लगानी है, लॉ में भी लगानी है, ऑडिट में भी लगानी है, आईटीएसएम में भी लगानी है, कॉस्ट में भी लगानी है। तो हर एक बंदे को डिसीजन मेकर होना पड़ेगा, छोटी से छोटी बात, कौन सा सवाल छोड़ू, चॉइस मेकिंग आती है, पहला क्वेश्चन कंपलसरी, बाकी में से एक छोड़ना, इसका सबसे मुश्किल काम है अरेंज मैरिज करना। अरेंज मैरिज में यही तो होता है, कौन सी चूज करूं, करके दिखाओ कौन सी चूज। सर क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब थोड़े दिन टेस्टिंग हो जाए? अरे ये सब बातें तो यूएस में होती हैं, आपको तो पहले चूज करना पड़ता है फिर एग्जाम में अटेम्प्ट होता है। चॉइस मेकिंग इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज, मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज। आपने पहले 15 मिनट में, आपने जो पहले रीडिंग के लिए मिलते हैं, आपने सबसे पहले क्वेश्चन स्कैन करना है, और अगर कोई पर्टिकुलर वीकनेस है आपकी और उस पर क्वेश्चन बेस्ड है, समझ लो आपकी लाइफ बहुत सिंपल हो गई, सीधा ले जाके उसे काट दो, यानी आपकी चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम खत्म।
सबसे आसान बात है भाई, कोई एक प्रॉब्लम वीकनेस है भाई, मेरे को सपोज करो एक पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आता, उसी पे सवाल आया हुआ है, सीधा ले जाके काट दो कि भाई चॉइस मेकिंग खत्म, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व, बात खत्म हो गई। सर अगर सारे सवाल थोड़े थोड़े आते हो, थोड़े थोड़े ना आते हो, फिर असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि आप ना बड़े असमंजस में होते हो। मैं बताता हूं, ये मैंने फेस करी है प्रॉब्लम खुद, एज अ स्टूडेंट बता रहा हूं। ये चाहिए आपको पूरा सवाल करने के लिए इतना टाइम, आप यहां तक सवाल कराए, आप यहां तक आ गए, आपको अभी भी इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, अब ये रास्ता बड़ा डिफिकल्ट है और इसमें लग रहा है टाइम। अब आपके पता है माइंड में क्या बातें घूम रही हैं? आपके माइंड में दो बातें घूम रही हैं। अब पहला ऑप्शन, कंटिन्यू और टाइम लगाऊं, दूसरा ऑप्शन, इतना टाइम लगा के क्या पता ना निकले, तो छोड़ो मारो गोली इसको, जितना टाइम इतना ये लगा उसको अपन संक कॉस्ट बोल सकते हैं। अब ये तो बीत गई सो बात गई, डूबे हुए पैसे हैं, अब जो गई सो गई, तो इसको लेके बाहर निकालो, इसको लेके बाहर निकालो और स्टार्ट न्यू क्वेश्चन। ये दो सवाल आपके माइंड में सबसे ज्यादा और सबसे डिफिकल्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई। ये आपका 15 मिनट का जो स्कैनिंग होगा ना, तो अगर वो जिस बच्चे ने अच्छे से कर ली, उसकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो बच्चे, हर एक चीज का एक ऑब्जेक्टिव है एग्जाम में, 3 घंटे का अलग ऑब्जेक्टिव है लिखना, 15 मिनट का अलग ऑब्जेक्टिव है डिसीजन लेना। कुछ बच्चे बड़ी गलती करते हैं, 15 मिनट में ना वो वेट करते रहते हैं, तेरा मैं भागूंगा। ए भाई, ये 15 मिनट तेरे को सेट होने के लिए नहीं दिए, सेटिंग टाइम नहीं है तेरा, ये तेरा प्लानिंग टाइम है। आप बड़े खुशनसीब हो, हमें तो मिलते भी नहीं थे, 3 घंटे मिलते थे सब काम के लिए और विदाउट ब्रेक। सो प्लीज भगवान के लिए, ये जो 15 मिनट है ना, उसमें आपको बड़े अच्छे से सबसे पहले क्या स्कैन करना है, एनी क्वेश्चन यू डोंट नो, एनी क्वेश्चन यू डोंट नो। अगर ये मिल जाए, समझ लो कुर्सी से खड़े होके पैर छू के भगवान का थैंक यू भगवान, तूने मेरी चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, चॉइस मेकिंग खत्म, आपका टाइम इन्वेस्टमेंट शुरू, क्योंकि अब आपको पता है आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, आपने लगाना ही लगाना है। और ये बात ठीक है, जहां टाइम लगाते हो वहां आंसर भी निकल आता है 90% टाइम्स, तो चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम। लेकिन सर अगर ऐसा केस नहीं बनता, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो हमें नहीं आता, फिर भाई फिर आपने डिसीजन मेकिंग का गेम खेलना है। ये मैं क्या आपको कोई भी नहीं बता सकता, मुझे क्या पता कि वो क्वेश्चन कौन से होंगे जिसमें 8 4 4 नंबर होंगे, 12 और 4 नंबर होंगे, या किस तरह से पैटर्न गिवन होगा, 10 और 6 होगा, आई डोंट नो। ये तो उसी टाइम का गेम है। सर ऐसा है, दो क्वेश्चन है, एक में 10 और 6 है और एक में 12 और 4 है। सर ये तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है, लेकिन ये मुझे बहुत बुरी तरीके से आता है, ये मुझे ओके तरीके से आता है और ये मुझे नहीं आता, अब बताओ कौन सा चूज करोगे, बताना जरा। ये है क्वेश्चन नंबर 3, ये है क्वेश्चन नंबर 7, दोनों में से चूज करना, कौन सा करोगे चूज, हां बताओ दोनों में से, क्वेश्चन नंबर 7 करोगे कि 3 करोगे। कुछ बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे हैं, बस यही है डिसीजन मेकिंग। एक चिड़िया हाथ में दो से बेहतर है जो दूर से दिखाई दे रही है। आपने कहा भाई देखो इसमें मैक्सिमम नंबर कितने आ सकते हैं, 12, क्योंकि 4 वाला तो आता ही नहीं है, और 12 भी ओके आता है, तो मान लेता हूं 12 में से 8 ही आएंगे, क्योंकि ओके आता है 12, तो यहां पर मिनिमम 10 में से 9 तो आ ही जाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत अच्छे से आता है, 10 में से 9 तो आ ही जाएंगे। और ये जो 6 वाला सवाल है जो बिल्कुल नहीं आता, यहां पे कौन सा प्रिंसिपल लगाना शुरू कर दोगे आप, ये जो 6 वाला सवाल है जो बिल्कुल नहीं आता, यहां कौन सा प्रिंसिपल लगाओगे, जल्दी से बताओ, इसमें से क्या करके कि 3 नंबर दे दे वो हमको,
आप अपना रैट प्रिंसिपल लगाओगे। ये मैं एज अ स्टूडेंट निकाला था मैंने रैट प्रिंसिपल, एज अ फैकल्टी नहीं निकाला था। कहीं आपको लगे कि मैं पढ़ाता हूं इसलिए मैं रैट प्रिंसिपल, भैया खुद फायदा उठाया है कॉस्टिंग के पेपर में, सीए फाइनल में खुद फायदा उठाया है। मेरे को 100 में से चॉइस वॉइस पता नहीं क्या थी क्या नहीं थी, मुझे पेपर ही 80 नंबर का आता था, पेपर ही 80 नंबर का आता था। 20 नंबर का पहला कंपल्सरी क्वेश्चन हवाई नीति, हवाई नीति कहां से आ गया? हमें लगा कॉस्टिंग इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, हम सिर्फ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करके गए थे, थ्योरी का सवाल आ गया 20 नंबर का, लेकिन उसमें कुछ टेबल वेबल बनी थी कोई सवाल ही नहीं था, पता ही नहीं चल रहा था कहां से पूछ लिया कौन सा चैप्टर है। मैं तो सोच रहा था भाई दूसरे कोर्स का तो नहीं आ गया, मैंने भी क्या सोचा। आपको 100 में से 80 का और 20 का नॉट श्योर कहां से आ गया, श्योर। मैंने कहा ठीक है बेटा, 2.5 घंटा मैंने एलोकेट करा इस 80 नंबर के लिए और बहुत अच्छी तरीके से अपन ने 80 नंबर वाला पेपर अटेम्प्ट किया, बहुत टिचा टिच, ध्यान में रखते हुए कि आधा घंटा रिजर्व रखना है, 20 नंबर भी दाव पे थे। अब जब सब कुछ हो गया आखिरी का आधा घंटा बचा, मैंने कहा बस बेटे अब आ जाओ, ये प्रिंसिपल मैंने अपनाया। मैंने कहा यार देखो ऐसा करो, टुकड़े टुकड़ों में काम शुरू करते हैं, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल प्रैक्टिकली अपनाओ। वो कुछ बहुत बड़ी सी स्टेटमेंट मांग रहा था, मैंने कहा वो तो मारो गोली, पता ही नहीं क्या मांग रहा है। मैंने कहा क्या दिख रहा है, डेप्रिसिएशन एसेट। मैंने कहा चलो ठीक है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। फिर मैंने कहा यार कोई सा बजट रेट मांग रहा है कुछ बजटेड, तो मैंने बजटेड कॉस्ट शीट बना डाली। मैं ऐसे ही आगे बढ़ता गया, मुझे पता ही नहीं था मुझे कहां जाना है। जैसे छोटा बच्चा एक रूम में खेलता है ना बिना किसी ऑर्डर के, कभी वहां जा रहा है कभी वहां जा रहा है कभी इधर, पता ही नहीं कहां जाना है, सवाल ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। लेकिन एक बात पक्का थी, जो जो चीजें मैं निकाल पा रहा था मैं निकाल के वर्किंग नोट 1 वर्किंग नोट 2 वर्किंग नोट 3 वर्किंग नोट 4 वर्किंग नोट 5 लिखता जा रहा था। मेन आंसर लिख ही नहीं सकता था क्योंकि पता ही नहीं था क्या है। रियली बता रहा हूं अपनी दिल की बात, उस दिन मुझे रैट प्रिंसिपल का फायदा महसूस हुआ। 30 मिनट बचे थे उसमें से 20 मिनट लग गए वर्किंग नोट बनाने में। अब जो चीज आती है वो तो एक मिनट में बन जाती है, कोई ज्यादा किसी का ना देखना ना देखना। हाँ साफ साफ कर रहे थे अपन, साफ साफ कर रहे थे। धीरे धीरे ना एक कनेक्टिविटी सी बनने लगी, जब आप आधे से ज्यादा सवाल कर लेते हो तो बाकी आधा अपने आप आसान हो जाता है। धीरे धीरे कनेक्टिविटी सी बनने लगी, मैंने कहा अरे वाह रिदम आ रही है, करते जाओ करते जाओ। खाली बैठे थे क्योंकि ये तो ऑलरेडी हो चुका था पोर्शन, सिर्फ 20 नंबर का गेम बचा था, 20 नंबर में लड़ाई करनी थी वो लड़ाई कर रहे थे, स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप। काफी आगे बढ़ के मैंने कहा एक बार पढ़ तो लूं निकालना क्या है। क्वेश्चन में पढ़ा मेरा शायद वर्किंग नोट नंबर 11 पहुंच गया था मैं। मैंने कहा यार यही तो मेन आंसर मांगा है, यही तो मेन आंसर मांगा है। मैंने कहा इतनी चीजें करने के बाद अब उसका मतलब भी समझ में आने लगा था, अब वो रेलेवेंस भी पता चलने लगी थी। एकदम पढ़ के नहीं समझ में आती कई बार बातें, ओए होए होए मेरे जो वो जो फील होती है ना, जैसे आपको सड़क पे 5 करोड़ रुपए पड़े मिल जाए और कोई दिखे ना आपको, आपको एक सेकंड को एहसास होता है कि क्या ये 5 करोड़ मेरे हो गए। हालांकि आप उठाओगे नहीं या आप लोगे नहीं, आप कोई चोर थोड़ी हो, आप ढूंढोगे उस बंदे को किसके पैसे खो गए, लेकिन वो एक सेकंड को आपको एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस होती है ना, ओए मतलब मैंने वो एक्सपीरियंस करी है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा अरे वाह इसको हटा, इस पे लिख मेन आंसर, मेन आंसर। फटाफट से काम किया, गजब हो गया। मैं आपको बता रहा हूं वो तभी पॉसिबल हुआ, एक तो प्रॉपर साफ साफ किया हुआ था, दूसरा मैंने अपने हाथ पैर नहीं फुराए, हाय राम अब क्या होगा मैं तो फेल हो गया, अब क्या होगा 80 का ही आता है, 80 का अटेम्प्ट करूंगा कितने तो आएंगे। अरे भैया ये क्या हो रहा है, 3 घंटे को उदास होने के लिए दिए आपको, 3 घंटे लड़ने के लिए दिए हैं विदाउट ईगो इश्यू। भाई साहब नहीं आता तो नहीं आता, नमस्ते क्वेश्चन जी आपको बाद में देख लेंगे, हम बाकी 80 नंबर का अटेम्प्ट कराएं। लेकिन ये डिसीजन मेकिंग है उस टाइम की, उस टाइम की डिसीजन मेकिंग है। सर हम ये डिसीजन मेकिंग का फायदा समझ गए, लेकिन इस डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को अपने अंदर कैसे इन्वॉल्व करें? सिर्फ एक तरीका है उसका, सिर्फ एक तरीका है जो कि आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है। आप इतने डिसीजन मेकिंग में एक्सपर्ट इसीलिए नहीं हो, एग्जाम वाली बात कर रहा हूं, इसीलिए नहीं हो क्योंकि आपने कभी करी नहीं। आप अगर मेरी बात समझ लेना, जो बच्चा ये मान गया वो पार हो गया। अगर आप 2 टेस्ट पेपर्स
प्रॉपर 3 घंटे 15 मिनट की टाइम लगा के आपने एग्जाम से पहले दे दिए फॉर एवरी चैप्टर, ऑब्वियसली फॉर एवरी सब्जेक्ट। भाई आपके 4 सब्जेक्ट है तो हर सब्जेक्ट के 2 मैं लिख के दे रहा हूं, आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाएगी। मुझे नहीं पता आपका कंटेंट इंप्रूव होगा कि नहीं, कंटेंट के लिए तो ये क्लासे है ही, कंटेंट का जो होना तो हो चुका, अब तो टॉफी की पैकेजिंग है भाई साहब। अब टॉफी में आप टेस्ट नहीं बदल सकते, आपके अंदर जो वैल्यू एड होनी थी हो चुकी है। सबसे बड़ी गलती सीए का बच्चा यही करता है, वो पढ़ता रहता है, पता नहीं आखिरी मोमेंट तक क्या पढ़ता है नालायक। उसको ये बात समझ ही नहीं आती कि अब पढ़ने का नहीं बताने का टाइम आ चुका है। उसको ये बात पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती। मैं अपने बच्चों को इतनी बार कहता हूं फेस टू फेस दिल्ली में, मैं बच्चों को, भाई बंदा क्या करे, टेस्ट एक टेस्ट सिर पे लेके खड़े होके करा दिया, लेकिन उसके बाद जो 2 टेस्ट दिए वो तो खुद घर पे करो। कह रहे सर मैंने तो करे नहीं। मैंने कहा क्यों? कह रहे सर मैं रिवाइज ही करता रहा। मन तो करता है कि बस मैं क्या बताऊं क्या मन करता है। आप ये गलती नहीं करेंगे। आपने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पता है क्या होता है? एक पॉइंट के बाद फिर यूटिलिटी गिरने लगती है। आपकी पढ़ाई से ये यूटिलिटी गिर रही है। अब आपको उतना फायदा नहीं हो रहा जितना फायदा आपको अब टेस्ट करने से होगा। प्लीज भगवान के लिए हर एक टॉपिक पे, हर एक टॉपिक से मेरा मतलब सब्जेक्ट पे, आपने मिनिमम 2 टेस्ट करने हैं। हमारे वाले टेस्ट तो भाई इसमें भी हैं, हमारे वाले टेस्ट इसमें भी हैं। जिस बच्चे को देख लेना, इस सैटरडे संडे तक किताब ना मिले, अपना ईमेल आईडी मुझे भेजो, मैं भेज दूंगा उसको ईमेल पे। कोई टेंशन नहीं है किसी से भाई, अपन परमिशन ले लेंगे ऑफिशियली। भाई मेन काम, इन लोगों ने इतना पैसा क्यों खर्च किया? आपको पता है 5-7 लाख रुपए की पड़ी है किताबें सारी ऑल इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए। ये कोई छोटा मोटा गेम नहीं होता। लेकिन पॉइंट ये आप तक पहुंचे तो सही, जो कि पहुंच जाएंगी, पूरे जोर शोर से टीम लगी। अगर ना हो मुझे भेजना, मैं ईमेल कर दूंगा, बात खत्म हो गई एकदम। 2 टेस्ट किए बिना अगर आप गए तो अपनी दोस्ती टूट गई। भुवनेश्वर कह रहा था दिवाली के अगले दिन छुट्टी है 15 अक्टूबर। कौन से 15 अक्टूबर है ये? पता नहीं क्या लिख दिया इसने, खैर छोड़ो। मैं आप सब बच्चों से बस एक ही चीज कहने आया हूं, एक तो थ्योरी पढ़ाने आया हूं, दूसरा ये जो अपन ने इतनी सारी बातें की वो कहने आया हूं, और तीसरा और आखिरी में आप लोगों ने अपनी कॉमन सेंस हमेशा अपने पास रखनी है। ये भी गलती थी जो मैंने करी थी, ये मुझे अपने अकाउंट्स के पेपर की गलती आज तक ध्यान है, आज तक भुगत रहा हूं। चलो ठीक है, रैंक आ गई, लेकिन अगर वो गलती नहीं होती तो रैंक और ऊपर पहुंच जाती। वो पता क्या गलती थी? मैंने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन किया, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करके मैंने जैसे ही अपना दोबारा ये आंसर लिखा, मैंने कहा भाई क्वेश्चन देख लूं एक बार, फाइनल यही करना था कि नहीं। मैंने कहा ले इसमें तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनानी थी, मैंने कैश फ्लो बना दी। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जैक्ट बात मुझे ध्यान नहीं। मैंने कहा यार इसमें तो फंड फ्लो बनानी थी, मैंने कैश फ्लो बना दी। मेरे पास आखिरी के 10 मिनट बचे थे, बस उस टाइम हाथ पैर फूल गए। मेरा सबसे पहला कदम पता है क्या था? सबसे पहला कदम मैंने कहा ये तो गलत है, इसको तो मारो गोली। और फिर बाद में मैंने सोचा, मैंने कहा ये जो काटा लगाया इसमें तो 2 सेकंड लगे, ये काटा तो मैं आखिरी में भी लगा सकता था। इसी सवाल में से जितने टुकड़े मैं यूज कर सकता हूं एटलीस्ट उतने तो यूज कर लेता। या मैं कहूं भाई अब मेरे पास फिर से वही डिसीजन मेकिंग की बात आती है, आपने अभी तक जो फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन करना था वो तो किया नहीं, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट करके बैठे हो। इसको काटना है लेकिन वो तो आप एंड में क्रॉस कर देना ना, पहले स्टार्ट द करेक्ट आंसर, काटना बिल्कुल बाद में। ऐसी कई बार पता क्या होता है, जैसे अपन ओवरहेड रीअपोर्शनमेंट कर रहे हैं, ओवरहेड रीअपोर्शन करे फिर रीअपोर्शन करे उसके बाद एब्जॉर्प्शन रेट निकाला और फिर कॉस्ट शीट बनाई, तो स्टेप 5 तक जाना था। ध्यान आया सर डेप्रिसिएशन का अमाउंट तो रीअपोर्शन ही नहीं किया। अब क्योंकि टोटल सर्विस ओवरहेड अलग गलत, तो रीअपोर्शनमेंट भी गलत, तो फिर एब्जॉर्प्शन भी गलत और फिर कॉस्ट शीट भी गलत। यानी एक तरह से देखा जाए एक खर्चा डेप्रिसिएशन का जो बांटना था मिस हो गया, उससे पूरा आंसर गलत हो गया। आपका सबसे पहला हाथ क्या चलेगा? आप सबसे पहले हाथ ये चलाओगे सिर्फ एक चीज के लिए, डेप्रिसिएशन के लिए ना भाई, वो काट देना। काट तो बाद में भी सकते हो ना, आखिरी में किस बात की टेंशन है? प्लीज आप पहले नया आंसर शुरू करेंगे,
आप पहले नया आंसर शुरू करेंगे और आप बाद में काटेंगे। कॉमन सेंस अपने पास रखनी है, प्लीज फॉर गॉड सेक कॉमन सेंस अपने पास रखनी। ठीक है जी, बस ये तो बात है ओवरऑल मोटे तौर पे। अब चलिए बातें शुरू करें अपनी थ्योरी की। थ्योरी करनी कहां कहां से, पहले तो इस बात में कुछ कुछ वार्तालाप हो जाए। थ्योरी करनी कहां कहां से, तीन चार जगह से आप थ्योरी कर सकते हो। हालांकि अब बहुत ज्यादा उसका टाइम बचा नहीं है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या आपने अभी तक कॉस्ट एफएम की थ्योरी करी है, हां या ना? क्या आपने अभी तक कॉस्ट एफएम की थ्योरी करी है, हां या ना? जबलपुर नो, उत्तम नगर नो, लखनऊ नो, और सुभाष नगर ने भी नहीं करी, लाल कोठी ने करी है, बस एक लाल कोठी ने करी है और भुवनेश्वर ने करी है, बताओ। सुभाष नगर कह रहे सर एफएम की है, तो बेटे कॉस्ट की भी कर लो, थोड़ा थोड़ा करा है। ओके, मैं थोड़े थोड़े को भी ना मान के चल रहा हूं प्लीज। अब भैया 20 दिन बचे हैं, ज्यादा टाइम नहीं है। अब आपके पास 20 दिन बचे हैं, ज्यादा टाइम नहीं है कोई भी चीज पूरे तरीके से नहीं उठाने के लिए। सो आपने हमारे नोट्स एंड बुक, सबसे पहली चीज आपने हमारी बुक उठानी है जिसमें प्रैक्टिकल चैप्टर्स के साथ साथ कुछ कुछ थ्योरी कंटेंट लिखा हुआ है, कुछ कुछ थ्योरी कंटेंट लिखा हुआ है। प्रैक्टिकल चैप्टर्स के साथ साथ कुछ कुछ थ्योरी कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं जी, मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं कोई भी रैंडम एक चैप्टर उठा रहा हूं, और वो रैंडम चैप्टर है ये रहा, बजटरी कॉस्टिंग उठाया जी मैंने, उसमें थ्योरी कंटेंट है। थ्योरी कंटेंट में फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ, जैसे बजटरी में 10 सवाल हैं, तो आपने एक तो वो करने हैं, ये प्रैक्टिकल चैप्टर्स की थ्योरी हो गई जो बजटरी के सवाल है, प्लस आपने एक ओनली थ्योरी चैप्टर भी गिवन है, ओनली थ्योरी चैप्टर। हमारे कॉस्ट और एफएम दोनों में एक चैप्टर है जो ओनली थ्योरी का गिवन है, ये हो गया हमारा एडिशनल थ्योरी नोट्स। ये रहा जी एडिशनल थ्योरी नोट्स, सबसे आखिरी चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी थ्योरी भरी पड़ी है और कुछ भी नहीं है उसमें। ये रहा हमारा एडिशनल थ्योरी नोट्स जिसमें बड़ा बड़ा हमने लिखा हुआ है इन एडिशन टू चैप्टर वाइज थ्योरी गिवन अलोंग विद ईच चैप्टर्स, यानी इसमें सिर्फ वो चीजें हैं जो प्योर थ्योरी हैं जिनका प्रैक्टिकल किसी भी टॉपिक से मतलब नहीं। अगर प्रैक्टिकल से मतलब होता तो ये चैप्टर वाइज में पहुंच जाती। तो आपने अपनी कॉस्ट और एफएम के बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, बहुत ज्यादा सवाल है ही नहीं आपके, मान के चलो टोटल 20 सवाल होंगे इसमें, और थ्योरी है बाबा, थ्योरी है, थ्योरी पढ़ने में तो आप, हाँ 9 पेज ही है, 20 क्वेश्चन मान लो मोटा मोटा। आपने कॉस्ट और एफएम दोनों में ये वाला पार्ट तो हर हालत में करना है, हर हालत में करना है। दूसरा ICAI, RTP और मॉक टेस्ट, इसके थ्योरी क्वेश्चंस, इनको तो रट के जाना है, जो भी आपका लेटेस्ट RTP हो और लेटेस्ट मॉक टेस्ट हो, इसमें जो थ्योरी के क्वेश्चन आए हो इनको तो रट के जाना है। किसी को बताना नहीं, इंस्टीट्यूट वालों को पता चल जाएगा, इसमें से थ्योरी आने की प्रोबेबिलिटी 50% से भी ज्यादा होती है, यानी कि आपने अगर ऐसे 20 सवाल किए तो हो सकता है उसमें से 10 आ जाए, इट इज दैट हाई अ प्रोबेबिलिटी। सो प्लीज इसको तो आपने अच्छे से रटना है। क्या आप ये सारी बातें नोट कर रहे हैं कहीं पे, क्योंकि आज जो प्लानिंग हो रही है वो कल से एग्जीक्यूशन में आएगी। और RTP मॉक टेस्ट ऑनलाइन अवेलेबल होता है,
अच्छा चलो अगर लेटेस्ट अवेलेबल नहीं है तो मई वाला ले लो भाई, अब क्या कर सकते हैं। वैसे तो लेटेस्ट हर सेंटर में अलग अलग जगह हुए होंगे, बट खैर वो कोई बात नहीं, जो भी लेटेस्ट हो प्रेफरेबली तो लेटेस्ट वाली चीज। ये दोनों चीजें आप थ्योरी में कर लो, और फिर तीसरी प्रैक्टिस मैनुअल, तीसरी थ्योरी प्रैक्टिस मैनुअल। रायपुर पूछ रहे सर आरटीपी कहां से मिलेगा, रायपुर हमारे दिल्ली में आरटीपी आपके जहां से लोकल काउंसिल होती है, जो लोकल सीए का ऑफिस होता है वहां से मिल जाता है लेटेस्ट कॉपी, वहां से लेटेस्ट कॉपी मिल जाता है। लेटेस्ट आरटीपी लेना, अभी सितंबर में ही आया है, मैंने अगस्त में पता किया था नहीं आया था, पिछले साल मई का मिल रहा था। सुभाष नगर कह रहे सर वेबसाइट पे भी है, राय सुभाष नगर चेक करना, वेबसाइट पे लेटेस्ट वाला नहीं डाला होगा अभी, पिछली बार तक के डालते हैं सुभाष नगर, वेबसाइट पे जो चीज होती है ना पिछले अटेम्प्ट तक की होती है, इस बार की वो हार्ड कॉपी देते हैं, बट इट माइट चेंज आई डोंट नो। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई, 1, 2 एंड 3 ये हार्ड कॉपी में हो तो बेटर है। अच्छा नवंबर 14 का भी आ गया, वेरी गुड, नवंबर 14 पे सुभाष नगर बता रहे सर वेबसाइट पे नवंबर 14 का भी आ गया, चलो जी बहुत बढ़िया शानदार, चले आगे बढ़े। ये तीन चीजें आपने थ्योरी के लिए करनी है, अब जरा अपनी थ्योरी की बात समझें। थ्योरी हाउ टू अटेम्प्ट, थ्योरी अटेम्प्ट कैसे करनी है भाई, लो भाई लो, सोनू मैम ने मेल भी भेज दिया आरटीपी का, वेरी गुड वेरी गुड। उत्तम नगर ने बड़ी अच्छी सवाल पूछा, कह रहे सर स्टडी मॉड्यूल का क्या करेंगे हम, मैं आपको अपने चैप्टर की बता रहा हूं, किसी और फैकल्टी ने उसके चैप्टर के लिए कुछ बताया हो तो दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर कॉस्ट एफएम। कॉस्ट एफएम में स्टडी मॉड्यूल करने का कोई फायदा नहीं है, आपने प्रैक्टिस मैनुअल करनी है, आपने प्रैक्टिस मैनुअल करनी है। ठीक है जी, अच्छा लाल कोठी कह रहे हैं सर सोनू मैम ने मेल भेज दिया, सुभाष नगर कह रहे हैं सोनू मैम ने कुछ नहीं भेजा, पता नहीं भाई भेजा ही नहीं भेजा लाल कोठी, और दोनों जयपुर के सेंटर है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि एक डायरेक्शन में ईमेल भेजा, और ऑब्वियसली ईमेल एक डायरेक्शन में थोड़ी होता। हाउ टू अटेम्प्ट द थ्योरी क्वेश्चन, यू विल नॉट डू नॉट, आप क्या नहीं करोगे, आप क्या नहीं करोगे, आप जबरदस्ती च्युइंगम नहीं बनाओगे। च्युइंगम पता है क्या होता है, जबरदस्ती चीज को खींचना, अगर कोई सवाल आता हो उसकी च्युइंगम नहीं बनाई जाएगी। सर तो क्या करना पड़ेगा हमको थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, देखिए भाई हमारा आरटी ये दुक्की क्या बोलती है, वेंटिलेटर क्या बोलता है, थ्योरी क्वेश्चन के बारे में दिखाएं जरा। पहली बात, और आप लोगों ने बड़े ध्यान से बात समझनी है, आप कभी भी थ्योरी क्वेश्चन से शुरू नहीं करेंगे। सर इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपको आती हुई चीज होती है ना, आप एग्जाम में नए नए बैठे हो, बड़ी एनर्जी है, बहुत टाइम दिखता है, आप जबरदस्ती ओवर स्ट्रेच कर देते हो, चार नंबर में दो पेज भरने की इच्छा होने लगती है और बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। आप कभी भी थ्योरी क्वेश्चन से शुरू नहीं करेंगे, हमेशा थ्योरी क्वेश्चन एंड के लिए बचाएंगे। डू नॉट राइट अननेसेसरी कंटेंट टू इंक्रीज द साइज ऑफ द थ्योरी आंसर, बेकार में च्युइंगम नहीं बनाएंगे। पांच नंबर के सवाल के लिए अगर आधा पेज भर दिया, साफ साफ लिखा है, चार नंबर एक्सपेक्ट कर लीजिएगा, आ जाएंगे। एग्जामिनर को भी कोई शौक नहीं है लंबे क्वेश्चन पढ़ने का। कॉस्ट एफएम की थ्योरी बड़ी प्रैक्टिकल बेस्ड होती है, ये कोई ऑडिट और लॉ थोड़ी है कि पहले फैक्ट्स ऑफ द केस, रेलेवेंट सेक्शन, की पॉइंट्स, फिर कंक्लूजन, इस तरह से अपने लॉ और ऑडिट के आप आंसर लिखते हो, यहां पर नहीं चलेगा भाई साहब, यहां बड़े क्रिस्प आंसर होंगे, बड़ी प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी है। और सर आपने हमें ना क्लास में भी बड़े सारे डायग्राम फिगर्स और बड़े अजीब अजीब सी वो बनवाए हैं, क्या वो यूज कर लें, उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप ये कर सकते हो
उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। जितना अच्छा आपका पेपर दिखेगा उतना अच्छा आपके नंबर आएंगे। बड़ी सीधी सीधी सी बात है, बड़ी ही सीधी सीधी सी बात है। ठीक हो गई बात? हाँ जी सर, ये बात तो ठीक हो गई, करना क्या है। लेकिन सर कभी कभी लाइफ में हाउ टू अटेम्प्ट बोरिंग क्वेश्चंस, एग्जांपल बेस्ट एडवांटेज या वी शुड राइट कैरेक्टरिस्टिक। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मुझे भी बड़े खुंदक आती थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये ना बहुत ही पकाऊ और चिपकू क्वेश्चन है, मुझे बड़ी खुंदक आती थी इनसे, मुझे कभी भी ये पसंद नहीं आए। लेकिन आपका इंस्टीट्यूट देता है चार चार नंबर, कभी कभी छह नंबर, छह नंबर से ज्यादा की थ्योरी नहीं आती एक बार में। इंस्टीट्यूट आपको खुद हिंट दे रहा है कि मैं आपसे 10-12 नंबर का थ्योरी सवाल नहीं पूछ रहा, तो चार चार पांच पांच पेज भरने के लिए तैयार मत रहना। यू जस्ट हैव टू इंश्योर कि चार नंबर में अपनी बात कैसे बताओगे। सर ये तो बहुत पकाऊ है, ये तो बहुत पकाऊ है, इसको कैसे हैंडल करना है। लर्न सम कीवर्ड्स यानी कि हेडिंग्स, सिर्फ हेडिंग्स पढ़नी है आपने, कीवर्ड्स यानी हेडिंग्स पढ़नी है, वो लर्न करके जानी है। एक्सप्लेन इन योर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में समझाना है, लैंग्वेज रट के नहीं जानी। एन इज इक्वल टू मार्क्स, एन इज इक्वल टू हेडिंग्स। मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं, चार नंबर के सवाल में चार हेडिंग्स लिख के अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना, काम हो गया। क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा, बड़ा ऑब्वियस सा और बड़ा ही बार बार पूछे जाने वाला सवाल है, सर कितना लिखें, कितना लिखें, वो भी ऐसा पकाऊ क्वेश्चन। देखो ना जी मेरी बात समझो, अगर तो एस्केलेशन क्लॉज के ऊपर कुछ लिखने को आया, सर ये तो प्रैक्टिकल बेस्ड है, इस पे तो हम विद न्यूमेरिकल भी समझा सकते हैं, यहां तो आपके पास लिखने को कंटेंट बहुत है। लेकिन ऐसा पकाऊ सवाल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटेंट, इज कॉस्ट शीट रेलेवेंट टू डिटरमिन द प्राइस, ऐसे जो बहुत ही पकाऊ पकाऊ थ्योरी, प्योर थ्योरी के सवाल है, जिसको देखते आपको ऐसा लगता है कौन आ गया, उनको देख के आया ही नहीं कर सकते। मिनिमम 100 में से 14 से 15 नंबर का ऐसा होगा जो कि ये अय वाला होगा। इसमें आपको, अरे भाई साहब अगर पॉइंट बाय पॉइंट रटने जाओगे, लैंग्वेज बाय लैंग्वेज, तो बरसों बीत जाएंगे। सिर्फ कीवर्ड्स आपने हर चीज के रटने हैं और उसको अपनी लैंग्वेज में समझाना है। सर कैसे समझाना है? जैसे क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज के साथ करते थे आप, जैसे क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज के साथ करते थे। ठीक हो गई जी बात? हाँ सर, ये बात तो ठीक हो गई। तो ये बात बड़ी ध्यान से रखेंगे। तो अभी तक थ्योरी में हमने क्या बात की कि आप शुरू कहां से होंगे? सर आप हमारे नोट से और किताब, जो हमारे बुक्स हैं, ये वाली जो ग्रीन कलर की बुक आपको प्रो एजुकेशन ने दी है, ये वाली मोटी वाली, इसमें से आपने एक तो प्रैक्टिकल चैप्टर वाला देखना है और थ्योरी चैप्टर, आईसीआई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फिर प्रैक्टिस मैनुअल। एक बात बताऊं, किसी को बताना नहीं, जब आप ये दोनों चीजें कर चुके होगे ना, प्रैक्टिस मैनुअल तो बहुत स्पीड में हो जाएगी। ये बात मेरे से लिख लो, एक घंटे में पूरे चैप्टर्स की प्रैक्टिस मैनुअल हो जाएगी, प्रोवाइडेड आप ये दोनों पॉइंट कर चुके हो, ये पॉइंट दोनों कर चुके हो। उत्तम नगर पूछ रहे हैं, सर क्या वो एग्जामिनर पूरा पेपर पढ़ता है या ऊपर ऊपर से मोटा मोटा काम कर लेता है? मैं ये सवाल आपसे पूछता हूं, सीए के इंस्टीट्यूट अपने एग्जामिनर को 110 रुपए देता है, जो कि आपके पेपर पे 7 से 8 मिनट स्पेंड करता है, बस इससे ज्यादा नहीं, 7 से 8 मिनट स्पेंड करता है आपके पेपर पे, बहुत मानोगे 10 मिनट स्पेंड कर लेगा।
अब 10 मिनट आपने अगर 50 पेज भरे हैं टोटल, प्रैक्टिकल में पेज ज्यादा लगते हैं, अगर 50 पेज भरे हैं तो लाओ भाई 50 पेज डिवाइडेड बाय 10 मिनट, 5 पेज पर मिनट, 5 पेज पर मिनट आप हिसाब लगा लो, 5 पेज हैं भाई साहब पर मिनट सर, यानी कि एक पेज सिर्फ 12 सेकंड में, 12 सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, नेक्स्ट पेज, इतनी जो 12 सेकंड की काउंटिंग है वो स्पेंड करेगा एक पेज देखने में। आप अब खुद अंदाजा लगा लो क्या इतने से टाइम में वो एक एक वर्ड में अंदर घुस भी पाएगा, कोई सवाल ही नहीं होता, सवाल ही नहीं होता। आपने तभी तो बुलेट पॉइंट बनाने हैं, कीवर्ड्स लिखने और उसको अपनी लैंग्वेज में समझाना है, उसको आप किसी भी लैंग्वेज में बता दो, उसने पढ़नी नहीं है, उसने टोटल लेंथ देखनी है, देखना अरे वह बच्चे ने कोई डायग्राम वायग्राम बना रखा है, कीवर्ड्स देख लेगा वो, जैसे एस्केलेशन क्लॉज में व्हाट इज द कीवर्ड दैट ही इज लुकिंग एट, जल्दी से मुझे एक दो कीवर्ड भेजना एस्केलेशन क्लॉज के, जल्दी से भेजो, देखिए अगर आपको याद है कि नहीं, कीवर्ड जो उसकी नजर ढूंढ रही है एस्केलेशन क्लॉज का कीवर्ड क्या था, जल्दी से बताना तो सही जरा, मैं एग्जामिनर हूं, मैं आपका पेपर चेक कर रहा हूं, मैं आपका कीवर्ड ढूंढना चाह रहा हूं, जल्दी से बताओ व्हाट इज द कीवर्ड फॉर एस्केलेशन, सर एस्केलेशन का कीवर्ड इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन दिखना चाहिए उसको बड़ा बड़ा ऊपर, एस्केलेशन का कीवर्ड इज इन्फ्लेशन, वो उसको बड़ा बड़ा मोटा मोटा दिखना चाहिए, और सर एस्केलेशन कॉम्पनसेशन ये दिखना चाहिए, शेयर ऑफ कॉन्ट्रैक्टी ये दिखना चाहिए, ये उसको चार पांच मोटे मोटे पॉइंट दिख रहे हैं, इज सेटिस्फाइड, किसके पास फुर्सत है कि अंदर घुस के देखे कि क्या बच्चे ने पॉइंट बाय पॉइंट ग्रामर और इंग्लिश ठीक लिखी है कि नहीं, अरे छोड़ो ना बहुत दूर की बात, ठीक हो गया जी मेरी बात क्लियर हो रही है, हाँ जी सर, चलिए भाई चलिए, तो अब ऐसा करते हैं हम FM की थ्योरी से शुरू कर लेते हैं, द वे वी विल डू इज वी आर गोइंग टू टिक मार्क द क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, हम वो क्वेश्चन टिक मार्क करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन आप ये बात हमेशा ध्यान रखना कोई भी पकाऊ सवाल होगा आपने इसी तरह हैंडल करना है, आपने उसके की पॉइंट्स रटने हैं और उसको अपनी लैंग्वेज में समझाना है, की पॉइंट रट के अपनी लैंग्वेज में, हाँ जो बहुत ही क्रिटिकल सवाल है वो हम क्लास में भी उठा सकते हैं, जो बहुत क्रिटिकल सवाल है वो हम क्लास में भी उठा देंगे, ठीक हो गई बात, हाँ जी हाँ ठीक है भाई, QRS थोड़ा सा स्लो हो गया कोई बात नहीं, हम अपने FM की चैप्टर बाय चैप्टर थ्योरी करना चाहते हैं और शुरू हो जाते हैं, चलो भाई एक सीट बना लेते हैं अपनी, आप भी मेरे साथ साथ ना अपनी बुक में मार्क करते जाएंगे, ठीक है, चलो भाई जरा एक बार ये सीट बना लें अपनी और बच्चों के साथ अच्छे से थ्योरी की कुछ कुछ बातें करें, चलो भाई ऐसा करो कि दोनों पेज दिखते जाएं और वन बाय वन आपने दोनों दिखाने हैं, ठीक है भाई, मैं FM की किताब की बात कर रहा हूं, मैंने FM से शुरू किया, सब बच्चे FM की बुक खोल लें, हाँ जी, एक और बात बताऊं आपको, आपकी जो मैंने बुक बनाई है इसमें बड़े काम की चीज है, इसमें बड़ी ही काम की चीज है, ये की टॉपिक्स हैं, सिंकिंग फंड अब नहीं है कोर्स में, ये की टॉपिक हैं जो हर एक चैप्टर के बिगिनिंग में है, इससे आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी, कई बार दिशा भूल हो जाती है ना यार इस चैप्टर में था क्या यही ध्यान नहीं आ रहा, अच्छा लो हम ऐसा करते हैं कोई दूसरा चैप्टर उठाते हैं जिसमें हम ये बात समझेंगे, देखना भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें हैं, नीड फॉर कैश फ्लो, डिफरेंट कैटेगरीज, स्पेशल ट्रांजैक्शन, CFO, CFI, CFF,
यही है अपना कैश फ्लो में। इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि इस पूरे चैप्टर में था क्या। चलो भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी से शुरू करें। देखो भैया 25 चैप्टर करने हैं 2 घंटे में, तो 12 चैप्टर 1 घंटे में, 5 मिनट में 1 चैप्टर की एवरेज आ रही है, 5 मिनट में 1 चैप्टर की एवरेज आ रही है। शुरू करें, कुछ चैप्टर बहुत छोटे हैं जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मुझे नहीं लगता कि इसका थ्योरी सवाल आएगा, लेकिन ये पर्टिकुलर सवाल ऑलरेडी इंस्टीट्यूट 2 बार पूछ चुका है, ये पर्टिकुलर सवाल इंस्टीट्यूट ऑलरेडी 2 बार पूछ चुका है। थोड़ा सा और जूम इन करना पड़ेगा, एक बार में 1 पेज, हाँ बस, और आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, ठीक है मोहित, मेरी पेंसिल बताएगी आपको कहां देखना है। ये सवाल आप ऑलरेडी 2 बार आ चुका है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट दिस माइट कम, तो ये आपका रेलेवेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन फाइनेंशियल डिसीजन, इसमें उसने कुछ कुछ टीवीएम को ही समझाया हुआ है, इसमें उसने टीवीएम को ही समझाया हुआ है। तो आपको पता है इसे कैसे करना है? सर उसने इसकी यहां पर तो थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, फिर उसका थोड़ा सा मीनिंग बताया हुआ है, और सर हम एक एग्जाम में एग्जाम्पल दे देंगे, तो आपका 4 नंबर में से 3 मोटे बुलेट पॉइंट्स हो गए, आपका काम खत्म, आपका काम खत्म। आराम से देख रहे हो कितना छोटा सा आंसर लिखा हुआ है, ये इंस्टीट्यूट का आंसर है, इतना छोटा सा आंसर लिखा हुआ है, अगर आप इसको अपने वर्ड्स में लिखोगे तो बड़े आराम से आधे पेज से भी कम में आ जाएगा। इंस्टीट्यूट कह रहा है भैया 4 नंबर में मैं बच्चे से इतना ही लेंथ एक्सपेक्ट करता हूं, जबरदस्ती के पोथे मत बनाओ, नहीं चाहिए मुझे बच्चा ऐसा जो रट रट के बैठा। तो ये जो थ्योरी है ये आप ऑलरेडी टीवीएम में जो हमने बात समझाई थी, व्हाट इज इंटरेस्ट, व्हाट इज इन्फ्लेशन और T0 है T1, ये सारी ड्रामेबाजी, कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग, ये सारी चीज कर चुके हो। देखो जी रियल परचेजिंग पावर आ गया आपका, इन्फ्लेशन वाली बात है ना भाई, तो ये सारी बातें हैं आपकी इसमें, ये आपने 3-4 चीजें अच्छे से पढ़ के जानी है, की पॉइंट्स। आ जाओ भाई, और मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में से थ्योरी आने का, रेशो पे आ जाओ फटाफट से, स्पीड से चलेंगे, रेशो पे आ जाओ। रेशो में आपने सारे रेशोज और उनके फॉर्मूले जो हैं वो तो करने ही हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, आपने करने ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपने कुछ थ्योरी क्वेश्चन भी करने हैं, जैसे कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेशो करता क्या है? सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करता है। भैया होता क्या है? अच्छा भाई मुझे पीआईपी में ले लो, मुझे पीआईपी में ले लो, ले सकते हैं क्या? नहीं भाई पीआईपी में कैसे लोगे, फ्रीज थोड़ी हो रहा है, ये पीआईपी थोड़ी आ सकता है ना जी, हाँ पर फिर बुक बुक नहीं आएगी, है ना जी, हाँ ठीक है, पीआईपी में कैसे आएगा, वो तो फ्रीज में आ सकता है बस। भुवनेश्वर बेटा ये तो मूविंग है ना, मुझे पीआईपी में कैसे लेंगे? चलो भाई एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझो जरा। सर इसका क्या मतलब है? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, दिस इज द कीवर्ड दैट यू विल हैव टू लर्न। व्हाट इज द कीवर्ड? द रिलेशनशिप की स्टडी अमंग डिफरेंट फाइनेंशियल डेटा। अब इसको अपनी लाइन में, अपने मतलब से, अपनी लैंग्वेज में समझाना है, कौन सी बड़ी बात है। सर एक और कीवर्ड दिख रहा है क्या? बताना जरा ये लाइन पढ़ के, 1, 2, 3। अच्छा मैं हिंट दे रहा हूं, लाइन नंबर 2 में कीवर्ड ढूंढो सब बच्चे, लाइन नंबर 2 में कीवर्ड जो आपने याद रखना है। कौन याद रखेगा इतना लंबा सेंटेंस? ये एग्जैक्टली सुभाष नगर, अरे भुवनेश्वर कमाल हो गया हमारे बच्चे, अरे रोहतक, उत्तम नगर, लालकोटी, सब बच्चों ने एक एक चीज ठीक बताई है, डिसीजन मेकिंग पर्पस। तो मैं अगर आपसे बात करूं बेटा ये 3 चीजें कर जाओ, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल डेटा फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग, इसको बिजनेस स्टडीज की तरह थोड़ा सा खींच खींच के बता देना, थोड़े बहुत बुलेट पॉइंट्स बना देना, ठीक हो रही है बात? इस तरह से आपने थ्योरी करनी है। सर रेशो काम कहां आता है? किसी फर्म की चीजें एनालाइज करने में, लिक्विडिटी, एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी। अरे सर ये तो वही रेशियोज हैं, ये तो वही कैटेगरीज हैं जो रेशियोज बताते थे,
लिक्विडिटी पोजिशन, लिक्विडिटी रेशियो, एफिशियंसी, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट, ये तो वही चीजें हैं जो हम ऊपर देख रहे थे। अरे हाँ, पहला पॉइंट तो वही हो गया। दूसरा पॉइंट, सर गप्पे मारी हुई है, फाइनेंशियल पोजीशन पता नहीं क्या है, छोड़ो ना, मारो गोली। हेल्प इन द फॉर्म का कंपैरिजन विद अदर फॉर्म्स, हाँ सर ये बात तो ठीक है। यमुनानगर कह रहे सर अंडरलाइन करना है क्या कीवर्ड को, बेटा अभी तो करना ही है क्योंकि अभी तो आप मार्क कर रहे हो ये बातें, लेकिन एग्जाम में भी करना है। एग्जाम में तो कीवर्ड चमकने चाहिए, जैसे किसी पार्टी में जिस बच्चे का बर्थडे हो उस बच्चे का नाम स्टार पे लिखा जाता है कि पार्टी में आने वाला कुछ भी मिस कर दे इस स्टार को मिस नहीं करेगा, इस स्टार पे ही बच्चे का नाम लिखा जाता है। ऐसा ही कीवर्ड है, ऐसा ही कीवर्ड है। हाइलाइटर बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, लो सीआईडी, हाइलाइटर बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, आपने सिर्फ पेंसिल से हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है, बस दैट इज ऑल, और कुछ भी नहीं। सर क्या हम पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर लो, थोड़ा रिस्क है, पता चला गलत वर्ड अंडरलाइन हो गया तो, गलत वर्ड अंडरलाइन हो गया फिर तो सर बेटर है पेंसिल ही ले लेंगे, ठीक हो गई बात। कॉमन साइजिंग, कॉमन साइजिंग मुझे लगता नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आसान सा लिखा हुआ है इसलिए कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद तो हमारे डिफरेंट रेशियोज ही आ गए, हमारे रेशियोज आ गए सारे के सारे, और उसके बाद फिर हाँ वही रेशियो एनालिसिस की इंपॉर्टेंस हो गई। देखो वही सवाल घुमा घुमा के दिया हुआ है, मेरी बात समझना, आप अभी रेशियो एनालिसिस क्या, आपने फाइनेंशियल एनालिसिस की अच्छाइयां देखी थी, कॉमन चीजें हैं, कॉमन चीजें हैं। वहां लिखा था फॉर्म कंपैरिजन कर सकते हैं, लिक्विडिटी एफिशिएंसी ये सब पता कर सकते हैं, रेशियो एनालिसिस में मैं हाथ हटा रहा हूं, आप देखना क्या निकलेगा, लिक्विडिटी पता कर सकते हो, सॉल्वेंसी, ऑपरेटिंग, प्रॉफिटेबिलिटी, इंटर फॉर्म, है कि नहीं डिट्टो सेम सारी चीजें, बिल्कुल वही चीजें हैं, डिट्टो सेम एज। क्वेश्चन नंबर वन, बेटा कॉस्ट एफएम की थ्योरी यही होती है, यही होती है, एक ही मुद्दा होता है, ये रहा मुद्दा, उसको अलग अलग चीजों से पूछा जा सकता है, आपने बस मेन मुद्दा आइडेंटिफाई करना है। हेडिंग्स में दो लाइन लिख दी काफी है, हेडिंग्स में दो लाइन लिख दी काफी है, देखो ना यहां भी तो वही कर रहे हैं वो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करें, क्वेश्चन नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रेशियो, बड़ी सिंपल है, स्टैंडर्ड है, कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट, एंड ड्यूपॉन्ट एनालिसिस दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ड्यूपॉन्ट एनालिसिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये दोनों के आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। चलो भाई रेशियो एनालिसिस, उसके बाद आइए जी, आप लोगों का वेलकम है टू दी AS3, बार बार क्या लिखा था, AS3 रिवाइज्ड, AS3 रिवाइज्ड। सर इसमें क्या क्या बताया था, व्हाट इज CFO, व्हाट इज CFF, व्हाट इज CFI, ये सब नहीं आता, इतने बच्चों वाली चीजें नहीं आती। हां फिर भी अपने को पता होना चाहिए, तो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैश फ्लो, और नीचे दिखाएं भाई, भाई ये नहीं चलेगा आज, कैश फ्लो और फंड फ्लो के बीच का डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। एक फंड्स पकड़ता है, कैश पकड़ता है, एक वर्किंग कैपिटल, एक ओनली कैश, एवरी फंड फ्लो इज नॉट कैश फ्लो, देयर मे नॉट बी अ फंड फ्लो बट देयर मे बी अ कैश फ्लो, ये सारी बातें हमने अपने प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले लिखी थी। ये AS3 बताता है, ये कोई सा भी AS नहीं बताता, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट होता है, ये किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होता, ये मैंडेटरी है बनाना, ये नॉन मैंडेटरी है बनाना। तो आपने देखो ना इस तरह से कितने सारे क्वेश्चन और कितने सारे पॉइंट तो खुद ब खुद कर रखे हैं, ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, हाँ जी बात क्लियर है। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट,
वो ठीक है, ये भी करके जाना है। सर क्या लिमिटेशन है? ये सिर्फ कैश पकड़ता है, नॉन कैश पकड़ता ही नहीं है, ये फंड्स नहीं पकड़ता। जो दूसरों की अच्छाइयां है इसकी बुराइयां है, ठीक है ना? बात ऐसे बड़ी सिंपल टर्म्स में हो जाएगी। ये नहीं मुझे उम्मीद है, बाकी डिफरेंट एक्टिविटीज करके बताओ। बताओ ये कोई करने की बात है? सीएफओ क्या होता है, सीएफएफ क्या होता है, सीएफआई क्या होता है? हाँ, इस पे हमने नोट भी लिखा है और ये इंपॉर्टेंट भी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सर कीवर्ड्स क्या बन रहे हैं इसमें? कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म, हाईली लिक्विड, रेडिली कन्वर्टेबल, इन सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, इन सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। ये कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं आपके, यानी सर कैश इक्विवेलेंट वो चीज होगी, हिंदी में बताओ कैश इक्विवेलेंट ये वो चीज है जो कैश तो नहीं है लेकिन कैश के बराबर है। कैश तो नहीं है लेकिन कैश के बराबर है। जमुनानगर कह रहे थे आपने तो यहां पैरा में लिखा हुआ है, यू आर एब्सोल्यूटली राइट, इट इज बेटर टू राइट इन बुलेट्स, इट इज बेटर टू राइट इन बुलेट। मैं अगली बार से इसको बुलेट में कर दूंगा। लो जी लिख दिया आपके कहने पे, डू बुलेटिंग, ठीक हो गई जी बात। हाँ सर ये कैश फ्लो हो गया। अच्छा अब कैश फ्लो में अगर फंड फ्लो का डिफरेंस आया तो जाहिर सी बात है फंड फ्लो में कैश फ्लो से डिफरेंस आएगा। वो तो एक ही बार होगा सवाल, दो बार थोड़ी होगा, वो तो एक ही बार होगा। तो फंड फ्लो का कैश फ्लो से भी डिफरेंस मांगा गया है, वो सेम है, कॉपी पेस्ट करा हुआ है। और ऑन दी अदर हैंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द डिफरेंस ऑफ फंड फ्लो विद इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। रटना नहीं है, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। बैलेंस शीट क्या होती है? सालों से बना रहे हो। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? सालों से बना रहे हो। फंड फ्लो क्या होता है? इस साल अच्छे से बना लिया, ठीक है जी, बात क्लियर हुई। फंड फ्लो हो गया। एफएम की थ्योरी बहुत ही क्रिस्प आने वाली है, बहुत ही क्रिस्प। और हमने जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ चीजें लिखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जरा याद कर लें क्या क्या था, याद कर लें क्या क्या था। याद आया बच्चों कॉस्ट ऑफ कैपिटल में? सर अलग अलग सोर्सेज होते थे, हम सबकी इंडिविजुअल कॉस्ट निकालते थे। सर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे ज्यादा फोकस करते थे क्योंकि अलग अलग तरीके से निकलती थी। उसके बाद सर हमें बीटा भी निकालना सिखाया था। और सर ये प्रॉक्सी मॉडल, प्रॉक्सी मॉडल ध्यान है आपको, प्रॉक्सी ई अपॉन पी। फिर सर वेट्स का फंडा होता था, बुक वैल्यू है कि मार्केट वैल्यू। और फिर सर हम वैक निकालते थे, फिर एंड में एमसीसी निकाल देते थे। हाँ 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 गॉर्डन और कैपम, वेरी गुड वेरी गुड। देखो दोनों चीजें लिखी हैं, ये लिखा गॉर्डन, ये लिखा कैपम, ये दोनों चीजें लिखी हैं। ठीक है जी। हाँ सर थोड़ी सी चीजें यादें ताजा हो गई, तो फिर आओ इसी बात पे आओ। लो भाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितने बच्चों वाली बातें कर रहा है, ये कोई कहने वाली बात है? ईवीए इंपॉर्टेंट, ईवीए इंपॉर्टेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट। हाँ बीकॉम सीए का एग्जाम्पल दिया था हमने जब सीए पीएम करा रहे थे, वेरी गुड वेरी गुड। एंड द सिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क होती है जो सबको बराबर तरीके से इंपैक्ट करती है।
अनसिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क है जो हरेक को इंडिविजुअल तरीके से इंपैक्ट करती है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर एग्जाम डिफिकल्ट बन गया या फिर फीवर, इन दोनों में बताओ, ये दोनों रिस्क है, कौन सी रिस्क अनसिस्टमैटिक है यानी इंडिविजुअल स्पेसिफिक है? किसी बच्चे का बीमार पड़ना क्या ये सबको बराबर इंपैक्ट करेगा या सिर्फ उस बच्चे को इंपैक्ट करेगा? सर जाहिर सी बात है, किसी को भी फीवर होना अनसिस्टमैटिक है, और एग्जाम डिफिकल्ट आया सर ये तो सभी के लिए डिफिकल्ट आया, या मैं कह दूं आउट ऑफ कोर्स, या मैं कह दूं आउट ऑफ कोर्स आया। तो जो बीटा होता है अपना कैपम वाला बीटा, वो सिस्टमैटिक रिस्क फॉलो करता है, जो रिस्क सबको इंपैक्ट करती है। ठीक है जी, एनी रिस्क विच इंपैक्ट्स एवरीवन इन द कंट्री। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आपके कंट्री में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, लोन लेना महंगा हो गया, इंटरेस्ट रेट्स, लोन लेना महंगा हो गया, इसकी वजह से लोगों ने लोन लेने कम कर दिए, इसकी वजह से आपकी गाड़ियों की सेल गिर गई। तो मुझे बताओ कौन सी कंपनी इंपैक्ट होगी, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी या सारी कंपनीज? जल्दी से बताना कौन सी कंपनी इंपैक्ट होगी, कोई एक कंपनी या सारी कंपनीज इंपैक्ट होंगी? सर सारी कंपनीज इंपैक्ट होंगी। तो ये जो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना है ये कौन सा रिस्क है? सर ये हमारा सिस्टमैटिक रिस्क है, ये हमारा सिस्टमैटिक रिस्क है। इज दिस अ कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर? आंसर इज नो। बस ये होता है आपका सिस्टमैटिक रिस्क। चलिए जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बड़ी अच्छे से हमने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की भी कुछ कुछ बातें करी थी, और उसके बाद हमने करना था कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग। व्हाट इज लिवरेज आपको पता है, उसके बाद ये सब बच्चों वाली बात है, कुछ भी ज्यादा खास काम का नहीं है। इंपॉर्टेंट पेज 86 पॉइंट नंबर 4, ईपीएस वॉलेटिलिटी। वॉलेटाइल का मतलब होता है कम ज्यादा होना, वॉलेटाइल का मतलब होता है कम ज्यादा होना। हां लिवरेज कीवर्ड, डबल एज्ड स्वॉर्ड, लिवरेज इज द कीवर्ड, डबल एज्ड स्वॉर्ड। ऊपर से ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? ये मैं आपको सीए फाइनल में भी पढ़ाऊंगा दोबारा, आई विल टीच यू इन सीए फाइनल ऑल्सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये क्या होता है, किस पे बंदा गेम खेल रहा है, ट्रेड तो कर रहा है लेकिन किसको? इक्विटी को, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अरे वाह रोतक, मजा कर दिया तुमने, मजा कर दिया। कह रहे सर डेट का अमाउंट बढ़ा लो, इक्विटी वापस कर दो। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इट इज। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या हमेशा इससे फायदा होगा? आंसर इज नो, हमेशा इससे फायदा नहीं होगा। सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज इक्वल टू डेट का अमाउंट बढ़ाना। अगर आपको डेट पे जो इंटरेस्ट देना है, अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ग्रेटर देन KD1-T, डेट मैटर्स इज बेनिफिशियल। डेट बढ़ाना बेनिफिशियल है, एंड वाइस वर्सा। देखो भैया ये वो है जो सब लोग कमा के ला रहे हैं, ये वो है जो मैंने उधार के पैसे पे देना है, परसेंटेजेस में गेम खेल रहा हूं, 14% कमाया और 15% उनको देना पड़ रहा है, ऐसे में कौन चाहेगा कि मैं उधार लूं, 1% तो मैं लॉस ही कर रहा हूं। लेकिन सर अगर ये 12% होता, 14% मैं कमा के ला रहा हूं, 12 देना पड़ रहा है, दैट मीन्स
आपका 2% सीधा सीधा सेविंग हो रही है, 2% सीधा सीधा सेविंग हो रही है, ठीक हो गई बात? हाँ जी सर, ये बात ठीक है। तो सर और हमारे क्या क्या क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल रिस्क इज ओनली द कैपिटल स्ट्रक्चर रिस्क, सिर्फ डेट से आने वाली, एंड बिजनेस रिस्क इज ओनली ऑपरेशनल रिस्क। ये दो बड़ी अलग अलग तरीके की बातें हैं। बिजनेस रिस्क मतलब जो ऑपरेशनल हो, इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं घुसेगा, ठीक है जी? हाँ सर, ये बात ठीक है। लेवरेज्ड लीज समझे आप, व्हाट डू यू मीन बाय लेवरेज्ड लीज? और इसको समझने के लिए बोर्ड देखें, बैठे बैठे बोर्ड लगाएं। ये रहा लेसी और ये रहा लेसर, ये रहा मेरा एसेट। आपने लीज वाला सवाल किया हुआ है ना, लीज वाला सवाल किया है आप लोगों ने। लीज क्या होती है सर? जब भी कोई यूजर काम करना चाहे, उसके पास पैसे ना हो, तो वो दूसरों से उधार मांग लेता है। लैंड द एसेट, यही होता है जी लीज। जो बंदा एसेट देता है उसको लेसर कहते हैं, जो एसेट लेता है उसको लेसी कहते हैं, लेसर एंड लेसी। सर इसमें लिवरेज लीज कहां से घुस गया जो अभी तक बातें हो रही हैं? ध्यान से बात समझना। ये गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी इज ओन्ड बाय लेसर। व्हाट इफ लेसर हिमसेल्फ डजंट हैव मनी? अब बताओ ना, लेसर को गाड़ी देनी है दूसरे को, लेकिन उसके खुद के पास पैसे नहीं है। 5 लाख रुपए की गाड़ी है, 4 लाख उसके पास गैप है, 1 लाख वो अपनी पूंजी लगाएगा, तभी तो 5 लाख की गाड़ी आएगी। आपने लोन लिया, 5 लाख का एसेट आपने परचेज किया, आपकी जर्नल एंट्री बताऊं क्या होगी? मोटर व्हीकल डेबिट टू कैश टू लोन। आपने मोटर व्हीकल खरीदा किस पर्पस के लिए? लीज के पर्पस के लिए, और वो मोटर व्हीकल उधार पे खरीदा गया है, यानी कि लेसर ने एसेट खरीदने के लिए लोन लिया। लेवरेज्ड लीज, लीवर मतलब डेट। अगर डेट का रोल है लीज में लेसर के एंड पे, उसको बोलते हैं लेवरेज लीज। यस, स्प्रिंगबोर्ड आ गया। किसकी बुक्स में स्प्रिंगबोर्ड आ गया? लेसर की बुक्स में स्प्रिंगबोर्ड आ गया, क्योंकि उधार किसने लिया है? लेसर ने लिया है। क्यों लिया है भाई? सर गाड़ी खरीदने के लिए। क्यों खरीदनी है गाड़ी? सर उधार पे देनी है आगे। मैंने कहा यार लेसर, तुम्हारे पास खुद तो पैसे है नहीं, तुम दूसरों को गाड़ियां उधार पे देते जा रहे हो। आप एक बात समझो, इसी चीज को दूसरी तरीके से भी तो बनाया जा सकता है। क्या सर? भैया ऐसा है, 1 लाख रुपीज का लोन ले ले लेसी कहां से? लेसर से। उसके पास 1 लाख ही तो है, समझना मेरी बात। 1 लाख रुपए है लेसर के पास, वो लोन पे दे दो, और 4 लाख कब बजाय इसके लिए आप लोन लो, लेसी को बोल दो ना भाई खुद लोन ले ले। तो लेसी के पास 5 लाख हो गए, नाउ ही विल बिकम द ओनर ऑल्सो। ये दूसरी अप्रोच है।
ये दूसरी अप्रोच है, इसके बारे में सीए फाइनल में कुछ कुछ बातें करेंगे। लेकिन खैर अभी हम ऐसा नहीं करते। लीज में अपन क्या करते हैं, हमारे पास पैसे कम पड़ जाते हैं, हम उधार ले लेते हैं, जो उधार लिया उसकी वजह से डेट आ गया, डेट की वजह से लीवर आया, देयरफॉर लीज इज कॉल्ड एज अ लेवरेज्ड लीज। ठीक हो गई जी बात? हाँ जी सर, लेवरेज लीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा एक और चीज बताना, एक और चीज बताओ, बैंक को पैसे कौन दे रहा है? मैं देखना चाहता हूं आपको बिजनेस समझ में आया कि नहीं। बैंक को पैसे लेसी दे रहा है कि लेसर दे रहा है? बैंक को पैसे लेसी दे रहा है कि लेसर दे रहा है? वेरी गुड यमुनानगर, वेरी गुड सुभाष नगर, जल्दी जल्दी बताओ और कौन कौन बताएगा। बैंक को पैसे कौन दे रहा है इसमें? ये मेरी गाड़ी है जो मैंने खुद उधार पे लिया है। तो भाई साहब उधार किसने किसको दिया? सर बैंक ने तो दिया लेसर को, लेसर ने आगे दिया लेसी को। तो जब रीपेमेंट की बारी आएगी, लेसी देगा लेसर और उसमें से लेसर देगा बैंक को। टू लोन, वही बात हुई, 100 रुपए मिले उसमें से 80 दे दिए और 20 रुपए नेट कमाई लेसर की। रोहतक बेटा बैंक से पैसे मिल रहे हैं लेकिन आपको लोन तो चुकाना है, आपको लोन तो चुकाना है। ठीक है जी सर, इसी तरह हमने एक वर्ड सुना है, इसी तरह हमने एक वर्ड सुना है, क्रॉस बॉर्डर लीज। आप मुझे खुद बताओ, मैं नहीं बता रहा, व्हाट इज क्रॉस बॉर्डर लीज, व्हाट इज क्रॉस बॉर्डर लीजिंग, जल्दी से बताना क्रॉस बॉर्डर क्या होगा। अब मैं आपको कुछ नहीं बता रहा लेकिन कॉमन सेंस क्या कहती है, व्हाट इज क्रॉस बॉर्डर अकंपनीड विद अ लीज कॉन्ट्रैक्ट, जल्दी से बताना व्हाट इज क्रॉस बॉर्डर, व्हाट इज क्रॉस बॉर्डर, व्हाट इज क्रॉस बॉर्डर, व्हाट इज क्रॉस बॉर्डर। क्रॉस बॉर्डर भाई QRS नहीं चल रहा ऐसा प्रतीत हो रहा है। सर जब ये दोनों अलग अलग कंट्री से हो, जब दोनों की कंट्री अलग अलग हो, इट्स अ क्रॉस बॉर्डर थिंग, इंटरनेशनल लीज। यस सुभाष नगर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, 100% इंटरनेशनल। चलो भाई देखिए भाई आगे कहां पहुंचे हम, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग तो हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। आइए भाई वापस आ जाते हैं, ये आपको हमने चारों थ्योरी कराई थी, चारों थ्योरी की अजम्पशंस भी क्लियर है और स्टेप्स भी क्लियर है। प्लीज दिस इज इंपॉर्टेंट, चारों थ्योरियां फॉर थ्योरी पॉइंट ऑल्सो प्लीज इधर लिख दें, इंपॉर्टेंट। ये चारों थ्योरियां इंपॉर्टेंट हैं, इसमें क्या बताना है अपने को, मीनिंग, साइकोलॉजी, एग्जाम्पल। एंड स्टेप्स चार नंबर का है, बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं आएगी। साइकोलॉजी भी बतानी बड़ी जरूरी है। ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि बड़ा ही सुपर डुपर क्रिटिकल है। अजम्पशंस टेकन बाय MM, अजम्पशंस टेकन बाय MM, ध्यान है आपको MM कौन था,
हाँ सर ध्यान है, एमएम कह रहा था एनओआई वाली बात, दोनों कह रहे थे इनिशियली में डेट डज नॉट मैटर, कितना भी बढ़ा दो या कम कर दो, लेकिन लास्ट में कह रहा था, क्या कह रहा था एमएम, कह रहा है सर डेट बढ़ाने से फायदा होगा इस अगर टैक्सेस होंगे तो, इफ देयर आर नो टैक्सेस तो एमएम कहता था जी कुछ भी कर लो फर्क नहीं पड़ता, नाउ डेट स्टार्ट्स टू मैटर, ये आपकी एमएम की। और हमने कुछ कुछ अजम्पशंस ली हैं, प्लीज ये अजम्पशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये अजम्पशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज इसको ध्यान से करके जाएं। ठीक हो गई बात, पक्का पक्का एकदम। और उसी के साथ क्रिटिसिज्म ऑफ एमएम लिखा है, तो एमएम थ्योरी पॉइंट से भी आ जाता है, इसीलिए एमएम सब सुपर डुपर क्रिटिकल है। ठीक है जी, हाँ सर। और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी दोबारा आ गया, डेट इक्विटी वाली बातें दोबारा हो गई, इंडिफरेंस पॉइंट भी पूछ रहा है कुछ कुछ। वही कह रहा है जी, बताओ मोदी गिलानी एंड मिलर की अप्रोच ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वही सारी बातें कि भाई डेट शुरू में तो मैटर नहीं करेगा क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, मेन पैसा कमाओगे उससे वैल्यू बढ़ेगी, सिर्फ डेट और इक्विटी खेलते खेलने से कुछ नहीं वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन बाद में आपको यह भी लिखना पड़ेगा जब टैक्सेस आ गए थे फिर क्या हुआ था। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर द थ्री बेसिक प्रोपोजिशंस, कह रहे जी मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इंडिपेंडेंट द वेट इज फाइनेंस, ये बिल्कुल एनओआई की भाषा बोलता है, बिल्कुल एनओआई की भाषा बोलता है, लेकिन टैक्सेस होते हैं सोई हालत खराब हो जाती है। ठीक है जी, डन हो गई बात। चलो जी सर आगे बढ़े, थ्री प्रोपोजिशंस आर वेरी वेरी क्रिटिकल, देखिए जरा एक बारी एमएम प्रोपोजिशन का क्या मतलब होता है। अरे बिल्कुल भी टेंस नहीं है, थ्योरी पढ़ा रहे हैं थोड़ा फोकस्ड तरीके से जिससे कि आपका ध्यान ना भंग हो, बिल्कुल ध्यान लेफ्ट से राइट ना हो, एक बार एफएम की थ्योरी कर लेते हैं फिर कॉस्ट से पहले ब्रेक ले लेंगे। ठीक है जी, हम ऑलरेडी 6 चैप्टर कर चुके हैं, सिर्फ 2 बचे हैं एफएम में, जरा 3 बेसिक प्रोपोजिशन तो देख लो, 3 बेसिक प्रोपोजिशन तो देख लो एमएम के कि एमएम भाई साहब कहना क्या चाह रहे हैं। सर एमएम भाई साहब कहना चाह रहे हैं कि मार्केट वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट इक्विटी खेलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू द कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ अ प्योर इक्विटी प्लस अ प्रीमियम फॉर फाइनेंशियल रिस्क, ये पता किसकी बात कर रहा है, ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाली बात लिखी है ये पता क्या कह रहा है वो, आप किसी को बताना नहीं, आप भी कर चुके हो ये बात, मैं बताता हूं कहां करी है आपने, आप सब लोगों ने वैट इज इक्वल टू KDWD प्लस KEWE करा हुआ है, इसमें के ई को एक तरफ छोड़ के बाकी सब को दूसरी तरफ ले जाओ, बोर्ड पे देखें भाई, ये दूसरा प्रोपोजिशन है एमएम का, क्या बोलते हैं एमएम भाई साहब, कह रहा है जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी में एग्जैक्टली उतना इंक्रीज आएगा कि सारा फायदा नलीफाई हो जाएगा, वैक माइनस KDWD इज इक्वल टू KEWE, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू वेट ऑफ इक्विटी, कह रहा जी ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है इट विल इंक्रीज
जितना ज्यादा आपका डेट, जितना ज्यादा डेट बढ़ेगा यानी वेट ऑफ डेट, उतना ही वेट ऑफ इक्विटी गिरेगा जो कि डिनोमिनेटर में है। जितना ज्यादा वेट ऑफ इक्विटी गिराओगे, डिनोमिनेटर छोटा करोगे, उतना ही पूरा नंबर बढ़ जाएगा। ये तो मैथ्स आता है अपने बच्चों को। आपका जैसे जैसे वेट ऑफ डेट बढ़ेगा उतना ही डर लगने लगेगा इक्विटी को, इक्विटी का वेट कम होगा तो ओवरऑल नंबर बढ़ेगा। हाँ बताया था मैंने, यस ये एमएम का दूसरा प्रोपोजिशन है। पहला प्रोपोजिशन एमएम का था सर वैल्यू बढ़ानी है तो मेहनत करो, ड्रामे करने से कुछ नहीं होगा, केओ विल रिमेन सेम, केओ विल रिमेन सेम। आपकी मेहनत करने से फायदा होता है, ईबीआईटी बढ़ाने से फायदा होता है, और कुछ नहीं होता। ठीक है जी, चलो तीसरा पॉइंट, और वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि सिर्फ थ्योरी पॉइंट है, इसका प्रैक्टिकल से मतलब नहीं था इसीलिए उसको यहां उठा रहे हैं। जरा पढ़ें पॉइंट नंबर थ्री, कह रहे द कट ऑफ रेट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वे इन्वेस्टमेंट इज फाइनेंस्ड, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन बिल्कुल अलग अलग हिसाब किताब से होता है, करने वाला बंदा भी अलग होता है। फाइनेंस मैनेजर के तीन पार्ट्स होते हैं ना, त्रिमूर्ति होता है फाइनेंस मैनेजर। एक तो सबसे पहले लेता है फाइनेंसिंग डिसीजन, फिर लेता है इन्वेस्टिंग डिसीजन, और तीसरा लेता है डिविडेंड डिसीजन। ये तीन रोल होते हैं। पॉइंट नंबर थ्री क्या कह रहा है, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में कोई ताल्लुकात नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट बातें हैं। थोड़ा अजीब लग रहा है ना सुनने में, ये एमएम है, यही ड्रामेबाज है, पागल है बिल्कुल, उल्टी पुल्टी बातें करता है। हमने तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बताया था कि भैया जो फाइनेंशियल डिसीजन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी वही तो हमारा वैक बनेगी, वही तो डिस्काउंट रेट बनेगी, यानी देयर इज अ लिंकेज बिटवीन द टू। लेकिन एमएम इस बात को मानता ही नहीं है, कह रहा है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, जितना रेट मुझे इस प्रोजेक्ट से चाहिए उसका कोई लेना देना नहीं है, मैंने अपनी फंडिंग कहां से करी हुई है। मैंने कहा यार ऐसे कैसे कह सकते हो, कह रहे बस कह दिया मतलब कह दिया, कह दिया मतलब कह दिया। पॉइंट नंबर फोर लिख रहे, पर्सनल लेवरेज कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर कॉर्पोरेट लेवरेज। कुछ याद आया क्या, मैंने ये पॉइंट थ्योरी में लिखवाया था भाई, नीचे देखना पड़ेगा आज कैसे चलेगी बात। पर्सनल लिवरेज कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय कॉर्पोरेट लिवरेज, यस इस पे तो प्रैक्टिकल भी किया था, वही प्रैक्टिकल जो बड़ा लंबा था जिसमें हमने कहा था एक शेयर होल्डर एक्स छोड़ के वाई में गया, बताओ उसको फायदा हुआ कि नुकसान। हमने करा था तो उसको फायदा हुआ था, बिल्कुल फायदा हुआ था। ठीक हो गई बात, यस सर कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज भी हो गया सर, अब क्या बचा है। सर अब जरा बड़े और भारी चैप्टर बचे, क्या वर्किंग कैपिटल और कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल और कैपिटल बजटिंग। आप वर्किंग कैपिटल पूरे का पूरा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी मार्क कर ले। यमुनानगर ने बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन पूछा, कह रहे सर अगर 32 मार्क की थ्योरी अटेम्प्ट करें तो बेनिफिशियल है या प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। देखो जी बड़ी सीधी सीधी बात है, थ्योरी का गेम लो रिस्क लो रिटर्न, प्रैक्टिकल का गेम हाई रिस्क हाई रिटर्न। ये बात आपको एफएम से बेहतर कोई समझा ही नहीं सकता, अच्छा हुआ आपने मुझसे पूछ ली। आपने तो ये बात सीखी हुई है कि जिसमें रिस्क ज्यादा उसमें रिटर्न ज्यादा, विच इज योर प्रैक्टिकल टॉपिक।
हाँ थ्योरी में कभी ना पूरे नंबर मिलेंगे ना पूरे कटेंगे, प्रैक्टिकल में मिले तो पूरे लेकिन रिस्क है जीरो बटा अंडा होने का भी। सो देयरफॉर आपका सवाल है डिपेंड्स ऑन द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव टू अटेम्प्ट द प्रैक्टिकल। अगर प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से आता है यू शुड डेफिनेटली प्रेफर दैट, लेकिन अगर प्रैक्टिकल आपको ज्यादा अच्छे से नहीं आता यू शुड नेवर डू प्रैक्टिकल, ऑलवेज स्ट्रेस ऑन थ्योरी। ठीक है जी, चलो भाई चलो, ये कुछ कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें से हम कुछ तो कर भी चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है ऑप्टिमम लेवल क्या होता है, इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्टेंट। सीए फाइनल में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएगा कुछ तो मैंने देखा आईपीसीसी के टीचर, और आपके प्रैक्टिस मैनुअल में भी आप देखोगे, प्रैक्टिस मैनुअल में भी देखोगे फैक्टरिंग पे सवाल किया हुआ है। मैं अपने बच्चों को फैक्टरिंग पे सवाल नहीं कराता, अगर फैक्टरिंग पे खुदा ना खास्ता 100 में से एक अटेम्प्ट में आएगा उसको छोड़ के दूसरा कर लेना भाई, क्योंकि फैक्टरिंग जब तक आप सीए फाइनल की बाकी चीजें नहीं सीखोगे नहीं आएगी। मैं रटवा भी दूंगा वहां होना आना कुछ है नहीं, गलत करके आओगे अननेसेसरी, आपके माइंड के हिसाब से तो काम करना पड़ेगा। आज आपका माइंड फैक्टरिंग समझने के लिए तैयार नहीं है, फैक्टरिंग सीखने के लिए सीए फाइनल लेवल पे जाना पड़ेगा, 3 साल की आर्टिकलशिप में अपने आप को पीसना पड़ेगा फिर बात समझ में आएगी। तो इसीलिए आप सिर्फ इसको एज थ्योरी क्वेश्चन करेंगे, आप इस पे अगर प्रैक्टिकल आ जाए तो उसको छोड़ देंगे, लाइफ आपकी बड़ी सिंपल हो जाएगी, चॉइस मेकिंग वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। बात क्लियर हो रही है? प्रैक्टिकल पे कई टीचर्स कई बार प्रैक्टिकल भी करा देते हैं, फैक्टरिंग पे आई डोंट थिंक वो पता क्या करते हैं, मैं तो बड़े खुलेआम कहता हूं वो बच्चों को 3 स्टेप रटवा देते हैं। एग्जाम में आता है कुछ का कुछ, बच्चे आंख बंद करके 3 स्टेप लगवाते हैं अंडा मिलता है, क्योंकि फैक्टरिंग को समझने के लिए प्रैक्टिकली और बहुत कुछ करना है। क्या हो गया, जेडी सर का फैक्टरिंग है, जेडी सर फैक्टरिंग भी करते हैं? जी हां भुवनेश्वर, आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, प्रैक्टिकली उनसे सीखनी पड़ेगी आपको सीए फाइनल में आके, ठीक है ना? तो खैर छोड़ो, चलो फैक्टरिंग आप एज अ थ्योरी करेंगे। आपको मैं इसके मोटे तौर पे समझा देता हूं व्हाट इज फैक्टरिंग, जिससे आपकी लाइफ में तसल्ली हो जाए। फैक्टरिंग होता क्या है, अब आप मेरी बात समझना, आपने क्रेडिट सेल्स करी 1000 रुपए की, वो आपको आज से 4 महीने बाद मिलनी है कलेक्शन रुपी टर्म्स में। सेल्स तो हुई आज लेकिन मिलेगा आपको 4 साल के बाद, इन 4 महीने के बाद। अब इतने टाइम तक आपका पैसा ब्लॉक है वर्किंग कैपिटल में, तभी तो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल में अकाउंट रिसीवेबल की, ये इस टाइम तक अकाउंट रिसीवेबल की बातें होंगी। सर क्या कोई बंदा है मुझे कैश की बेहद जरूरत है, क्या कोई बंदा है जो मुझे मेरे अकाउंट रिसीवेबल डेटर के अगेंस्ट पैसा दे सकता है? मैंने कहा जाओ भैया बैंक में जाके या तो अपने अकाउंट रिसीवेबल बेच दो, सेल टू एनीवन, एक तो ऑप्शन ये है। आप मेरे पास आए कह रहे सर मेरे को 1000 रुपए मिलने वाले हैं T4 पे, आज आप मुझे प्लीज थोड़े से पैसे दे दो, मैं उनको बोलूंगा कि पेमेंट आपको कर दे। हाँ सेल ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट की तरह हो गया, बिल्कुल सही है। मैंने कहा मैं नहीं खरीदता, आप एक और बंदे के पास गए, इसका नाम है फैक्टर। ये क्या करता है, फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या होता है, फैक्टरिंग इज दी एक्सरसाइज और एक्टिविटी टू टेक ओवर एंड मैनेज योर अकाउंट रिसीवेबल। ये मैं हूं, मैंने 5 बच्चे पढ़ाए थे, उनसे 1000 रुपए आने थे, बच्चे कह रहे थे सर हम 4 महीने बाद पैसे देंगे,
मैं बच्चों को दिन ब दिन फोन करता जा रहा हूँ, बच्चे पैसे दे दो, बच्चे पैसे दे दो, मेरा तो सारा टाइम फॉलो अप में ही लग रहा है। मैं पढ़ाऊं कब, अपना मेन काम कब करूं? मैंने फोन मिलाया, मैंने कहा जेडी सर आपकी स्पेशलाइज्ड सर्विस की हेल्प चाहिए। कौन सी स्पेशलाइज्ड सर्विस है? वो लोग अपने पास साम दाम दंड भेद चारों तरीके रखते हैं लोगों से पैसा निकलवाने के लिए। ये पता है फैक्टरिंग कौन यूज करता है? जो भी लोन कंपनीज हैं, आपके जितने भी बैंक्स हैं, आपके जितने भी फाइनेंसर्स हैं, जितनी क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं। फैक्टर क्या होता है? आपको कभी कभी आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ना करो, फोन आने लगते हैं ना, सर पेमेंट पेंडिंग है, पेमेंट पेंडिंग है। सोचो आप तो शरीफ हो, पेमेंट दे दोगे अगली बार। लेकिन कुछ लोग बदमाश भी होते हैं, वो गायब हो जाते हैं। अब कंपनी बड़ी परेशान, कंपनी का तो बैड डेट का नुकसान हो गया, तो कंपनी जाती है फैक्टर के पास, कह रहे यार आप मेरे अकाउंट रिसीवेबल संभालो। करना क्या क्या पड़ेगा? वो जो पर्सन होगा बहुत महंगा पड़ता है लेकिन इफेक्टिव तो रहता है, आपसे आपके सारे अकाउंट रिसीवेबल की लिस्ट ले लेता है। वही कॉलिंग करेगा, वही कलेक्शन करेगा और अपनी कमीशन काट के आपको रीइंबर्स कर देगा। भाई ये लो सर आपके इतने पैसे एक्स्ट्रा आ गए। ये है एक बेसिक लेवल की फैक्टरिंग। एक तरह से आपने अपना काम आउटसोर्स कर दिया, आपने अपना काम आउटसोर्स कर दिया कि भाई तुम संभालो मेरा डिपार्टमेंट, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे नहीं मतलब, आप मेरा अकाउंट रिसीवेबल हैंडल करो। ये बड़े बच्चों वाली फैक्टरिंग होती है। एक दूसरी फैक्टरिंग होती है जो बड़े बच्चों वाली होती है, इसमें ये सारी चीजें तो बाद की बात है। हमारे मिस्टर फैक्टर हमारे अकाउंट रिसीवेबल खरीद लेते हैं एट अ वेरी चीप प्राइस। 1000 रुपए मुझे T4 पे मिल रहे हैं, बताना जरा 1000 रुपए मुझे T4 पे मिल रहे हैं तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 990 बनती है इंटरेस्ट हटा के, डिस्काउंटिंग में इंटरेस्ट माइनस हो जाता है तो 990 की वैल्यू बचती है आज उसकी। मैंने फैक्टर को बोला लाओ भाई 990 दे दो मुझे अभी कैश दे दो। पता है फैक्टर क्या बोलेगा? कह रहा है सर कौन से 990, ये तो बहुत महंगे हैं, मैं आपको 950 रुपए दूंगा, लेने हैं तो लो। मैंने कहा भाई 40 रुपए किस बात के काट लिए? कह रहा है सर अब रिस्क भी तो मैं उठाऊंगा। किस बात का? बैड डेट का। अगर मैं आज आपसे आपके डेटर खरीद रहा हूं तो कल को अगर डेटर ने पैसे नहीं दिए, बताओ आप बियर करोगे? मैंने कहा नहीं 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 भैया फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो फिर कहने लगा सर तो रिस्क मेरा है, अब रिस्क मेरा है तो सर आपको मैं 950 से ज्यादा नहीं दूंगा। मैंने फैक्टर से पूछा चुपके से, जब वो नेगोशिएशन करके आ गया, मैंने कहा मिस्टर फैक्टर आपको मिला क्या? आपकी जेब से गए 950 और आपकी जेब में आए 1000, वो भी अभी पक्का नहीं है, वो भी अभी पक्का नहीं है। यानी कि मिस्टर फैक्टर आपका तो गेम है ही 50 रुपए के लिए, बस इस 50 रुपए में आप रिस्क भी लोगे, लिस्टिंग भी करोगे, कॉलिंग भी करोगे, कलेक्शन भी करोगे, इतना काम सिर्फ 50 रुपए में। फैक्टर पता है क्या कहता है? सर मेरा तो नाम ही काफी है। जैसे ही इसको पता चलेगा कि जग्गू दादा का फोन आया है, पैसे दे रहा है कि नहीं, अपने आप अच्छे अच्छे लोग पैसे दे देते हैं, तो सर मेरा तो नाम ही काफी है। फैक्टर जो होता है ना अपने एरिया का बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बंदा होता है। हाँ जैसे रघु दादा का, सपोज करो रघु दादा भुवनेश्वर के बहुत बड़े गुंडे हैं और हाँ वही जब्बू जलेला, यस यस ये सब गुंडे होते हैं जो फैक्टरिंग करते हैं, मतलब गुंडे नहीं होते लेकिन उनका दबदबा वैसा होता है, लोग उनसे डरते हैं, तभी तो उनका रिस्क कम हो जाता है बैड डेट का। लेकिन भाई साहब हर बंदे को 1.25 शेयर मिलता है तो इनको भी अपने से बड़ा कोई शेयर मिल जाता है तो दे डोंट डिनाई कि बैड डेट नहीं होगा, लेकिन बैड डेट थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक हो गई बात जी। ये है आपकी फैक्टरिंग।
कि आप किसी दूसरे के अकाउंट रिसीवेबल खरीद लेते हो, उसको कुछ पैसे दे देते हो, बड़े ही सस्ते में खरीदते हो, 1000 रुपए की चीज 950 में खरीद ली, चलो 10 रुपए तो बड़े वैलिड है इंटरेस्ट के, लेकिन बाकी 40 क्यों काट लिए रिस्क बियर करने के। इसको बोलते हैं फैक्टरिंग कमीशन, ठीक है ना जी। तो ये सारी बातें आपकी किताब में लिखी मिल जाएंगी, वर्किंग कैपिटल की थ्योरी खासा तौर पे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए जी आगे बढ़े, चलिए भाई आगे बढ़े जरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द समथिंग नोन एज फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है डिले। डिले का मतलब है किस काम में कितनी देर लग रही है। फ्लोट का तो मैं बताता हूं आपको, ये तो छोड़ो, ट्रेजरी मैनेजमेंट ये भी कोई खास नहीं है, ये तो मॉडल्स हमने करे ही थे, कैश मैनेजमेंट मॉडल और मिलर और मॉडल। ये तो बताओ कंपोनेंट ऑफ सन्ड्री डेटर्स क्या क्या आएगा, क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट एनालिसिस, कंट्रोल ऑफ रिसीवेबल्स, ये 3 C's हो गए आपके, 3 C's हो गए आपके, बच्चों वाली बात है। मैं बात कर रहा हूं आपकी फ्लोट के डायग्राम की। कहां गया हमारा डायग्राम, ये रहा, मिल गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोट्स। क्या हमने प्रैक्टिकल करते टाइम इसकी बातें करी थी क्या, जरा याद करके बताना तो सही मुझे, क्या प्रैक्टिकल करते टाइम फ्लोट की बातें करी थी आपने। यस करी थी हमने, बड़ी तसल्ली से करी थी। हमने यहां पर लिखा भी था कि हर एक काम में डिले होता है, हर एक काम में डिले होता है। तो बस ये तो हो ही गया, इस बारे में कुछ ज्यादा बातें नहीं करते अब, ये बड़ा ही कॉमन सेंस से करना है, रटना नहीं है। मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा यार किसी बंदे की क्रेडिट रेटिंग करनी है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग का मतलब है क्रेडिट वर्दीनेस, उसके पैसे लौटाने के चांसेस, क्रेडिट वर्दीनेस। मैंने कहा किसी बंदे की क्रेडिट रेटिंग करनी है, उसकी इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, उस बंदे के ट्रेड रेफरेंसेस, किससे वो सामान खरीदता है, बैंक रेफरेंसेस, जिन लोगों, जो भी लोग उसके बैंकर्स हैं उनसे बात करो, क्रेडिट ब्यूरो की रिपोर्ट्स, आपका खुद का पास्ट एक्सपीरियंस, उसकी पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसके सेल्समैन का इंटरव्यू ले लो। आप इन 5-6 चीजों के हिसाब से किसी बंदे में पैसे चुकाने का कितना दम है ये इवैल्यूएट कर सकते हो। क्या बड़े कॉमन सेंसिकल बात, सर ट्रेड रेफरेंस, बैंक रेफरेंस, दो तो रेफरेंस ही हो गए, एक क्रेडिट ब्यूरो। क्रेडिट ब्यूरो होते हैं वो सारे एजेंसीज जो इंडिपेंडेंटली सारे लोगों का डेटा मेंटेन करती है। क्या कोई बता सकता है इंडिया में क्रेडिट ब्यूरो का क्या नाम है, मैं बता देता हूं, CIBIL, सिबिल, क्रेडिट एंड इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये पता है इसमें आपके नाम की भी एक डायरी खुली हुई है, अगर कल को आपने कभी भी किसी क्रेडिट कार्ड का लोन नहीं दिया तो बड़ी समस्या हो जाएगी, आपका नाम ब्लैकलिस्ट में ऐड हो जाएगा, क्रेडिट ब्यूरो में ऐड हो जाएगा। ठीक है जी बात, हाँ जी सर बात ठीक है। तो क्रेडिट ब्यूरो, पास्ट एक्सपीरियंस, आपका खुद का पास्ट एक्सपीरियंस, पता चला आपके बैंक ने यहां उसको लोन दिया था, उसने मना कर दिया देने से, लटक गई बात। चलो भाई वापस आते हैं अपनी एक बारी, क्वेश्चन 4-5, ये डिफरेंट अप्रोचेस कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो ना। एजिंग बड़ा सिंपल है, कर लेना, कुछ ज्यादा पंगे वाली बात नहीं है। क्वेश्चन 9 देख लीजिएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ट्रेड क्रेडिट एंड अक्रूअल, ये कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो कौन आ गया हमारा बैंकिंग में, टंडन कमिटी। टंडन कमिटी याद है आपको, टंडन कमिटी के 3 नॉर्म्स थे, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस,
ध्यान है थोड़ा थोड़ा, आपने करा था प्रैक्टिकली भी, देखो जी आ गए आपके पास, आ गए आपके पास 0.75, ये सारी चीजें। यस, कोर करंट एसेट, वेरी गुड वेरी गुड। जैसे मिस्टर टंडन है वैसे ही मिस्टर चोरे हैं। ये शोरे बोला जाता है इनको, चोरे नहीं बोला जाता, शोरे बोला जाता है। इन्होंने भी कुछ गप्पे मारी थी। मिस्टर शोरे इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मारो गोली मिस्टर शोरे को। मराठे इज ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मारो मिस्टर मराठे को भी गोली। मराठे वराठे बेकार है, हाँ हाँ ये काम के भी नहीं है, काम के भी नहीं है। ये कह रहा है जी ये करना है, ये सवाल आ जाते हैं कई बार। ट्रेडिशनल सीज बताओ, किसी भी बंदे को जब भी लोन देते हो उसकी कैसे क्रेडिट वर्दीनेस इवैल्यूएट करो। कह रहे सर उसके कैरेक्टर, उसकी गिरवी रखी हुई चीज, उसकी हालात, उसकी कैपेसिटी और उसका बिजनेस में लगाया हुआ पैसा। अब ये तो भाई देखो थोड़ा रटना पड़ेगा। फाइव सीज, फाइव सीज कहीं पे मैंने अभी देखे थे, थ्री सीज भी करे थे। कहां करे थे थ्री सीज दिखाना भाई। हाँ, अकाउंट रिसीवेबल में करे थे थ्री सीज, क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट एनालिसिस एंड कंट्रोल। अब देखो भाई थोड़ा सा तो रटना पड़ेगा, थोड़ा सा तो रटना पड़ेगा। यहां पर आप किसी बंदे को लोन देते टाइम नहीं हिसाब किताब लगा रहे, आप तो सिर्फ तीन मोटे एस्पेक्ट्स बता रहे हो। आप किसी को लोन देते टाइम कुछ जजमेंट नहीं कर रहे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 में लोन देते टाइम जजमेंट किया जा रहा है। क्या क्या देखोगे? कैपिटल, उसकी जमा पूंजी और उसकी कंडीशन, फिर उसकी कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब है विलिंगनेस, वो बंदा कैसा है, उसके मन में तो चोर नहीं है। मेरी जेब में पैसे होना अलग बात है और मेरा एक्चुअल पेमेंट करना अलग बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि जेब में पैसे होते हुए भी मन में चोर होता है, ऐसे में कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी जेब में पैसा नहीं है लेकिन हमें पैसे चुकाने हैं, ऐसी धारणा से भी लोग आते हैं। अमिताभ बच्चन 1998 जब उसकी कंपनी ABCL कॉरपोरेशन बैंकरप्ट हो गई थी तो उसने लोगों के बहुत नुकसान किए, उसके पास पैसे नहीं थे लेकिन उसकी विलिंगनेस थी। उसने कौन बनेगा करोड़पति से कमाई हुई इनकम यूज करके सारे लोगों की पाई पाई चुका दी। हाँ, पैसे होते सबके पास हैं लेकिन देता नहीं है कोई, छुपा के रखते हैं, थ्री इडियट का डायलॉग। खैर उस डायलॉग के चक्कर में नहीं पड़ रहे। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट, आप कैश क्यों रखते हो? ट्रांजैक्शन मोटिव, कुछ काम आता है। इन्वेस्टमेंट मोटिव, कहीं इन्वेस्टमेंट ना आ जाए। और एक सेफ्टी नीड, रिजर्व। तीन बातें हैं बड़ी साफ तरीके से, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। चलो जी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की हो गई थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी इसकी एग्जाम पॉइंट से। कैपिटल बजटिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है थ्योरी, एक्सेप्ट दो तीन क्वेश्चन, एक्सेप्ट दो तीन क्वेश्चन, वो ये रहे, दो तीन क्वेश्चन ये रहे। कह रहा है जी IRR पे नोट लिखो, हमारे बच्चे तो कुछ भी कर सकते हैं। कह रहा है जी NPV IRR बताओ, ये सब तो प्रैक्टिकल बेस्ड है, मैं क्या बताऊं आपको। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे दिखाएं। सर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को ही क्या डिजायरेबिलिटी इंडेक्स बोलते हैं? जी हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को ही डिजायरेबिलिटी इंडेक्स भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ये कुछ कुछ वर्ड्स हैं आपको ध्यान में रखने हैं। सर ये कट ऑफ रेट क्या होता है? क्या कट ऑफ रेट और हर्डल रेट सेम चीज है? हर्डल रेट, दोनों बिल्कुल सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज है। सर ये क्या है? जी ये है आपका
वो रेट जितना मिनिमम आपने अर्न करना ही करना है, इसके ऊपर आईआरआर होगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, इसके नीचे होगा तो हम नहीं करेंगे। आपको तो पता है आप जनरली WACC को अपना कट ऑफ रेट लेते हो, WACC को अपना कट ऑफ रेट लेते हो। देखो जी, यूजुअली दिस इज बेस्ड अपॉन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लो जी, मेरी बात उसने लिख भी दी। आप मिनिमम वैक जितना तो अर्न करना चाहते हो ना, IRR में यही तो इक्वेशन बनती है, IRR शुड बी ग्रेटर देन वैक, तभी हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मेरी एक बात समझना, कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, अगर तो IRR 10.5% हुआ, आप कह रहे हो आप एक्सेप्ट कर लोगे क्योंकि आपको आधे परसेंट का फायदा है। लेकिन बच्चे प्रैक्टिकली सोचो, आप बस प्रैक्टिकली सोचो, क्या आधे परसेंट के लिए आप बिजनेस करोगे क्या? प्रैक्टिकली पूछ रहा हूं, थ्योरेटिकल तो मैं एक रुपए को भी यस कर देता हूं, प्रैक्टिकली नहीं होगा। आप जनरली अपना कट ऑफ में ध्यान से देखना, वैक प्लस कुछ 1% ऑफ मार्जिन ऐड कर लेते हो। सीए फाइनल में आओगे ना, मैं बोलूंगा इसको कहते हैं स्प्रेड। मैंने कहा यार आप 10% तो दूसरों को दोगे तो 10% पे ही बिजनेस करोगे क्या? प्रैक्टिकली सोचो, मैं पागल थोड़ी हूं। मैंने कहा जी देखो 10% तो मुझे दूसरों को देना है, ये तो मिनिमम मैं घर लेके जाऊं, लेट इट बी 1%, लेट माई स्प्रेड बी 1%, तो मेरा मिनिमम कट ऑफ 11% आ गया। इसका मतलब ये कि मेरा अब 10 की बजाय 11 यूज होगा। किस किस में? सर एज डिस्काउंट रेट। किस किस में? फॉर डिसीजन मेकिंग। सब जगह कट ऑफ रेट इज दैट रेट विच इज यूज्ड फॉर डिस्काउंटिंग एंड फॉर डिसीजन मेकिंग। तो भाई फिर कट ऑफ रेट जनरली तो वैक होता है थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली कट ऑफ रेट थोड़ा सा वैक से ज्यादा होता है। यही तो मेरी कमाई है। अगर मैंने देखो ना यहां पर आधा परसेंट के लिए बिजनेस खोल दिया तो मेरा तो नुकसान, आधे परसेंट में ऑपरेटिंग खर्चे कहां से निकालूंगा मैं? आधे परसेंट के लिए कौन करे बिजनेस? तो मैंने अपना मार्जिन डिसाइड कर लेता हूं। जो थोड़े एस्टेब्लिश्ड प्लेयर होते हैं ना उनका मार्जिन बड़ा होता है, जो थोड़े नए प्लेयर होते हैं उनका बेचारों का मार्जिन थोड़ा सा कम होता है। ठीक है जी। हाँ सर। अच्छा MIRR तो हमने प्रैक्टिकली भी किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्काउंटेड और नॉर्मल पेबैक ये भी आपको आता है अच्छे से, दोनों में फर्क भी आता है, दोनों के बीच का रिलेशन भी आता है। प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी के ज्यादा चांसेस हैं कैपिटल बजटिंग में से। चलो भाई FM की थ्योरी तो हो गई। सर अभी एक रह गया, कोई मुझे बता सकता है FM में क्या रह गया? FM में कौन से थ्योरी क्वेश्चन रह गए? जल्दी से बताओ FM में कौन से थ्योरी क्वेश्चन रह गए? सर आखिरी चैप्टर के, आखिरी चैप्टर के, वही तो आपने बताया था कि हमें प्रैक्टिकल के साथ साथ आखिरी चैप्टर का भी करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी इजी, बट वेरी इजी। आपने 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है। बच्चे रटना बिल्कुल नहीं है, बड़े ध्यान से आराम आराम से पढ़ना है, नो नीड फॉर रट्टाफिकेशन। कह रहे भैया वेरियस सोर्सेज बताओ, आप इस पे थीसिस लिख सकते हो, इक्विटी प्रेफरेंस डेट और रिटेन्ड अर्निंग्स, यही तो है, इसमें रटोगे क्या? बताओ ना क्वेश्चन 5 में क्या रटोगे? शॉर्ट टर्म सोर्सेज में रटना पड़ेगा थोड़ा सा, हालांकि ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपने अकाउंटिंग करते टाइम भी बातें करी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट, वेंचर कैपिटल के बारे में कुछ बातें करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 और 8 बहुत ही खासा तौर पे इंपॉर्टेंट है। ये तो गप्पो वाली बात है, इक्विटी शेयर होल्डर प्रोवाइड रिस्क कैपिटल हमें भी पता है, कौन सी बड़ी बात है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मोर देन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, हमें भी बात है, हमें भी पता है, बड़े बच्चों वाली बात है। हाँ हाँ GDR बता रहा हूं बेटा जी, GDR बताता हूं अभी। ठीक है जी। हाँ बाकी तो सब बच्चों वाले हैं,
यस सेल एंड लीज बैक। वैसे तो आप ये सीए फाइनल में आराम से इसकी अकाउंटिंग करोगे AS 19 में, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और आपकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो गया, ये सारी बातें हो गई, बड़े इजी सा हो गया सब कुछ, कुछ भी नई चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पेज 282 आने के काफी चांस है। इंटर रिलेशन ये भी कई बार आ चुका है फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। हाँ हाँ बेटा जीडीआर बताता हूँ, जीडीआर बताता हूँ अभी, ये ठीक है सीएफओ के रोल हो गए वो सारी बातें ठीक है, इधर उधर की आलतू फालतू की बातें, जीडीआर बताना है, ब्रिज फाइनेंसिंग बताना है। ऐसा करो जी 5-7 मिनट का ले लो ब्रेक। हाँ सुभाष नगर लेटेस्ट टेस्टिमोनियल भी याद करना है, बताता हूँ तुम्हें, तुम्हारी पिटाई करता हूँ मैं, ओवर कैपिटलाइजेशन अंडर कैपिटलाइजेशन भी बता देता हूँ। ठीक है जी अब ब्रेक पे जाने से पहले लिख लेते हैं क्या क्या करना है। जीडीआर वेंचर कैपिटल सीड कैपिटल और क्या था, जीडीआर हो गया, ओवर कैपिटलाइजेशन अंडर कैपिटलाइजेशन और बताओ भाई। ठीक है और कुछ, बस हम ले लेते हैं जी 10 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट के बाद वापस आएंगे और ये तीनों चारों चीजें करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है जी रोल ऑफ सीएफओ भी देख लेना आप एक बारी, बहुत बच्चों वाला है, मैं देखो वो बातें नहीं बता रहा जिसमें जबरदस्ती की इंग्लिश पेली हुई है, लेकिन सवाल तो आ ही सकता है, सवाल तो आ ही सकता है। ठीक है जी सेल एंड लीज बैक, चलो भाई चला जाए 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे फिर ये सारी चीजें करेंगे। चलो भाई चलो लेट्स टेक अ क्विक 10 मिनट ब्रेक, बी बैक और उसके बाद कॉस्टिंग कर लेंगे। कॉस्टिंग में इतनी मुश्किल नहीं है थ्योरी, क्योंकि कॉस्टिंग बहुत जमीनी सब्जेक्ट है ना, उसमें बड़े काम की बात है, प्रैक्टिकल चीज आपको पता है तो बात बन जाएगी, उसमें बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन नहीं है, जो है वो सिंपल है। एफएम में थ्योरी में थोड़ी थोड़ी दिक्कत आती है, जैसे ये जो की टर्म्स है ये थोड़े से मुश्किल होते हैं। ठीक है ना चलो भाई जरा फटाफट से 10 मिनट का ब्रेक, देन विल बी बैक। चलो भाई
सब ठीक ठाक, आगे बढ़ सकते हैं। चलो भाई जरा जीडीआर एडीआर के बारे में बातें कर लेते हैं कुछ, ग्रॉस डिपॉजिटरी, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट एंड योर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। आप अभी तो सिर्फ डिपॉजिटरी रिसीट समझो क्या होता है, बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ डिपॉजिटरी रिसीट समझो क्या होता है। डिपॉजिटरी रिसीट एक वर्चुअल लीगल, वर्चुअल यानी असली में कुछ नहीं होता, वो लीगल, उसकी लीगल एग्जिस्टेंस होती है, एक तरह का शेयर होता है। जैसे शेयर्स होते हैं ना अपने, भाई ये मारुति का शेयर है, रिंडेक्सी का शेयर है, ये फलाने का शेयर है, ऐसे ही इसी तरह का एक शेयर होता है जो कि वर्चुअल है लेकिन लीगल है। अब आप मेरी बात समझना, मैं हूं इंडिया में, ये रहा मेरा भारत महान, मेरे को इंडिया में बिजनेस करना है, उसके लिए पैसे चाहिए, तो मैंने अपने इंडियन से पूछा, मैंने कहा सर इंडियंस प्लीज थोड़े से पैसे दे दो, मुझे कुछ कुछ बिजनेस करना है। इंडियंस ने मना कर दिया, कह रहे हम नहीं तुम्हें देते पैसा, पैसा लगना कहां है, इंडिया में, इन्वेस्ट कहां होना है, इंडिया में, लेकिन इंडिया के लोग लगाना नहीं चाहते। भाई सीधी सीधी बात है, कोई तो इन्वेस्टर होगा जो मेरे को पैसा देगा, मैंने बैंक से मांगा, बैंक ने मना कर दिया, इक्विटी मांगी, इक्विटी मना हो गई, अभी लॉन्ग टर्म सोर्स करे देना, रिटेन अर्निंग्स कुछ है नहीं, जमा पूंजी कुछ है नहीं, अब क्या करोगे। तो सर मैं क्या दूसरी कंट्री से मांग सकता हूं, बिल्कुल मांग सकते हो, बिल्कुल मांग सकते हो, कौन रोक सकता है, इसी को तो ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। दूसरी कंट्री में दो तरीके से पैसा मांगा जाएगा, पहली तरीका लोन के फॉर्म में, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स ईसीबी, आप गए अमेरिका, आप गए अमेरिका, आपने अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे बैंक्स हैं, उनमें से एक बैंक है सिटी बैंक, अमेरिकन बैंक है, आपने सिटी बैंक को चिट्ठी लिखी, आपने कहा सर मेरे को लोन दे दो, मैं इंडिया में उसका यूज करूंगा, तो अमेरिका ने बोला चल ठीक जा ले ले, सिटी बैंक ने आपको लोन दे दिया, इंडिया का लोन नहीं है ये लोन आपको डॉलर में मिला है, क्योंकि यहां आपका डॉलर में लोन लिया जाएगा, पैसा लगाओगे रुपीज में, रस्ते में आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा डॉलर को रुपीज में, फॉरेन एक्सचेंज का गेम आ जाएगा यहां पे, जो कि आप असली में सीए फाइनल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सीखोगे, लेकिन मोटे तौर पे तो बात आप समझ ही सकते हो, आप भी तो फाइनेंस मैनेजर हो, भाई मैं किसी से बोरो कर रहा हूं डॉलर में लगाना है रुपीज में, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जब मैं रीपे करूंगा उसको, या तो ब्याज या प्रिंसिपल, दोनों चीजें, भाई उस सिटी बैंक को मेरे से क्या मतलब कि मैं रुपीज में कमाता हूं खाता हूं, वो तो कहेगा मुझे डॉलर दो। तो जब मैं उसको रीपे करूंगा तब फिर अपने रुपीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर्स में। तो मैंने आपको ईसीबी भी बता दिया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, एक्सटर्नल आउटसाइड द कंट्री, कमर्शियल ये सरकारी काम नहीं है, पैसे पे हो रहा है, बोरोइंग यानी डेट। कितना अच्छा होता अगर इंडिया का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही मुझे लोन दे देता, तो वहां जाने से कोई फायदा, वहां जाने का झगड़ा ही खत्म हो जाता, दो बार फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क आ रहा है, एक बार लेते टाइम एक बार देते टाइम, कल को फॉरेन एक्सचेंज महंगा हो गया सस्ता हो गया, अपना तो बिजनेस की ऐसी तैसी हो जाएगी। खैर वो सारी बातें हैं जो ईसीबी से रिलेटेड है, जो आप करेंगे ये फाइनल में, ईसीबी मोटा मोटा क्लियर है। अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने काफी सारे ईसीबीज लिए थे 200 मिलियन यूरोस के, 200 मिलियन यूरो, तो बताना कौन सी कंट्री से लिए थे, कौन से एरिया से लिए थे। अरे सर यूरो के लिए तो यूरोप से लिए होंगे, डॉलर में होता है तो अमेरिका से लिए होते, पाउंड में होता है तो लंदन से लिए होते, है ना जी। हाँ सर, क्रॉस बॉर्डर लीज, काफी कुछ वैसे ही तो होगा। अब आप, ये तो था पहला तरीका, ये रही कंट्री जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, यहां के लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाने के लिए तैयार है, यहां के लोग पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, ये रही आपकी कंट्री, यहां के लोग हैं रेडी। तो इन लोगों ने आपसे पूछा कि बताओ तुम हमें क्या दोगे, आपने कहा सर मेरे शेयर्स ले लो,
कि रहन दो शेयरवेयर छोड़ तुम अपने, तुम हमें ऐसी चीज दो जो कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो। मैंने कहा सर आप अपने स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट क्यों कराना चाहते हो? तो भाई स्टॉक एक्सचेंज पे कोई भी बंदा चीज क्यों लिस्ट कराना चाहता है? क्योंकि पब्लिक में जिसका बाय सेल हो सके। सपोज आज मैंने कोई चीज खरीदी, अगर मुझे पता है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो मुझे पता है कि भाई कल को मेरे को पैसे की जरूरत होगी तो मैं खुद बेच के निकल जाऊंगा। पता चले किस कोई ऐसी चीज खरीद ली जो बिके ना, मैं तो फंस गया। ये समस्या होती है जब लोग प्राइवेट कंपनी में पैसा लगाते हैं, प्राइवेट कंपनी लिस्टेड नहीं होती, तो प्राइवेट कंपनी में लिस्टिंग नहीं हो रही, मैंने अपने दोस्त के कहने पे पैसा फंसा तो दिया, लेकिन अब दोस्त की कंपनी से मैं निकलना चाह रहा हूं, वो लिस्टेड ही नहीं है, बेचूं किसे अपना शेयर? तो इन्वेस्टर वन से इन्वेस्टर टू बड़ी दिक्कत होती है। इन लोगों ने, ऑस्ट्रेलियंस ने कहा हमारा ये रहा स्टॉक एक्सचेंज। ये किसका स्टॉक एक्सचेंज है? ऑस्ट्रेलिया का। इन लोगों ने एक ही शर्त रखी कि मिस्टर इंडियन हम आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे लेकिन आप हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना पड़ेगा। तो इंडिया कहता हाँ हाँ क्या दिक्कत है, ले लो मेरा शेयर है इंडिया लिमिटेड लिस्ट कर लो। हमने यहां के स्टॉक एक्सचेंज से पूछा, कह रहा हम नहीं जानते किसी इंडिया लिमिटेड को, ये कौन है इंडिया लिमिटेड, कहां से है इंडिया लिमिटेड? हर शेयर की उसके कंट्री में लीगल एग्जिस्टेंस होती है। ये जो मारुति लिमिटेड है ये यूएस में कोई नहीं जानता मारुति लिमिटेड को, ये सिर्फ इंडिया का मारुति लिमिटेड है, बीएससी एनएससी का मारुति लिमिटेड है जो शेयर का नाम है, बाकी बाहर हर कंट्री में अलग लीगल रिक्वायरमेंट होती है। तो इन लोगों ने मना कर दिया उसको, कह रहे जी हम आपके शेयर को नहीं मानते। अब इंडियन बड़ा परेशान और यहां पर इन्वेस्टर बड़े परेशान, अरे क्या करें क्या करें, हम पैसा लगाने को तैयार हैं, वो बोरो करने को तैयार है, लेकिन बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट डील हो ही नहीं रही, डील हो ही नहीं रही। तो जरा सोचो क्या हो सकता है। तभी एक बंदा आया, उसका नाम इज रजिस्ट्रार कस्टोडियन। ये दो तीन चीजें हैं, ये दो लोग आए, एक रजिस्ट्रार था एक कस्टोडियन था। अरे चेंज इन लॉ नहीं बेटा जी, सुनो दिमाग दौड़ाओ। इन लोगों ने इन इन्वेस्टर्स को बोला तुम्हें मेरे पे विश्वास है? ये लोग कह रहे हैं हाँ जी हमें तुम पे विश्वास है, तुम हमारी कंट्री के हो। तो ये कौन है? ये ऑस्ट्रेलियन है। अब डील समझना क्या होगी, ये जितने इन्वेस्टर्स हैं ये पैसा देंगे कस्टोडियन को, कस्टोडियन ये पैसा लगाएगा इंडिया में। धीरे धीरे मेरी बात समझना, यहां पर हैं इन्वेस्टर्स, यहां पर है कस्टोडियन बैंक और यहां पर है कंपनी जिसको पैसा चाहिए। इन लोगों ने अपना इनिशियल फंड्स दिए, कस्टोडियन ने वो फंड्स आगे लगा दिए। इस कस्टोडियन को क्या मिला? इसको मिले शेयर्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको मिले शेयर्स ऑफ इंडिया लिमिटेड। लेकिन मुद्दे की बात यह है, इन्वेस्टर्स को क्या मिला कस्टोडियन से? इन्वेस्टर ने किस बूते पे कस्टोडियन को पैसे दे दिए? सर इन्वेस्टर, अरे कस्टोडियन पोर्ट पे नहीं होता, वो तो कस्टम एंड हैंडलिंग एजेंट होता है। कस्टोडियन तो एक वर्चुअल चीज है, कस्टोडियन तो एक वर्चुअल चीज है। कस्टोडियन डिपॉजिटरी रिसीट इश्यू करेगा, समझ में मेरी बात, अभी कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ। कस्टोडियन ये बोलेगा कि हम इंडिया कंपनी का शेयर लिस्ट नहीं करा सकते लेकिन मैं तो ऑस्ट्रेलियन हूं ना, ऐसा करो मेरा शेयर आप लिस्ट कर दो स्टॉक एक्सचेंज पे। तो एक तरह से देखा जाए डिपॉजिटरी रिसीट क्या है? हमारे कस्टोडियन का शेयर। अब जरा बारीकी से बात समझते हैं। हाँ कुछ कुछ सेम कॉन्सेप्ट, ये ट्रस्टी होते हैं, इनका खुद का कुछ नहीं होता, बेचारे अपनी कमीशन लेते हैं, सब आगे पीछे पास कर देते हैं। कंपनी से जो डिविडेंड मिला अपना कमीशन काट के इन्वेस्टर्स को बांट देते हैं, इन्वेस्टर से जो पैसे मिले कंपनी को दे देते हैं। ये तो चैनलाइजिंग एजेंट है।
अब और बात समझना, डिपॉजिटरी रिसीट, डिपॉजिटरी रिसीट लिस्टेड कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर में होगी। ये शेयर जो थे इसके पास कौन सी करेंसी में है? रुपीज में। मेरा कस्टोडियन 1:1 का गेम नहीं खेलता। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वन डिपॉजिटरी रिसीट वो 10 इक्विटी शेयर्स के बराबर कर देगा। कहने का मतलब ये, जो भी इन्वेस्टर एक डीआर खरीदेगा, एक डिपॉजिटरी रिसीट खरीदेगा, उसको उतना डिविडेंड मिलेगा, उतनी इनकम मिलेगी, उतना रिडेम्पशन मिलेगा, उतने पैसे मिलेंगे जितना कि उसको मिलता अगर वो 10 इक्विटी शेयर रखता। आप एक मल्टीपल क्रिएट कर देते हो ना, पी मल्टीपल, 1 फॉर एवरी 10, 10 फॉर एवरी 1। बिल्कुल उसी तरह आपके कस्टोडियन ने अपनी डिपॉजिटरी रिसीट एक इशू करी। डिपॉजिटरी रिसीट इज लाइक अ सिक्योरिटी ऑफ कस्टोडियन, प्रीटी मच लाइक अ शेयर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेयर्स ऑफ द बोरोइंग कंपनी। द ओनली रोल प्लेड बाय कस्टोडियन इज द रोल ऑफ इंटर कंपनी, इंटर कंट्री। बल्कि यहां पर पैसा चाहिए, यहां पर पैसा है, इन्वेस्टर ने पैसा दिया और कस्टोडियन ने उसको डिपॉजिटरी रिसीट दे दी। इन बेचारे इन्वेस्टर्स के पास क्या आया, क्या गया? सर कैश गया, डिपॉजिटरी रिसीट आ गई। डिपॉजिटरी रिसीट इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो एक इन्वेस्टर को खरीदनी है वो डीआर खरीद लेगा, दूसरे को बेचनी है वो डीआर बेच देगा। तो एक तरह से ये हो गया कि आप किसी का शेयर खरीद रहे हो। इंडिया कंपनी को पैसे मिल गए, किससे पैसे मिले? ऑस्ट्रेलिया से पैसे मिले। तो जो ये डिपॉजिटरी रिसीट होती है, दिस इज द मेथड और शुड आई से दिस इज द वे ऑफ टैपिंग एक्सटर्नल मनी इनटू द कंट्री। या तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर लो या फिर ये डिपॉजिटरी रिसीट कर लो। अब सर व्हाट इज एडीआर? ए स्टैंड्स फॉर अमेरिका एंड व्हाट इज जीडीआर? जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबल। हैं तो दोनों डीआर। ध्यान से आराम से बस एक डिस्टिंक्शन समझ लें, जिस भी कंट्री में डीआर लिस्टेड होगा उस नाम से जाना जाता है। तो एडीआर इज लिस्टेड इन यूएस। ये जो मैं अपने अभी डीआर की बात कर रहा हूं, दैट्स अ ऑस्ट्रेलियन डीआर। ये ग्लोबल क्या है सर? ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूएस के लोगों ने बनाया था। बड़े एरोगेंट हैं, बहुत नकचड़े हैं, कहते हैं जी हम नॉमनक्लेचर तो देंगे लेकिन सिर्फ उसको देंगे जो हमारी कंट्री में हुआ, बाकी सबको कॉमन नाम दे देते हैं। ग्लोबल यानी ग्लोबल के कितने सारे वर्जन दे सकते हैं? ऑस्ट्रेलियन डीआर। अगर कोई इंडिया में लिस्टेड है इंडियन डीआर, हां अगर कोई लंदन में है तो लंदन डीआर। ऐसे अमेरिका के अलावा जितनी कंट्रीज में लिस्टेड होगा वो सारे के सारे डीआर इकट्ठे कहे जाते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। अमेरिकन डिपॉजिटरी लिस्ट होगा अमेरिका में, जिस भी कंट्री में लिस्ट होगा वहां के लोग इसको खरीदेंगे, वहां का पैसा लगा हुआ है। सपोज करो मैं आपको कहता हूं ये ऑस्ट्रेलियन डीआर है, तो इसमें पैसा किसने लगाया होगा? ऑस्ट्रेलियंस ने, क्योंकि तभी तो उनके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट में कौन पैसा लगाता है? सबसे रईस देश यूएस है। तो इंडिया के इंफोसिस को, रियल एग्जांपल, इंफोसिस को अपनी कैपिटल चाहिए थी। उसने कहा यार क्या करूं क्या करूं, इंडिया में तो और लोग दे नहीं रहे, इंडिया से तो ऑलरेडी बहुत उधार ले चुका हूं, चलो बाहर चलता हूं। लोन लेने गया, ईसीबी मना कर दिया, कह रहे लोन वोन नहीं दे रहे। हमने कहा कोई बात नहीं डीआर दे दो। इंफोसिस ने एक कस्टोडियन बैंक को पटाया,
कस्टोडियन बैंक ने इन्फोसिस के शेयर के हिसाब से 1:10 का बंडल बना के एक डीआर यूएस में लिस्ट करा दिया। तो अब एक यूएस का सिटीजन जब एक डीआर खरीदता है इन्फोसिस का, तो एक तरह से वो बात हो जाती है जैसे कि 10 इन्फोसिस के शेयर्स खरीदे गए, तो बिल्कुल 10:1 का बंडल चलता है। यहाँ पे जो डिविडेंड मिलता है वो इसी रेशियो में बट के वो इन्वेस्टर्स तक पहुंच जाता है। तो बहुत अच्छा तरीका है ये बाहर का पैसा अंदर लाने का। ठीक हो गई बात, ये हो गया जी आपका डीआर, जीडीआर, और उसी तरह हो गया एडीआर। मैंने एग्जांपल लिया ऑस्ट्रेलियन डिपॉजिटरी रिसीट का। ग्लोबल का मतलब होता है आपका डीआर किसी भी कंट्री में लिस्ट हो सकता है एक्सेप्ट अमेरिका। तो वन इज एडीआर, दी अदर वन इज जीडीआर। ठीक है जी, डन हो गई बात। नाउ आपके बाकी क्या क्या चीजें करनी थी हमको, एनी डाउट इन दिस? सबसे भरोसे का आदमी कस्टोडियन होना चाहिए, क्योंकि अगर कस्टोडियन ने गड़बड़ कर दी तो समझ लो सारी स्कीम फ्रॉड हो जाएगी। अगर कस्टोडियन गड़बड़ कर गया तो सारी स्कीम फ्रॉड हो जाएगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहां से कहां पहुंच गया। हाँ, कह रहे सर इफ इंडियन इन्वेस्टर्स वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया देन, तो भाई फिर तो एक इंडियन डीआर बनाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी को बोलो तुम्हें हमसे पैसा चाहिए। इनका सवाल आया भुवनेश्वर का, कह रहे सर हमें पैसा लगाना है ऑस्ट्रेलिया में, तो पैसा फाइनली कहां लगना है? ऑस्ट्रेलिया में ना, और किसकी जेब से जाएगा? मेरी। तो मेरे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना चाहिए, दैट इज द इंडियन डीआर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का इंडियन डीआर है। अगर आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में पैसा लगाना हो, इट इज अ नॉन लिस्टेड कंपनी, लेकिन उसका डीआर खरीद लो। एक डीआर शायद पता नहीं 5 है कि 15 है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन आपने एक डीआर खरीदा स्टैंडर्ड चार्टर्ड का। जी हाँ, मैं होल्ड करता हूं डीआर स्टैंडर्ड चार्टर्ड का, शेयर नहीं खरीदे स्टैंडर्ड चार्टर्ड के, लेकिन डिपॉजिटरी रिसीट खरीद ली। आप कह रहे सर एक ही तो बात है, एक डीआर खरीद लो या 15 शेयर खरीद लो, एक ही तो एक्सपोजर आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी सर, डन डन डन। चलो जी दोबारा फिर बात करें वेंचर कैपिटल की। वेंचर कैपिटल क्या होता है? वेंचर क्या होता है सर? कोई नया काम, आपने ना अपने दोस्त के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया और वो बिजनेस अभी तक कुछ भी खड़ा ही नहीं हुआ, अभी तो भाई बड़ी छोटी से लेवल पे है। आपको पैसे की जरूरत है, आप बैंक के पास गए, बैंक कह रहा है भाई तेरी बैलेंस शीट नहीं है, तेरा P&L नहीं है, तुझे किस बेसिस पे लोन दे दूं? तो आपने कहा अरे यार दे दो ना, मेरे पे भरोसा करो। कह रहे तुम हो कौन, नए पढ़े लिखे आए हो, किस बात पे हम आप पे भरोसा करें, वी डोंट ट्रस्ट यू। बैंक ने भगा दिया छोटी कंपनी नई कंपनी को। अभी खुले खुले 15 दिन हुए हैं, काम करने के लिए पैसा चाहिए, ऑफिस के लिए रेंट चाहिए, कुछ भी नहीं है अपने पास। मैंने एक इन्वेस्टर से बात की, मैंने कहा मिस्टर इन्वेस्टर आप हमारे में पैसा लगाओगे? इन्वेस्टर कह रहा है तुम्हारा आइडिया क्या है, व्हाट इज द आइडिया? इन्वेस्टर को समझा रहा है वो प्रमोटर, कह रहा देखो जी हम क्या करेंगे, हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें हम लोगों के अकाउंट खोलेंगे और उसमें उन लोगों को बोलेंगे कि आप अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करो, फिर जब उनके फ्रेंड्स आ जाएंगे तो हम इन दोनों के बीच में इंटरलिंकेजेस बिठाएंगे। जैसे एक को बोलेंगे आपको कैसा लग रहा है, इसको अपडेट करो, और वो अपडेट सारे फ्रेंड्स में जाएगा। जब मेरे पास मेरे फ्रेंड्स का अपडेट आएगा तो मेरा भी मन करेगा मैं कुछ लिखूं कि आज मुझे कैसा लग रहा है, या मेरी जिंदगी का कोई इंपॉर्टेंट तरीका, तो मैं उसको अपने अपडेट में लिखूंगा, वो मेरे फ्रेंड्स को सारे को चला जाएगा। देयर विल बी मेनी टू मेनी लिंकेजेस, एक बंदा जो कुछ अपडेट कर रहा है सबको मिल रहा है जो जो उसकी लिस्ट में है। आज जो आप फेसबुक समझते हो उसकी बात हो रही है। फेसबुक जब बना था तो उसको किसी बैंक ने थोड़ी लोन दिया था, वो कहने लगा बैंक के पास गए सिटी बैंक के पास, कह रहे भाई कौन सी बात कर रहे हैं, कौन सा नेटवर्क, कैसा नेटवर्क, लोग क्या इंटरनेट पे दोस्ती करेंगे, दोस्ती करने के लिए हाथ कैसे मिलाएंगे, गले कैसे लगेंगे, पता नहीं कैसे कैसी बातें करते हो, मार्क जकरबर्ग तुम भाग जाओ यहां से। मार्क जकरबर्ग भी बाहर आ गया, उसने 2-3 इन्वेस्टर को अपना कॉन्सेप्ट समझाया। अब देखो ना इसमें रिस्क ऑफ फेलियर कितना बड़ा है। मार्क जकरबर्ग नया बंदा, उसका कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट, उसकी कैपिटल कंपनी में कुछ खुद की लगी नहीं, सारे बाहर वालों की लगा रहा है, खुद तो बेचारा गरीब है लेकिन आइडिया है माइंड में, इंटेलिजेंट बंदा है। ऐसे में जो भी लोग पैसा लगाते हैं उनको वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं। वो एक ही शर्त पे मार्क जकरबर्ग पे पैसा लगाएंगे, देख भाई तेरे साथ इक्विटी पार्टनरशिप तो कर रहे हैं, हम ये भी जानते हैं कि तेरे फेल होने के भी चांसेस हैं, लेकिन अगर तू सक्सेसफुल हुआ तो हमें 2-3 गुना मत दियो, हमें
25-30 गुना दियो, इट इज अ वेरी हाई रिस्क वेरी हाई रिटर्न कॉन्सेप्ट, वेरी हाई रिस्क वेरी हाई रिटर्न कॉन्सेप्ट। इस तरह से बात बनती है आपके वेंचर कैपिटल में। फिर जब धीरे धीरे कंपनी थोड़ी थोड़ी खड़ी होने लगी, कंपनी धीरे धीरे खड़ी होने लगी, थोड़ी थोड़ी शेप आ गई, 100 यूजर्स हो गए, 1000 यूजर्स हो गए, 1 लाख यूजर्स हो गए, मार्क जुकरबर्ग को और पैसा चाहिए था, फिर वो किसी इन्वेस्टर के पास गया। अब इतना डर नहीं लग रहा क्योंकि कंपनी ऑलरेडी किसी लेवल तक आ चुकी है। इसको बोलते हैं सीड कैपिटल। सीड कैपिटल मतलब अब जो कंपनी की शुरुआत में लगाई जाती है। तो ये अलग अलग स्टेजेस में कैपिटल्स होती हैं। मैं मारुति सुजुकी का शेयर खरीद लूं तो मुझे कौन सी बात का रिस्क है? कोई रिस्क नहीं है मुझे, क्योंकि कंपनी को खुले में 25 साल हो गए। तो भाई जब कोई रिस्क भी नहीं है तो फिर रिटर्न भी वैसा ही मिलेगा। एक आध सोचो 600 का शेयर 1200 होगा क्या? कभी कभी नहीं, सवाल ही नहीं। तो पॉइंट बस यही है कि 600 का शेयर वो भी जाएगा तो 700 हो जाएगा। लेकिन जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उसने तो ये शेयर खरीदा होगा 1 रुपए में, 2 रुपए में। सोचो 1 रुपए का शेयर 600 हो गया, 600 times अर्निंग। सोच के देखो पैसा कितना मल्टीप्लाई हुआ, बट रिस्क भी उतना ही ज्यादा। तो ये होता है जी आपका मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। उम्मीद भी दुनिया चलती है। एक चीज होती है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं? अच्छा मुझे बताओ नॉर्मल बॉन्ड क्या होता है? सर फेस वैल्यू है उसकी 1000, उसका डिस्काउंट इज 10%, उसका एन इज 4 ईयर्स। तो मुझे बताना भाई आपकी कितने इंटरेस्ट की पेमेंट होगी? सर आपकी पेमेंट होगी 4 बार। प्रिंसिपल कितना रीपे हो जाएगा? सर 1 बार। तो आपके कैश फ्लोज क्या बने? T0, T1, T2, T3, T4। मैं तो नॉर्मल बॉन्ड की बात कर रहा हूं, तभी तो डिस्काउंट बॉन्ड समझ में आएगा। सर एक तो ये चुका देंगे और सर हम इंटरेस्ट भी देंगे, 4 बार इंटरेस्ट देंगे। सर दिस इज अ नॉर्मल बॉन्ड। हाँ भुवनेश्वर, दिस इज अ नॉर्मल बॉन्ड। सोचो अगर ये जीरो कूपन बॉन्ड होता, देर इज नो इंटरिम पेमेंट, देर इज नो इंटरिम पेमेंट। यानी कि बताना कौन सा इंटरेस्ट लगेगा? आपको तो मैंने बताया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 2 तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। दोनों में एक ही बेसिक फर्क होता है। सिंपल में माना जाता है कि रेगुलर इंटरेस्ट इज पेड टू दी लेंडर, लेकिन यहां पर माना जाएगा कि इट इज नॉट पेड, देयरफॉर कंपाउंडिंग होगी और फाइनल मैच्योरिटी हैपन्स एट द फेस वैल्यू। देन द मुद्दा इज सर इश्यू प्राइस क्या होगा? इश्यू प्राइस क्या होगा? टाइम वैल्यू के हिसाब से निकाल लो, टाइम वैल्यू के हिसाब से निकाल लो। अगर आर आपका 10% है तो भाई निकालना जरा, आपका 1000/1+10% रेस टू दी पावर 4 लेवल 1 ऑफ डिस्काउंटिंग। आपका इंटरेस्ट तो निकलेगा, इंटरेस्ट तो निकलेगा, लेकिन वो कैश में पे नहीं किया जाएगा। 683, मैं ये चीज 683 की खरीदूंगा, कंपनी मुझे 1000 रुपए देगी। सर मार्केट में इस बॉन्ड का प्राइस 2 साल बाद कितना होगा? मार्केट में इस बॉन्ड का प्राइस 2 साल बाद कितना होगा? भाई 2 तरीके हैं, यहां से आगे आ जाओ या यहां से पीछे आ जाओ, एक ही बात है। यहां से आगे आओगे तो इनटू रेस टू पावर 2 कर देंगे, और यहां से पीछे आना है तो डिवाइड बाय 1.1 रेस टू दी पावर 2 कर देंगे, एक ही बात है। मार्केट में 826 हो जाएगा। आपकी कोई कूपन पेमेंट नहीं होती, कोई भी कूपन पेमेंट नहीं होती। जो पेमेंट होती है सब कुछ मैच्योरिटी पे होती है, और मैच्योरिटी पे पूरे फेस वैल्यू मिलती है, और अभी सस्ता करके इश्यू कर दिया जाता है। ठीक है जी बात। हाँ जी सर, सर दिस इज जीरो कूपन बॉन्ड। देन सर व्हाट इज डीप डिस्काउंट बॉन्ड? एक ये भी चीज है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, गहरा डिस्काउंट और गहरा है। ये थोड़ा रिस्की वेंचर होता है, वही ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द रिटर्न। ये थोड़ा रिस्की वेंचर है,
इसमें आप उस कंपनी में पैसा लगाते हो जहां थोड़े डूबने के चांस है और कंपनी कह रही है हम आपको बिल्कुल भी रस्ते में पैसा नहीं देंगे, यानी कि ओवरऑल स्ट्रक्चर दोनों का बिल्कुल सेम है। जीरो कूपन बॉन्ड इज एग्जैक्टली इक्वल टू डीप डिस्काउंट बॉन्ड, बट बस फर्क यह है कि डीप डिस्काउंट बॉन्ड रिस्क भी बहुत ज्यादा है और रिटर्न भी बहुत ज्यादा है। यहां तो 10-12% का गेम है, वहां पर 17-18% ऑलमोस्ट डबल का गेम होता है। जितनी ज्यादा रिस्क लोगे उतना ही आपका आर होगा, उतना ही छोटी वैल्यू होगी। तो देखो ना, आपने अगर नॉर्मल केस में 1000 रुपए मेच्योरिटी चाहिए तो आपको 683 लगाने पड़ेंगे। मैं बात कर रहा हूं अपने डीप डिस्काउंट बॉन्ड की, बहुत डर है 18% कंपनी रिटर्न देने की बात कर रही है। अगर 1000 रुपए चाहिए मुझे तो सिर्फ 516 लगाने हैं, तो सोचो मेरा कितना रिटर्न बन रहा है। लेकिन भाई रिस्क भी ज्यादा है। ये डीप डिस्काउंट बॉन्ड इज एग्जैक्टली सिमिलर टू जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड का एक स्ट्रक्चर है, एक तरीका है इंटरेस्ट देने का, ठीक है जी। हाँ सर, ये बात ठीक है। चलो भाई अब बातें कर लेते हैं जरा अपनी कॉस्टिंग की, थ्योरी की। हाँ, हो गई ना हमारी सारी बातें, हमने वेंचर कैपिटल कर लिया, सीड कैपिटल कर लिया, और क्या क्या बचा है? कुछ बचा तो नहीं है, मैंने गलती से रब कर दिया। और हमने जीरो कूपन बॉन्ड भी कर दिया, जीडीआर एडीआर हो गया, कुछ बचा तो नहीं था उस लिस्ट में? नहीं बचा। तो आओ भाई बात करें अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा कवर करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि हर चीज बड़ी ऑपरेशनल है और वो चीज हमने बड़े प्यार से अपनी क्लासेस में ही कर रखी है। बट फिर भी पूरे ढंग से इसको आगे लेके जाते हुए करना शुरू करते हैं। हाँ, ओवर अंडर कैपिटलाइजेशन, ओवर अंडर कैपिटलाइजेशन बचा है। यस यस यस, ओवर अंडर कैपिटलाइजेशन। अब मेरी बात समझे आप, एक कंपनी है, कंपनी ए, जिसकी इक्विटी है 100, डेट है 40 और एसेट्स हैं 140, लेकिन इस कंपनी को अभी और पैसे की जरूरत है। कंपनी नीड्स मोर मनी टू डू मोर बिजनेस, इट इज अंडर कैपिटलाइज्ड। अभी कैपिटल की कमी है, अंडर कैपिटलाइज्ड। दूसरा, अगर जैसे एप्पल की बता रहा हूं, रियल एग्जांपल, वही जिसका आईफोन आता है, 3 साल पहले एप्पल के सीईओ ने बोला भाई साहब हमारे पास बहुत पैसा आ गया है, इतना कैश आ गया, इतना तो हमें चाहिए भी नहीं बिजनेस में लगाने के लिए, हम तो कैपिटल वापस कर रहे हैं। इफ यू हैव मोर मनी देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट इज ओवर कैपिटलाइज्ड, दैट इज ओवर कैपिटलाइज्ड। इज दिस पॉइंट डन? दैट इज ओवर कैपिटलाइज्ड। सो अंडर कैपिटलाइजेशन इज योर कम पैसा एंड ओवर कैपिटलाइजेशन इज योर मोर पैसा, बस वेरी वेरी सिंपल। चलिए जी, डन हो गई बात। बढ़ाएं भाई आगे कहानी अपनी। कॉस्ट अकाउंटिंग, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की जर्नी शुरू करी थी बड़े प्यार से, बेसिक से। बेसिक वाले चैप्टर में बहुत भर भर के थ्योरी है, लेकिन बड़ी ही इजी और अंडरस्टैंडेबल थ्योरी है। और अब तो क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें कर ली, इसीलिए आपको बात भी जल्दी समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 2, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रुक जाओ जरा मैं पेन निकाल लूं। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो भाई जरा मेरे साथ साथ, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ऐसा ही लगता है कि हमने करा हुआ है कि कौन कौन से बेसिस पे कॉस्ट एनालाइज की जाएगी, क्लासिफाई हो सकती है? सर, ट्रेसिबिलिटी किया हुआ है, चेंजेस किया हुआ है, बाय फंक्शन किया हुआ है एंड बाय नेचर एंड एलिमेंट किया हुआ है। आप अपने नोट्स देख लेना। सर आपने ओरिजिनली तो ये 4 कराए थे, लेकिन उसके बाद एक और ऑटोमेटिकली करा दिया, एसोसिएशन विद द प्रोडक्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्ट और पीरियड कॉस्ट नहीं कराए थे, Zone 1 और Zone 3। ये रही आपका Zone 1 और ये रहा आपका Zone 3।
प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। और भी बड़े सारे तरीके हैं, कोई चीज नॉर्मल है एबनॉर्मल है आपको पता है, कोई चीज अवॉइडेबल है नॉन अवॉइडेबल है ये भी आपको पता है, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। अकाउंटिंग पीरियड, कैपिटल कॉस्ट, रेवेन्यू कॉस्ट, ये सब बच्चों वाली बातें हैं, सिर्फ आप एक बार पढ़ोगे बात बन जाएगी, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमने बहुत अच्छे से चीजें करी हैं, इसीलिए मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट यूनिट क्या होता है, ये सारी बातें बड़े अच्छे से हमने करी हैं, बड़ी तसल्ली है जी मुझे, तो इसीलिए कोई दिक्कत की कहीं से कहीं तक बात नहीं है। अच्छा जी, अब जरा एक बात समझे, जरा टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। मैं इसमें आपको ये नहीं बता रहा कि करना क्या है, मैं आपको इसमें ये बता रहा हूं कि टेक्निक किसे कहते हैं, कैसे इज कॉल्ड एज टेक्निक। और मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, बड़ा कंफ्यूजन था मुझे एज अ स्टूडेंट, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग इसका मतलब होता है किसकी, दो अलग बातें हैं ना, कैसे कॉस्टिंग करें और किसकी कॉस्टिंग करें, दो अलग अलग बातें हैं। जैसे कैसे करें सर, स्टैंडर्ड अलग है, मार्जिनल अलग है, यूनिफॉर्म यूनिट अलग है, और सर एब्जॉर्प्शन अलग है, अपनी आउटपुट कॉस्टिंग अलग है, आपने एक दो और तीन इनके बीच में तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के टाइम ही आपने फर्क करा है, यूनिट कॉस्टिंग की कॉस्ट शीट, मार्जिनल की कॉस्ट शीट और एब्जॉर्प्शन की कॉस्ट शीट, भैया किस कौन कौन सी कॉस्टिंग हो रही थी, कैसे करें कॉस्टिंग, ये आंसर था। किसकी करोगे ये आंसर नहीं था, किसकी में आपको बड़ा आसान लगेगा, कॉस्ट सेंटर कौन है सर, जॉब है क्या, इधर दिखाएं, जॉब है क्या, तो जॉब कॉस्टिंग, सर कॉन्ट्रैक्ट की करनी है तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच है तो बैच की, टर्मिनल है तो एक जॉब की तरह एक होता है, ऑपरेशन यानी प्रोसेस है, इसी का भाई होता है, सिंगल यानी आउटपुट की कॉस्टिंग है, वाह सर वाह ये तो आपने बताया था, हाँ सर्विस है तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, किसकी कॉस्टिंग करें, अगर डिपार्टमेंट की करनी है तो डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग, एक से ज्यादा की इकट्ठे करोगे तो भाई मल्टीपल और कंपोजिट कॉस्टिंग, किसकी करें इज डिफरेंट देन, कैसे करें, टेक्निक इज डिफरेंट देन मेथड, देयरफॉर अगर सवाल आए मेथड पे तो याद रखना किसकी, और अगर सवाल आए टेक्निक पे तो याद रखना नीचे, याद रखना और कैसे, ये बातें ध्यान रखनी है, अंदर की बातें तो आप लिख लोगे और बड़ी अच्छे से लिख लोगे, ठीक है जी। हाँ सर, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में वो सारी बातें ठीक थी, ऑपरेटिंग और ऑपरेशंस का डिफरेंस ध्यान देंगे, ऑपरेशन का मतलब प्रोसेस, जब P1, P2, P3, P4, जिन जिन बच्चों ने मेरा वीडियो अपने LMS पे देख लिया वो सब जानते हैं प्रोसेस के बारे में, ऑपरेटिंग तो भाई सर्विस होती है, फिक्स और वेरिएबल में बांट देते हो चीज। सेकेंड एंड इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन, व्हाट इज एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर एंड कमर्शियल 10 किलोमीटर, मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको पता है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस, आपका कॉस्ट यूनिट कंपाउंड भी होता है और आपका सिंपल भी होता है, हमने ये सारी बातें करी। इंटरेस्ट के ऊपर भी एक सवाल बनता है, इसमें इंटरेस्ट के ऊपर भी एक सवाल बनता है, क्वेश्चन नंबर 3A, विल यू इंक्लूड इंटरेस्ट इन कॉस्टिंग। आपने इसके ऊपर किया हुआ है कि यस दिस इज द ओनली प्लेस इन कॉस्टिंग वेयर वी विल इंक्लूड द इंटरेस्ट बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल इज वेरी हाई कंपेयर टू द इन्वेस्टमेंट इन रेवेन्यू, बाकी जगह ऐसा नहीं होता, रेशो इतना खराब नहीं होता, ठीक है जी। हाँ सर ये बात ठीक है, रिविजन क्वेश्चन भी हमने करे थे इसके, और रोहतक के कहने पे है ना भाई, रोहतक होना आप वहां पे। यूनिट कॉस्टिंग कुछ खास ज्यादा है नहीं, एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये वाला क्वेश्चन इन लोगों का बड़ा फेवरेट है, प्राइस कोटेशन रिक्वायर्स प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। इसमें ना दो तीन पॉइंट आपने बताने, पहला प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट मिल जाती है कॉस्ट शीट से, प्रॉफिट डिजायर्ड ऐड कर लेते हो,
अब जो प्रॉफिट है वो पर यूनिट भी डिजायर्ड हो सकता है, परसेंटेज भी डिजायर्ड हो सकता है, और परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस भी हो सकता है, कॉस्ट प्राइस भी हो सकता है। ये तो आपको पता है, परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस भी हो सकता है और कॉस्ट प्राइस भी हो जाता है। दूसरी चीज जो इसमें बतानी है, क्योंकि एस्टिमेटेड है, ओवरहेड को लेके कौन सी प्रॉब्लम आ गई, नीचे दिखाएं, ओवरहेड को लेके कौन सी प्रॉब्लम आ गई, साइज प्रॉब्लम या फिर कौन सी प्रॉब्लम आ गई। अब तो काम होने से पहले, वेरी गुड सुभाष नगर, टाइम प्रॉब्लम आ गई, टाइम प्रॉब्लम आ गई, तो भाई साहब फिर तो ओवरहेड एब्जॉर्ब ही करने पड़ेंगे, स्टेप 5 लगाना पड़ेगा ओवरहेड का। वेरी गुड लाल कुट्टी, शाबाश। तो ये दो चार बातें लिख दो ना, बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। कह रहा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट, बताओ। ये सारी बातें करोगे आप, एक बार पढ़ लोगे वैसे ही क्लियर हो जाएगा फंडा। चलिए जी, तीसरे सवाल पे आए, तीसरे चैप्टर पे, आपका बजटरी। फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट के बारे में आपको पता है, फंक्शनल और मास्टर बजट के बारे में आपको पता है। ये देखो, ये मैं कह रहा था, वो जो चिपकू वाले सवाल होते हैं ना बड़े पकाऊ से, कह रहा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। बहुत ही वाहियात, बोरिंग, पकाऊ और बड़े ही बिजनेस स्टडीज टाइप। सिमिलरली लिमिटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल, बताओ इसकी लिमिटेशन क्या है। भाई साहब सबसे बड़ी लिमिटेशन, फ्यूचर किसी को भी नहीं पता, तुक्को पे बेस्ड होता है, हमने भी तुक्का लगा दिया, गलत हो गया तो आंसर्स गलत हो जाएंगे। अब ये गलत भी है सही भी है। अब आपने ये सारी चीजें बड़े ध्यान से ठंडे दिमाग से पढ़नी है, 4 नंबर का सवाल आएगा, ओनली 4, तो 4 ब्रॉड मोटे मोटे पॉइंट लिखने हैं, उसमें धीरे धीरे 2-2, 3-3 लाइन लिख देना, बात खत्म हो गई। अंधेरे में तीर, हाँ अंधेरे में बेटे तीर नहीं चलाना, अंधेरे में तीर होता है बिल्कुल ही ब्लाइंड। आपको बुलेट पॉइंट्स रटने हैं, मैंने आपको बताया 4 बुलेट पॉइंट्स रटने हैं, 4 नंबर का सवाल आने वाला है, यहां 6 गिवन है, कैसे भी 4 लिख देना, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, बात खत्म हो गई। डोंट स्टार्ट विद अ थ्योरी क्वेश्चन, क्योंकि आप नहीं तो ओवर यूज करोगे। देखो कितना पका हुआ है, कह रहा है इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल सिस्टम के एसेंशियल्स बताओ, फिर वही पकाओ, फिर वही पकाऊ पंती। हमें बिल्कुल पसंद नहीं है ये सारी चीजें, बट क्या करें, कभी कभी वैसे तो इसको तो मत ही करो, आए तो गप्पे मार देना। फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल को करना है जी, ये इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड परफॉर्मेंस बजटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 बातें आपने बहुत 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 अच्छे से करनी है। जीरो बेस बजटिंग के बारे में मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं, बोर्ड पे ही बैठे बैठे आप 2010 में आपने अपनी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 100 रुपए लगाई। अब जब 2011 की बात आई तो आपका जो मार्केटिंग मैनेजर था वो ये कहने लगा, सर सेम जो चीज हमने 2010 में की वो तो करेंगे, हम एक्स्ट्रा यानी डेल्टा ये 5 चीजें और करेंगे। यानी कि उसने हमसे कितने का बजट मांगा, कह रहे सर 100 रुपए तो है ही है और 30 रुपए और, यानी कि टोटल उसने हमसे 130 रुपए का बजट मांगा। हम ठहरे कॉस्ट अकाउंटेंट, 2010 में 100 रुपए का खर्चा हुआ और अगले साल 2011 में मार्केटिंग मैनेजर कह रहा है जितना पिछली बार हुआ वो तो होएगा ही, उसके अलावा, यानी वो हमारा ध्यान बटाना चाह रहा है डेल्टा पे, लेकिन हम भी ठहरे पक्के कॉस्ट अकाउंटेंट। हमने कहा भाई सुन, जो हो गया सो हो गया, तू मुझे हर चीज जीरो से बता। हो सकता है 2010 में कंपनी की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो जो आज की डेट में ना एग्जिस्ट करती हो, मैं क्यों तुझे 100 रुपए का बजट फ्री फंड में दूं। मेरा मार्केटिंग मैनेजर पता है क्या कह रहा है, अगर मैं ग्राफ बना के इस बात को बताऊं, कह रहे जी 100 रुपए तक तो आपने पिछली बार ही दिया था, मैं तो बस आपसे एडिशनल 30 मांग रहा हूं। मैंने कहा रहने दे, तू अपने 30 का किला हमारे 100 पे मत बना,
अगर 2011 का बजट बनना है तो वो बिल्कुल जीरो बेस से बनेगा। एक एक एक्टिविटी की जस्टिफिकेशन चाहिए, नो इंक्रीमेंटल। आई विल टेक एवरीथिंग एज इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। जीरो बेस में हमेशा टाइम ज्यादा लगता है, हर चीज दोबारा बतानी पड़ती है, पर इफेक्टिव ज्यादा वही होता है। मार्केटिंग के लोग बड़े घपले मारते हैं, कह रहे सर पिछली बार 100 दिए थे तुम तो दो गई, इस बार 5 और फालतू दे दो, तो लड़ाई सिर्फ 5 की रह जाती है। कभी सोचना आप इस बात में, हमेशा वैल्यू डेल्टा की होती है। जो पिछली बार था वो तो लोगों को आदत पड़ जाती है, लेकिन जीरो बेस बजटिंग कहते हैं नथिंग डूइंग भाई, नथिंग डूइंग, जो करना है सारा दोबारा करो। व्हाट इज परफॉर्मेंस बजटिंग? परफॉर्मेंस नाम से ही लग रहा है ना, लिंकिंग ऑफ द बजट एक्टिविटी टू द आउटपुट। हमने कहा यार एक चीज बताओ, प्रो एजुकेशन में कौन क्या काम कर रहा है, लेट अस डू परफॉर्मेंस बजटिंग। पैसा इतना लग रहा है, काम इतना हो रहा है, लेकिन लिंकिंग नहीं है, लिंकिंग नहीं है। किसमें लिंकिंग नहीं है? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस बजटिंग। ये रहे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ये रहा मेरा मनी जो मैं स्पेंड करने को तैयार हूं, लेकिन इस गोल्स को आपको बड़ी सारी एक्टिविटीज, एक्शंस और प्लान्स में बनाना पड़ेगा। भाई ये तो बहुत बड़ा गोल होता है ना, विजन होता है कंपनी का, आई वांट टू बी अ 5000 करोड़ कंपनी बाय द एंड ऑफ 3 इयर्स, लेकिन उस गोल को आपको एक्टिविटी एक्शनेबल में तो डालना पड़ेगा। हर एक एक्टिविटी का एक बंदा असाइन कर दिया जाता है, हर एक प्लान का, हर एक एक्शन का, और सबको एक बंदा असाइन कर दिया जाता है और बंदे से पूछा जाता है बेटे अगर ये काम नहीं हुआ ना तो तेरी खाट खड़ी हो जाएगी, बता तुझे ये काम करने के लिए कितने पैसे चाहिए। अब इंडिविजुअल अपनी प्लानिंग करता है और वो बजट मांगता है। इंडिविजुअल को ये बात पता है कि मैंने जो काम करना है अल्टीमेटली उससे गोल अचीव होना है, तो आपका पैसे का गोल से डायरेक्ट लिंक हो गया, लेकिन थ्रू इंडिविजुअल्स, पर्संस, प्लान्स एंड गोल्स। तो पैसा मांगेगा इंडिविजुअल जिसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा फॉर ईच एक्टिविटी। कई बार ये हो सकता है भाई एक एक्टिविटी में 5 लोग इन्वॉल्व हो। अब जैसे कलकत्ता की सेमिनार थी, बड़े सारे लोग इन्वॉल्व थे, डिजाइनिंग वाला इन्वॉल्व था ब्रोशर डिजाइन करने में, वहां पे सेल्समैन था वो अलग चीज के लिए था, हम लोग अलग इन्वॉल्व थे, हम लोग भी पर्सन है, हम लोगों की भी परफॉर्मेंस बजटिंग करी जाती है। खैर अगर कितने घंटे आपने वहां दिए, हमने कहा जी हम तो बिल्कुल तत्पर है बच्चों के लिए, जब बोलोगे जहां बोलोगे पहुंच जाएंगे, हम पहुंच गए कलकत्ता। तो मुझे क्या काम दिया गया था? टू इंक्रीज द ब्रांड नेम ऑफ प्रो एजुकेशन इन कलकत्ता, वो हमने किया अपना टाइम देके। तो ये हर बंदे की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और गोल से लिंक कर दी जाती है, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस बजटिंग। आप परफॉर्मेंस की बजटिंग कर रहे हो, परफॉर्मेंस प्लान कर रहे हो। रुपयों की बात तो बड़ी पुरानी हो गई, रुपयों की बात तो बहुत पुरानी हो गई, अब तो आप परफॉर्मेंस की बजटिंग कर रहे हो। जीरो बेस और परफॉर्मेंस का कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस बजटिंग। एक बजटिंग का बड़ा फेवरेट सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड अ बजट। वैसे तो हमने प्रैक्टिकली भी किया हुआ है। स्टैंडर्ड होता है क्या होना चाहिए, बजट क्या होने वाला है या किसकी उम्मीद है। आज की क्लास 8:15 तक खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन लग रहा है 8:30 तक जाएगी। उम्मीद वर्सेज होना चाहिए, शुड बी वर्सेज उम्मीद है, ये दोनों फ्यूचरिस्टिक हैं, सिमिलैरिटी। दोनों बेंचमार्किंग के काम आते हैं, सिमिलैरिटी। दोनों ही टॉप मैनेजमेंट यूज करती है, सिमिलैरिटी। दोनों को एक्चुअल से कंपेयर करके गैप निकाला जाता है जिससे फ्यूचर इंप्रूवमेंट हो, सिमिलैरिटी। लेकिन फिर भी डिफरेंस है क्या? आप T0 पे खड़े होकर कहते हो ये होना चाहिए, सफाई ऐसे होनी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर को झाड़ू उठानी पड़ गई, फिर भी अभी उम्मीद नहीं है क्या होने वाला है और क्या होना चाहिए। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैंडर्ड एंड अ बजट। बस ये बात है बजटरी में। और देख लो भाई, लो जी स्टैंडर्ड और बजटरी कंट्रोल आ गया, बाकी तो सब बच्चों वाली बात है। हाँ एक और चीज, बजट मैनुअल। अरे इतने बच्चों वाली बात है,
वॉट इज अ मैनुअल? सर मैनुअल इज अ बुक और अ रजिस्टर जिसमें ऑल डॉक्यूमेंट्स, ऑल पेपर्स, ऑल पॉलिसीज, सब कुछ लिखा होता है. किससे रिलेटेड? सर जो भी इसका सब्जेक्ट है. अगर ये ऑडिट मैनुअल है तो ये सारी चीजें ऑडिट से रिलेटेड होंगी. अगर तो ये बजट मैनुअल है तो बजट से रिलेटेड सारी चीजें लिखी होंगी. सर अगर ये क्रेडिट मैनुअल है तो क्रेडिट से रिलेटेड सारी चीजें. आप समझ रहे हो कि नहीं? बजट मैनुअल है नहीं, मैं तो वैसे बता रहा हूं, बजट मैनुअल में वैसे बता रहा हूं. आप समझ रहे हो? मैनुअल समझ लो, फिर तो बजट हो चाहे क्रेडिट हो चाहे मास्टर हो तो जो मर्जी हो, तो देयर वेज दैट वेज यू कैन ऐड. ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ा जाए. कहां पे आ गए? हमारा बजट रेडी हो गया. हम आ गए अपने अगले चैप्टर जिसमें कुछ है ही नहीं करने के लिए, जिसका नाम है रिकंसिलिएशन. रिकंसिलिएशन में खास थ्योरी का कोई चांस नहीं है, एक्सेप्ट द फैक्ट आपको पता है किस वजह से डिफरेंसेस आ जाते हैं. एक डिफरेंस आता है आपका आइटम्स, एक बंदा लेता है एक नहीं लेता, दूसरा दोनों ले रहे हैं लेकिन वैल्यू अलग अलग है. सो दैट इज अ पॉइंट. इसमें कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल पार्ट नहीं है. रिकंसिलिएशन से आगे बढ़े, हम आ गए अपने मार्जिनल में. मार्जिनल में काफी थ्योरी मैं करा चुका हूं पहली क्लास में, जो बहुत लंबी चलती है ना, जिसमें प्रैक्टिकल बड़ी मुश्किल से आता है, वो इसीलिए लंबी चलती है क्योंकि थ्योरी बहुत कराना पड़ता है. व्हाट इज ब्रेक इवन, उसकी अजम्पशन, सीवीपी एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, अरे बड़ी सारी चीजें भाई साहब. पीवी रेशियो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग का डिफरेंस, अब ये आपको पता है, वो सारी बातें ठीक है. प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है, पीरियड कॉस्ट क्या होती है, जोन वन जोन थ्री, ये सारी आपको पता है. व्हाट आर द वेज इन विच, दिखाओ भाई जरा ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 पेज 83. हाँ बजट मैनुअल कहाँ है, कहाँ है डायग्राम, किसका डायग्राम, कौन सा, कौन सी बात कर रहे हो सुभाष नगर? चलो भाई दिखाओ जरा, मैं मार्जिनल कॉस्टिंग की बातें कर रहा हूं. ये तो प्रैक्टिकल बेस्ड है, ये तो प्रैक्टिकल बेस्ड है, इन सब सवालों के लिए तो तैयारी हो आप वैसे भी. हाँ मार्जिनल कॉस्टिंग में तो हमने डायग्राम भी बहुत बनवाए हैं. कह रहे कौन कौन से तरीके हैं जिसमें मार्जिनल कॉस्ट मैनेजमेंट की हेल्प कर सकती है डिसीजन मेकिंग में. देख रहे हो जी, टेक्निक ऑफ डिसीजन एफएम की तरह, यहां पर रिपोर्टिंग किसी को नहीं होती. प्राइसिंग, मेक और बाय, सूटेबल प्रोडक्ट मिक्स, लिमिटिंग फैक्टर याद है, सूटेबल प्रोडक्ट मिक्स, कौन सी चीज बेचूं पहले, ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ये नहीं कर सकते तो वो शटडाउन और कंपोज द बिजनेस, शटडाउन और कंटिन्यू द बिजनेस, कंटिन्यू द बिजनेस, ये भी डिसीजन होगा कि भाई बंद कर दूं. हाँ रोहतक पिटाई करनी पड़ेगी आके, रोहतक कह रहे हैं हाँ सर लिमिटिंग फैक्टर कैसे भूल सकते हैं, आपके बाल पिटाई करता हूं बेटे आके. ठीक है जी, एडवांटेज डिसएडवांटेज कर लेना, वो सारी बातें ठीक है. सर जरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग समझे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो सारी सारी अकाउंटिंग मिला के बहुत बड़ा बिग डैडी है, बहुत बड़ा बिग डैडी है, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फलाना अकाउंटिंग, ढिकाना अकाउंटिंग, सारी तरह की रिपोर्टिंग होती है. बेसिकली इट इज द सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है, ये अकाउंटिंग नहीं, ये तो खुद ब खुद पूरा का पूरा सिस्टम है जो क्या करता है, प्लान, टेक डिसीजन, इन सब में इफेक्टिवनेस बढ़ाता है कंपनी की. इट इज द इंटायर गैमेट ऑफ एक्सरसाइज, इट इज अ वेरी बिग सिस्टम. इसी में कॉस्ट अकाउंटिंग आता है, इसी में फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है, सारी चीजें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होती है, लार्जर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ. ठीक है सर, अब जरा एक और चीज देखें भाई, एक छोटी सी बात जो शायद आपको पता हो, नहीं पता होगी तो आपको अब पता चल जाएगी. मुझे बताना जरा ब्रेक इवन का क्या फॉर्मूला था, जरा ब्रेक इवन का फटाफट से फॉर्मूला तो बताना. अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. ठीक है जी, बात डन हो गई. अब अगर मैं आपसे कहता हूं, लो जी रेड पेन तो गया,
अगर मैं आपसे कहता हूं कहां गया मेरा ब्लू पेन कि कैश ब्रेक इवन निकालो, कैश ब्रेक इवन निकालो, तो आप भी क्या करोगे, कैश फिक्स कॉस्ट ले लोगे, यानी कि आप नॉन कैश फिक्स कॉस्ट लाइक डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर दोगे, बस खत्म हो गई बात। इतनी सी बात है, कौन सी बड़ी बात है, ये कोई अलग से कराने की जरूरत भी है क्या? अगर आ गया सवाल तो ये लिख देना, कैलकुलेशन आए तो इस तरह से कर देना, ठीक हो गई बात। हाँ जी सर। अच्छा एक और चीज, आप सब बच्चे अजम्पशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस अपने स्टडी मॉड्यूल से करेंगे। सिक्स पॉइंट्स लिखे हैं जिसमें से दो तीन पॉइंट्स मैंने करा दिए हैं, लेकिन आप छह में से छह पॉइंट रट के जाएंगे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी सिंपल, इसीलिए क्लास में नहीं ले रहा, बड़े बच्चों वाला इसीलिए क्लास में नहीं ले रहा। स्टडी मॉड्यूल से करना, प्रैक्टिस मैनुअल में नहीं है भैया, स्टडी मॉड्यूल में है। छह पॉइंट गिवन है, अजम्पशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, ध्यान है कुछ कुछ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल रिमेन सेम, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम, फिक्स कॉस्ट एट टोटल विल रिमेन सेम, नो टैक्सेस एक्सेट्रा विल बी इंट्रोड्यूस्ड, ये सारी कुछ कुछ बातें लिखी थी आपने क्लास में, वो सब रेलेवेंट थे, लेकिन स्टडी मॉड्यूल में कुछ थ्योरी की आलतू फालतू बातें भी लिखी हैं। ये बड़ा ही हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, मुझे इस बार सिक्स सेंस हो रहा है कि आने वाला है। इस सिक्स सेंस का कोई लॉजिक नहीं होता, बस सिक्स सेंस हो ही जाता है। ठीक हो गई जी बात, यस सर, ये बात भी ठीक हो गई। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में काम की चीज, बाकी तो सब आपको पता ही है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, आधा कॉस्टिंग हो गया, डेप्रिसिएशन को इग्नोर कब किया भाई हमने, मैंने कराया था तुम्हें, मुझे नहीं लगता मैंने कराया था ये वाला क्वेश्चन, रियली? चलो खैर छोड़ो, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट की बातें करें। मुझे एक चीज बताओ, आज के जमाने में आप कोई भी चीज कॉस्ट प्लस बेच सकते हो, इसका क्या मतलब है, जितने की बनाऊंगा पांच रुपए ऐड करके उतने की बेचूंगा, क्या इस तरह से आज की डेट में कोई भी बंदा बोल सकता है? नहीं सर, सवाल ही नहीं, इट इज सच अ कॉम्पेटिटिव मार्केट, आज की डेट में ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता। आज की डेट में प्राइस इज नॉट फिक्स्ड बाय कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, प्राइस इज नॉट फिक्स्ड बाय कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, एक्चुअली प्राइस इज डिटरमिंड बाय द मार्केट फोर्सेस। तो प्राइस पहले आता है, फिर बंदा हिसाब लगाता है मैं कितने में बना सकता हूं, और रिजल्टेंट अमाउंट प्रॉफिट होता है। ये जो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये जितने भी कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट हैं, आपके बड़े ही राजाओं वाली बात है। कॉन्ट्रैक्टर को कोई प्रेशर नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर को नहीं पता टोटल रेवेन्यू कितना होगा, कॉन्ट्रैक्टर डज नॉट नो व्हाट इज द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, नो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज नोन, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जितनी भी कॉस्ट लगी उसका 10% होगा, जितनी भी कॉस्ट लगी उसका 10% होगा। मैंने कहा वायर, यानी कॉस्ट ज्यादा लगी तो उसका भी 10%, कह रहे हाँ। मैंने कहा यार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कहां मिलते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ तब मिलते हैं व्हेन इट्स अ स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्टर इज एट अ स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन लेवल। कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है भाई साहब
हाँ हाँ कॉस्ट परसेंटेज कैन चेंज, बिल्कुल बिल्कुल उत्तम नगर परसेंटेज चेंज हो सकती है। कॉन्ट्रैक्टर इतना स्ट्रांग है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, मैंने उससे कहा भाई साहब ये काम कर दोगे, मेरा कह रहा है भाई साहब जितना पैसा लगेगा 10% ऊपर से देना पड़ेगा। मैंने कहा यार थोड़ा सस्ता वस्ता कर दो कितना हो फिर भी टोटल कुछ। कॉन्ट्रैक्टर कहते मुझे नहीं पता, काम ही इतना स्पेशलाइज्ड है, आप जो काम मांग रहे हो मुझे नहीं पता कितने पैसे लग जाएंगे, तो मैं आपको कौन सा रेट कोट कर दूं। मैंने सपोज 1000 करोड़ भी कोट कर दिए तो भी मुझे नहीं पता कि कितना खर्चा होगा, मेरे को तो नुकसान हो सकता है, जाओ मैं नहीं करता। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई साहब काम तो मेरा है, रिक्वायरमेंट तो मेरी है, अच्छा बताओ कितना पैसा लोगे। कहने लगा भाई साहब मैं एक अमाउंट नहीं बता सकता, जितना कॉस्ट लग जाए आपके सामने कॉस्ट होगी, आपको हम सारे बिल्स दिखा देंगे, उसके ऊपर 10% दे देना या 15% दे देना या 5% दे देना, कुछ भी हो। दीज आर नोन एज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। इससे होने वाले फायदे देखो आप, कॉन्ट्रैक्टर को हमेशा एक प्रॉफिट मिलने का फायदा है, उसको प्रॉफिट अब नुकसान कभी नहीं हो सकता। आपको कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हो जाता था ना, जो सारा लॉस पीएनएल बेच देते थे, तो वो धम दिल दे चुके सनम वाली, अजय देवगन वाली स्टोरी, यहां पे कभी नहीं होगा क्योंकि आपका रेट फिक्स है ही नहीं। रेट हो कॉस्ट हो तभी तो प्रॉफिट निकालोगे, यहां तो कॉस्ट है प्रॉफिट है फिर रेट निकल रहा है। रेट आपने निकालना है, रेट गिवन नहीं है, वाजिब है, बल्ले बल्ले कभी लॉस नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्टर के मन में तसल्ली है, नंबर वन सबसे बड़ी एडवांटेज। एडवांटेज देखो कॉन्ट्रैक्टी के लिए, कॉन्ट्रैक्टी के लिए एडवांटेज देखो, मैंने अपनी बहन की शादी के लिए, अच्छा चलो ज्यादा सेंटिमेंटल हो गया, मैंने अपने दोस्त की शादी के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को किया, और कॉन्ट्रैक्टर्स को मैंने कहा देख भाई 1000 लोगों का खाना बनेगा तू बता कितने में काम करेगा। कह रहा है जी 10 लाख रुपए लगेंगे। मैंने कहा डन, ये कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि उसने कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के ये नंबर नहीं बोला, उसने पहले नंबर बोला अब वो काम शुरू कर रहा है। तो मुझे बताओ वो ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए अब क्या कर सकता है, वो दोबारा मेरे पास आ सकता है? एस्केलेशन ना हो तो मेरे पास वो आ नहीं सकता, क्योंकि 10 लाख का वो मुझसे रेट फाइनल कर चुका है। अगर उसे अपना प्रॉफिट बढ़ाना है उसके पास सिर्फ एक ही तरीका बचा है, अपनी कॉस्ट कम करने का। कॉस्ट कम दो वजह से होती है, एफिशिएंसी, मुझे दिक्कत नहीं है एज अ कस्टमर, एंड बैड क्वालिटी, वो सस्ते अमरूद, सस्ता तरबूज, सस्ते फल फ्रूट, सस्ती सब्जियां, ऐसे घटिया सामान खरीद के लाएगा, उसकी तो कॉस्ट कम लेकिन मेरा तो आउटपुट खराब हो गया। तो मैंने कहा मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर भाई तू अपने जितनी तेरी कॉस्ट लगे उसका 10% फालतू ले लियो, तू सस्ता काम मत करियो। ये कॉन्ट्रैक्टी को सबसे बड़ा फायदा है, अश्योर्ड क्वालिटी। सोच के देखो आप, आपने किसी को ठेकेदार को ठेका दे दिया, जिसको बोलते हैं दिहाड़ी वर्सेस ठेका, आपने कहा भाई देख ये कमरा बनना चाहिए 50,000 रुपए में, तेरा ही सामान तेरा ही लेबर, तो ऐसे में हमेशा वो ना घटिया क्वालिटी का काम करता है, क्योंकि उसने अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, रेवेन्यू वो फिक्स कर चुका मेरे से। तो मैंने कहा चल छोड़ भाई तू फिक्स अमाउंट छोड़, तेरा जितना पैसा लगे तू काम दिल से कर, तेरा जितना पैसा लगे उसके ऊपर तू ये ले लियो कॉस्ट प्लस, दैट इज कॉस्ट प्लस, ठीक है ना जी। हाँ सस्ते पास्ता भी जाएंगे उसमें, वेरी गुड वेरी गुड। तो दोनों में कुछ फायदा होगा कुछ नुकसान, नुकसान क्या है सबसे बड़ा कॉस्ट प्लस का, कॉन्ट्रैक्टर खुली वेस्टेज करता है, खुली वेस्टेज, उसे पता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टी ने बियर करना है, वो रेट फिक्स है ही नहीं, जो जितना मैं तो बल्कि जितना महंगा सामान वेस्ट करूंगा जितना बर्बादी होगी वही तो खर्चे में आएगा, वही प्रॉफिट का बेस बनेगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर बड़ी वेस्टेज करता है, जानबूझ के महंगा सामान लाता है। उसका नुकसान कॉन्ट्रैक्टी के लिए क्या, चीज महंगी बड़ी पड़ जाती है, चीज बड़ी महंगी पड़ जाती है, क्योंकि मैं सामने वाले को ना खुला हैंड दे रहा हूं, जय बेटे तू खर्चा कर, क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज मत करी लेकिन खर्चा खुला कर, तो सामने वाला बंदा कभी कभी ज्यादा ही खुला खर्चा कर देता है, तो आपको लगता है भाई सोने की थाली में थोड़ी खिलाया इतना कहां से बिल आ गया, कह रहे सर आप ही ने कहा था। तो ये दोनों के फायदे दोनों के नुकसान, वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट प्लस। आओ जी आगे बढ़े, वैल्यूएशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड, ये बात ठीक हो गई। जॉब और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की डिफरेंशिएशन हमने पिछली बार कर ली, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। आगे बढ़े, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हमारा हो गया खत्म। ओवरहेड, ओवरहेड में फिर से बहुत सारी थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरी है, हालांकि ज्यादा मुश्किल नहीं है, वही अपने 6 स्टेप्स हैं। मशीन आवर रेट के बारे में बातें हैं, अरे सब कुछ आपको आता है, कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ याद आया क्या, क्वेश्चन नंबर 8 कुछ याद आया क्या,
फेवर एंड अगेंस्ट द इंक्लूजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन कॉस्ट अकाउंट्स। कुछ याद आया? हाँ सर याद आ गया सर, इंटरेस्ट तो फाइनेंशियल आइटम में होता नहीं है। देखा उसी चीज को उसने किस तरह से थ्योरी क्वेश्चन बना दिया। हाँ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में ही होता है, लेकिन आप देखो कितने अच्छे से उसने इसको क्वेश्चन बनाया है, इसीलिए रिकमेंडेड है कि आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स इन कॉस्ट अकाउंट्स, ये तो वैसे ही इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ना है। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी बातें तो आपने पढ़नी पड़नी हर हालत में। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज एक क्वेश्चन नंबर 12 में छोटा सा इराटा ठीक कर लीजिए। प्रैक्टिकल कैपेसिटी में आवर्स नहीं है, डेज है, ठीक है जी, ये डेज है हमारे। और इस तरीके से लिखे, मेरे साथ साथ बात समझनी है आपने, मेरे साथ साथ बात समझनी है आपने, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा जी वेरियस कैपेसिटी लेवल्स बताओ, पहला और आखिरी बड़े आराम से समझ में आएगा, उसकी बात करते हैं। कह रहा जी मैक्सिमम कैपेसिटी बताओ, हमने कहा जी ये वो कैपेसिटी है जिससे ज्यादा काम हो ही नहीं सकता, 365 दिन है, 8 घंटे बिना छुट्टी के नॉन स्टॉप अगर काम करता रहा, थक गया, 365 × 8 = 2920 आवर्स, दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी, इससे ज्यादा कोई नहीं काम कर सकता, दैट्स हाउ यू विल फील। व्हाट इज द एक्चुअल कैपेसिटी, जितना मशीनों ने या लेबरर्स ने एक्चुअली काम किया, एक्चुअल कैपेसिटी, जो एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स काम हुआ। अब आप बात समझो, व्हाट इज प्रैक्टिकल एंड व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज प्रैक्टिकल एंड व्हाट इज नॉर्मल। अगर आप मैक्सिमम कैपेसिटी में से अपना रिपेयर, हॉलिडे, मेंटेनेंस, इन सब को माइनस कर दो, तो आपकी प्रैक्टिकल कैपेसिटी आ जाएगी। सो दैट मींस बिटवीन 1 and 2 व्हाट वुड यू सब्ट्रैक्ट, डाउन टाइम विच इज बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस एंड हॉलीडेज। तो मैक्सिमम में से ये दोनों माइनस किया तो प्रैक्टिकल आ गई, लेकिन दैट डजंट मीन इतने घंटे भी काम हुआ, क्योंकि अभी तो नॉर्मल आइडल टाइम भी माइनस करना पड़ेगा। कुछ ऐसा टाइम, वर्कर का एक मशीन से दूसरे मशीन पे जाना, वर्कर का यूनिफॉर्म चेंज करना, वर्कर का फटीग, वर्कर का खाना खाने का टाइम, ये सारी दोनों चीजें माइनस करी तब जाके आ गई नॉर्मल कैपेसिटी। फिर जब नॉर्मल कैपेसिटी, इतना भी काम क्यों नहीं हुआ, इतने में तो हमने सारे डिडक्शन कर दिए, नॉर्मल छुट्टियां माइनस कर दी, नॉर्मल आइडल टाइम माइनस कर दिए, फिर भी इतना भी काम क्यों नहीं हो पाया। कह रहे भाई साहब वर्कर सिर्फ आइडल टाइम जो नॉर्मल है उसमें ही थोड़ी खाली बैठेगा, अब नॉर्मल झंझट भी बहुत होते हैं, दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन 3 and 4 इज द एबनॉर्मल आइटम्स, इज द एबनॉर्मल आइटम्स। आपको तो पता है हम कॉस्ट अकाउंटिंग में एबनॉर्मल आइटम हटा देते हैं, तभी तो सारे अब्सॉर्प्शन, सारे रेट हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी पे निकाले जाते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। आप लिख रहे हैं ना मेरे साथ साथ, मैक्सिमम में से छुट्टियां और हॉलीडेज माइनस करी तो प्रैक्टिकल आ गया, प्रैक्टिकल में से अब फैक्ट्री तो खुली, मशीन भी तैयार है, वर्कर तैयार है काम होने के लिए, लेकिन कुछ तो नॉर्मल आइडल टाइम होगा, ये अजी आपकी आ गई नॉर्मल कैपेसिटी, जिसमें से आपने अब नॉर्मल माइनस किया तो आ गई आपकी एक्चुअल। ठीक है जी, ठीक है, ये बढ़िया हो गया सर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के पूरे चांस है। एक बार बुक को रोटेट करके, अच्छा यू लो भाई लो, बड़े इंटेलिजेंट हो आप तो, ऐसे कर लो, बिटवीन 1 and 2 इज डाउन टाइम, बिटवीन 2 and 3 इज नॉर्मल आइडल टाइम। ये नॉर्मल कैपेसिटी वो लेवल है जितना काम होना चाहिए था, इसमें से मैंने सारे नॉर्मल लेवल माइनस कर दिए, लेकिन सर एक्चुअल और नॉर्मल में भी क्यों फर्क आ गया, क्योंकि भैया कुछ तो अब नॉर्मल चीजें भी हो गई, कुछ अब नॉर्मल चीजें भी हो गई। ठीक हो गई बात, वेरी गुड रोहतक, नॉर्मल आइडल टाइम इज द सेटअप टाइम, जी हाँ ऐसा मान सकते हैं, बिल्कुल ऐसा माना जा सकता है, वेरी गुड उत्तम नगर। जैसे हुड हुड एबनॉर्मल था,
हुडूड के बारे में किसी ने भी पहले अंदाजा अपनी प्लानिंग साल की प्लानिंग में नहीं किया होगा, तो हुडूड जो हो गया वो आपका नॉर्मल में आएगा। नॉर्मल लेवल तो हाई है लेकिन एक्चुअल लेवल कम हो गया, क्योंकि पिछले पूरे हफ्ते उड़ीसा में काम ही नहीं हुआ, विशाखापट्टनम में अगले 20 दिन काम नहीं हो सकता, इतनी तबाही मचा दी। लेकिन नॉर्मल कैपेसिटी उनकी हाई थी, एक्चुअल कैपेसिटी बड़ी कम हो गई। ये कहां गए इतने सारे घंटे, कौन वेस्ट कर दिया? एबनॉर्मल ने वेस्ट कर दिया, एबनॉर्मल ने वेस्ट कर दिया। ठीक हो गई जी बात? हाँ जी सर, ये बात ठीक हो गई। चलो भाई, ओवरहेड भी हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड जी। आ जाइए अगले पे चलें, प्रोसेस। प्रोसेस पे बहुत ज्यादा कुछ खास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है वो तो बड़ा ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, इसमें कुछ वो है नहीं। हाँ, ये प्रैक्टिकल है, इस पे आने के काफी चांसेस हैं। ये हमने प्रैक्टिकली करा दिया, बाय प्रोडक्ट को कैसे हैंडल करना है तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट के बीच की चीजें पता है। व्हाट इज वेरी क्रिटिकल इज क्वेश्चन नंबर 6। जॉइंट प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट। आप लोग कभी कोएड स्कूल में पढ़े हो? हाँ सर, कोएड में पढ़े। और बस आप यादें ताजा ना करो तो ये अच्छा होगा। कोएड का मतलब होता है साथ साथ, और जुड़वा का मतलब होता है इकट्ठे पैदा होने वाले। जॉइंट प्रोडक्ट जुड़वा बच्चे हैं, को प्रोडक्ट साथ साथ चाहे एक ही रूम में पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन दोनों की एग्जिस्टेंस अलग अलग है। ऐसी नाम ले रहा हूं, शिक्षा अग्रवाल, ज्ञान मित्तल। वाह क्या नाम आए हैं, शिक्षा अग्रवाल, ज्ञान मित्तल, दोनों भाई अलग अलग घर से आते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, को प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट क्या है? शिक्षा अग्रवाल और लेट्स से विदिशा अग्रवाल, दोनों जुड़वा बहने हैं, जॉइंट प्रोडक्ट। कुछ को लगता है दोनों सुनौने में, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। जॉइंट प्रोडक्ट में जॉइंट कॉस्ट लगती है जो बांटनी पड़ती है, को प्रोडक्ट में भैया अलग अलग प्रोडक्शन होता है, अलग अलग लाइन पे बनते हैं। हाँ, एक कमरे में या एक फैक्ट्री में हो सकता है। जॉइंट प्रोडक्ट का यूज बिल्कुल अलग अलग हो सकता है, जैसे कि आपने दूध में कुछ कुछ करते हैं ना प्रोसेसिंग, अपन ने लस्सी बनाई थी, एक निकली थी क्रीम, एक निकला था बटर मिल्क, दोनों का यूज बिल्कुल अलग अलग है। को प्रोडक्ट में जनरली यूज सेम होता है, जैसे पेन एंड पेंसिल, जैसे एयरप्लेन एंड हेलीकॉप्टर, ये बड़े सिमिलर टाइप प्रोडक्ट होते हैं। इसमें कॉमन इनपुट जाते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट में इसमें इनपुट भी अलग अलग जाते हैं, तो को प्रोडक्ट एक तरह से बिल्कुल अलग है जॉइंट के मुकाबले। आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसमें ना पॉइंट नंबर 3 काट लेना, वो गलती से आ गया है, 3 और 4 गलती से ऐड हो गए हैं, ऊपर ऊपर पॉइंट नंबर 3 और 4 बाय प्रोडक्ट वाले ऐड हो गए हैं। ठीक है जी, हाँ जी, चलिए जी आगे बढ़ें। आ गए हम अपने इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, इस पे भी हमने शायद बात करी थी, इस पे भी हमने बात करी थी इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। इस पे हमने एक क्लास में ही नोट लिखा था, क्लास में ही नोट लिखा था, और ये एक थ्योरी सवाल बन जाता है, अच्छा थ्योरी सवाल बन जाता है। और जैसे आप ब्रांच अकाउंटिंग में रिजर्व बना के हटा देते हो, वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक में से रिजर्व बना के प्रॉफिट हटा देते हो। भाई हमारा ही प्रॉफिट, हमारा ही स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, प्रॉफिट जोड़ा हुआ है जबरदस्ती का, तो उसको हटाया जाता है। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट वेरी इंपॉर्टेंट। चलो भाई,
आखिरी 10 मिनट बचे हैं, प्रोसेस भी हो गया, बड़ा लंबा है साहब। मटेरियल कॉस्टिंग, मटेरियल में तो प्रैक्टिकली इतना है और थ्योरी भी बहुत है, थ्योरी भी बड़ी जबरदस्त है। इन्वेंटरी कंट्रोल क्या होता है ये तो बड़े बच्चों वाली बात है, वो सब तो छोड़ो। एबीसी, एबीसी हमने अपने उसमें ही अच्छे से समझाया है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है अपनी क्लासेस में ही। एबीसी का मतलब होता है इंपॉर्टेंस वाइज, ए कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट, बी कैटेगरी सेकेंड एंड सी कैटेगरी थर्ड। एडवांटेज क्या होता है कि इंपॉर्टेंट चीज पे ज्यादा फोकस करोगे तो ज्यादा वैल्यू मिलेगी, वैल्यू वाइज 70%, क्वांटिटी वाइज 10%। सी कैटेगरी वैल्यू वाइज 10%, क्वांटिटी वाइज 70, ये उल्टा होता है। और बी कैटेगरी 20-20। ठीक है जी, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टॉक लेवल्स की बातें हो चुकी हैं आराम से और ये प्रैक्टिकल बेस्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर, स्लो मूविंग पार्ट हम कर चुके हैं, स्क्रैप स्पॉइलेज वगैरह सब कर चुके हैं, ये सेंट्रलाइज परचेजिंग ये तो बकवास बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बेकार है, गप्पे हैं, आप खुद भी बना सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। मैं तो आपका काम थोड़ा सा कम कर रहा हूं। व्हाट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इज मटेरियल रिटर्न नोट, मटेरियल ट्रांसफर नोट, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इनके फॉर्मेट्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, नो रेलेवेंस ऑफ फॉर्मेट, नो रेलेवेंस ऑफ फॉर्मेट, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वहां पे फॉर्मेट नहीं बनाने। मटेरियल रिटर्न नोट, जब भी सामान वापस जाएगा स्टोर में या फिर जब भी सप्लायर को वापस जाएगा तो बाय रिटर्न नोट बनेगा। मटेरियल ट्रांसफर नोट, जब एक जॉब से दूसरी जॉब में जाएगा या एक बैच से दूसरे बैच में जाएगा, यानी स्टोर को वापस नहीं जा रहा लेकिन फिर भी फैक्ट्री में घूम रहा है, उसके लिए ट्रांसफर नोट चाहिए। व्हाट इज मटेरियल रिक्विजिशन नोट, और सामान भेजो और गोलियां भेजो, चिट्ठी पे लिख के भेजी जाती हैं, ये रिक्वेस्ट। रिक्विजिशन मतलब रिक्वेस्ट, जो ज्यादा रिक्विजिशन भेजता है स्टोर उसके लिए उतना ही काम करता है, तभी तो स्टोर के ओवरहेड रिक्विजिशन के बेसिस पे भी बांटे जाते थे। हाँ 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 सर, ये आ गया, ये आ गया, यस यस यस। चलो भाई आगे बढ़े, फीफो लीफो आपको कौन समझा सकता है। जीआईटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने पास बिल्कुल सामान मत रखो किसी भी चीज का, जिसकी जब जरूरत हो तभी ऑर्डर करो, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पहुंचेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आपका लेकिन इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम, आपका इंटरेस्ट का ब्लॉकेज कम, देयरफोर आपका प्रॉफिट ज्यादा। लेकिन इसके साथ भाई साहब रिस्क भी बहुत है, अगर मैंने लास्ट मोमेंट तक वेट करा और पता चला सप्लायर की छुट्टी निकली, गुड़गांव में आज इलेक्शन है, आज गुड़गांव में छुट्टी है, मैं आखिरी दिन तक वेट करता रहा, मैंने कहा आखिरी टाइम ही मंगाऊंगा, सप्लायर कह रहे सर मेरी तो दुकान ही बंद है, मेरा रिस्क भी बहुत ज्यादा है। जीआईटी हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम, वेरी वेरी हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम। ठीक है जी, लो भाई एबीसी पे प्रैक्टिकल सवाल भी दिया हुआ है, आराम से कर लेना, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बात समझ में आ जाएगी। ये वीडी एनालिसिस बिल्कुल सेम है एबीसी की तरह, एबीसी की तरह देखना जरा, बड़े सारे लोग हैं ना उन्होंने बड़ा ज्ञानबाजी करी हुई है, हम बेकार में फंस गए। सीए के स्टूडेंट, वी स्टैंड फॉर वाइटल, ई स्टैंड फॉर असेंशियल एंड डी स्टैंड फॉर डिजायरेबल। आपकी जिंदगी में वाइटल पता है क्या है, माता पिता का आशीर्वाद, स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी। स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी के बिना तो आप जिंदा रह ही नहीं सकते, बाद की बातें तो बाद में। असेंशियल क्या है, अच्छा खाना, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छा घर मतलब साफ सुथरा सफाई। डिजायरेबल क्या है, फेसबुक अकाउंट, मोबाइल फोन, मूवी देखना। समझ रहे, तीनों का लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस अलग अलग है, इन तीनों पे अलग अलग तरह का ही ध्यान दिया जाएगा, बिल्कुल एबीसी के जैसा है। नाम ध्यान रखेंगे, वी फॉर वाइटल, ई फॉर एसेंशियल, डी फॉर डिजायरेबल। परपेचुअल और पीरियोडिक क्या होता है ये बातें आपको पता है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग विमाग लगाना नहीं है। चलो भाई हमारा हो गया मटेरियल,
लेबर के केस में, अच्छा मटेरियल के बाद स्टैंडर्ड गिवन है। स्टैंडर्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरियस टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, ये पढ़ लीजिएगा, बड़ा ही आसान है, समझाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। बेसिक, आइडियल, नॉर्मल, अटेनेबल, लूज, रिवाइज्ड, करंट, ये बड़े बच्चों वाले स्टैंडर्ड है। एक ही चीज के कई सारे स्टैंडर्ड बनाते हो आप। एक होता है जो बड़ा बेसिक सा होता है, बड़े लॉन्ग टर्म, किसी के बच्चे को ऑन एन एवरेज 10 घंटे पढ़ना चाहिए, आइडियल नहीं सर, इसको मिनिमम 14 पढ़ना चाहिए अंडर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन। नॉर्मल सर, पर 14 पढ़ कहां पाता है, एवरेज देखा गया है 9 घंटे ही पढ़ पाता है। अटेनेबल, ऐसे स्टैंडर्ड बनाओ जो बच्चा पढ़ ले, अपने बच्चों को बोलो 6 घंटे पढ़ लो तो ही बहुत बड़ी बात है, हम जानते हैं प्रैक्टिकली समस्याएं हैं। लूज, अच्छा चलो ऐसा करो 2 घंटे पढ़ के दिखा दो हम चॉकलेट देंगे, बहुत डीले स्टैंडर्ड। रिवाइज्ड, इनमें से किसी में भी रिवीजन होगा तो रिवाइज्ड हो गया। एंड करंट स्टैंडर्ड, सेट फॉर द करंट पीरियड, कौन सी बड़ी बात है, क्लियर हो गई बात। बेसिक, आइडियल, नॉर्मल, अटेनेबल, लूज, रिवाइज्ड, करंट, भाई साहब आपको नाम रटने पड़ेंगे। बेसिक, आइडियल, नॉर्मल, अटेनेबल, लूज, रिवाइज्ड, करंट, बिना एलआरसी, बिना एलआरसी। बेसिक, आइडियल, नॉर्मल, अटेनेबल, रिवाइज्ड, करंट एंड लूज, एक बार तो रटना पड़ेगा भाई, एक बार तो रटना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रामेबाजी की हद, क्वेश्चन नंबर 6, ड्रामेबाजी की हद, लेकिन आपने पढ़ना है इसको, लेकिन आपने अदालत में पढ़ना है। ये बड़ा सिंपल सी बात है, ये सब गप्पों वाली बातें हैं जो आपको पता हैं और अच्छे से करी जानी चाहिए। लेबर कॉस्टिंग में काफी सारी चीजें हैं जो हम प्रैक्टिकली करेंगे, जो तो थ्योरी वाली है। आइए जरा, ऑलमोस्ट आखिरी चैप्टर रह गया आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम एंड मोशन स्टडी, वेरी इंपॉर्टेंट, जॉब इवैल्यूएशन एंड मेरिट रेटिंग, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इंसेंटिव, इंसेंटिव तो ठीक है, ये रहा प्रॉफिट शेयरिंग एंड को पार्टनरशिप। इनमें से काफी बार देखा गया है कि थ्योरी सवाल आ जाता है। हां, क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट, कहां दिख रहे हैं, नीचे देखिए जी, अच्छा मैंने ऊपर उठा दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम बुकिंग, टाइम कीपिंग, ये तो सब सिंपल रीडिंग, अरे कौन कर रहा है टाइम बुकिंग के मेथड, वेजेस एब्स्ट्रैक्ट, और ये आपके डिफरेंट हेल्से एंड रोवन के प्लान्स हैं, इसमें क्या फर्क है, क्या होता है, डिफरेंट तरह के प्लान्स आपको पता होने चाहिए। आइए जी एक एक करके फटाफट से इनके बारे में कुछ कुछ बातें कर लेते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। टाइम एंड मोशन स्टडी बता देता हूं, सबसे आसान लेकिन गहराई से समझने वाला। टाइम स्टडी का मतलब है, आप इधर दिखाए चले, टाइम स्टडी का मतलब है किसी भी चीज में लगने वाला टाइम का एनालिसिस। इससे क्या होगा, सपोज करो हम प्रो एजुकेशन में टाइम स्टडी करते हैं, मैं आपको स्टेप्स बताता हूं, मैं स्टूडियो में घुसता हूं, मैं ये बैच पहनता हूं, मैं माइक लगाता हूं, फिर यहां जो स्टूडियो इंजीनियर है अपनी कुछ कुछ टिक टैक टो करता है, फिर एक कैमरामैन आता है अंदर, और उसके बाद मैं खड़ा हो जाता हूं, 5 मिनट तक मैं खड़ा रहता हूं, मैं 5 मिनट तक खड़ा हूं, वेला बैठा हूं, और फिर जाके क्लास ऑन होती है। हर इस पूरे काम में छोटी 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 एक्टिविटीज है, हर एक एक्टिविटी में लगने वाला टाइम नोट करो। अंकुर सर को बाहर से अंदर आने में कितना टाइम लगता है, 5 सेकंड, उनको बैच पहनने में 5 सेकंड, और माइक लगाने में 5 सेकंड, टोटल 15 सेकंड में अंकुर सर तैयार।
कैमरामैन को कितनी देर लगती है? सर 5 मिनट। यानी सबसे पहले काम किसको शुरू करना चाहिए? कैमरामैन को। कैमरामैन जब अंकुर सर आ जाते हैं तब शुरू होता है। कैमरामैन को 5 मिनट लग रहे हैं और अंकुर सर को 15 सेकंड, तो अंकुर सर के तो बाकी टाइम वेस्ट हो रहा है। सॉरी गेटिंग मी, ये कहां से पता चला? ये टाइम स्टडी से पता चला। पूरे काम में होने वाली छोटी 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 एक्टिविटीज को तोड़ दिया जाता है और उसके हर एक एक्टिविटी में टाइम कितना लग रहा है नोट किया जाता है। इससे ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ती है। कुछ एक्टिविटीज हैं जो बिल्कुल बेकार में करती हैं वो हट जाती हैं। कोई चीज जो जल्दी शुरू होनी चाहिए वो शुरू लेट होती है, इसके चक्कर में बाकी लोग वेट कर रहे हैं। एक बंदा है, 5 लोगों को इकट्ठे शादी में जाना था, एक बंदे को तैयार होने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, तो कॉमन सेंस क्या कहता है? उसको पहले तैयार होना शुरू करो। दैट इज दी टाइम स्टडी। आपने कहा ए को तैयार होने में इतना टाइम, बी को में इतना टाइम, लेकिन सी को तैयार होने में सबसे ज्यादा, तो भाई सबसे पहले मिस्टर सी तुम तैयार होना शुरू करो। हम तो अभी आराम कर रहे हैं, क्योंकि जितने टाइम में तुम्हें टाइम लगेगा उतने में हम तैयार हो जाएंगे। दैट इज वॉट इज योर टाइम स्टडी। सर वॉट इज मोशन स्टडी? मोशन स्टडी इज द मूवमेंट ऑफ द वर्कर, ट्रैकिंग ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वर्कर व्हाइल ही इज ऑन द जॉब। मैं अपनी मोशन स्टडी करता हूं, बुक रखी है इधर, मैं इधर लिख रहा हूं, यहां कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर पलटूंगा, फिर यहां देखा, फिर वापस गया, फिर लिखा, फिर पलटा, फिर यहां देखा। आप देख रहे हो मेरा बार बार ये वाला जो स्टेप है, ये कोई डांस स्टेप नहीं है, ये मेरा जो ये वाला स्टेप है बार बार हो रहा है। इससे बेटर क्या तरीका है? सोचो ना, वर्कर की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाओगे? सर ये बुक यहीं पर कहीं पे टंगवा दो, ये बुक यहीं पे टंगवा दो, जिससे आपको बार बार जो ये घूम घूम के पीछे जाना पड़ रहा था खत्म हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट इज योर मोशन स्टडी। आप वर्कर की मूवमेंट ट्रैक करते हो कि तू यहां से वहां गया क्यों? सर पेच कस उठाने। फिर वहां से वहां क्यों गया? सर पेच उठाने। तो भाई दोनों को एक ही जगह रख ले। हाँ सर। सर फिर मेरे कपड़े तो जो बदल के मैं पेंटिंग करूंगा वो तो दूसरे कमरे में। यार तो तीनों को एक जगह रख ले। सो दैट्स हाउ यू डू द मोशन स्टडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रिटिकल। प्रॉफिट शेयरिंग को पार्टनरशिप इज वेरी इजी, आई एम नॉट गेटिंग इन टू ऑल दैट। जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, तीनों बड़े अलग अलग मुद्दे हैं, बड़े ध्यान से समझना। सर जॉब डिस्क्रिप्शन, क्या क्या करना पड़ेगा जॉब में? हमने कैमरामैन भी पूछा, भाई कैमरामैन तुम्हारी जेडी क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? तो कैमरामैन कहने लगा, सर मेरे को जो ईमेल आया था प्रो एजुकेशन से उसमें लिखा था कैमरामैन को 3 घंटे खड़े रहना पड़ेगा, कैमरामैन को अटेंटिवली कैमरा हिलाना पड़ेगा, कैमरामैन के रिफ्लेक्सेस बड़े फास्ट होने पड़ेंगे। ये सब जॉब डिस्क्रिप्शन है। व्हाट इज जॉब स्पेसिफिकेशन? सर ये लिस्ट ऑफ स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस है जो होनी चाहिए कैमरामैन के पास। इसका रिलेशन होता है जो काम हम करने वाले हैं, यानी डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन हमेशा साथ साथ होंगी। डिस्क्रिप्शन मतलब जॉब कैसी है और उसको करने वाला कैसा होना चाहिए, दैट इज स्पेसिफिकेशन। दैट इज स्पेसिफिकेशन, इन दोनों को जोड़ दो बन जाता है जॉब एनालिसिस। आप जॉब की तो डिफरेंट बातें कर रहे हो, तो योर जॉब एनालिसिस इज 2 मेजर एस्पेक्ट्स। ये रहा जी आपका जॉब से लेकर एनालिसिस, ये रही स्पेसिफिकेशन कि बंदे में क्या क्या होना चाहिए, ये रहा डिस्क्रिप्शन जॉब में क्या क्या करना पड़ेगा, ये हमारी स्किल्स, ये हमारी रिक्वायरमेंट। 10 घंटे खड़ा रहना पड़ेगा तो स्किल क्या हो गई, यू शुड बी अ रनर। जो बंदा रनर होगा, एथलीट होगा, वो 10 घंटे खड़ा रहेगा। सर इसके रिफ्लेक्सेस बड़े फास्ट होने पड़ेंगे, ही शुड बी इन द एज 20 to 30। दैट्स स्पेसिफिकेशन। डिस्क्रिप्शन इज रिफ्लेक्सेस फास्ट होने पड़ेंगे, सो दैट्स हाउ यू डू इट। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, टाइम बुकिंग और टाइम कीपिंग, वो तो सारी बातें ठीक है, वेज एक्सट्रैक्ट हो गया विच इज ऑल्सो इजी। एक छोटी सी बात कहां गई, वो मेरी टाइम एंड मोशन स्टडी। हाँ, जॉब इवेल्युएशन एंड मेरिट रेटिंग, जॉब इवेल्युएशन एंड मेरिट रेटिंग। भाई मोहित इधर आइए जरा, आपको प्रो एजुकेशन में 1 साल हो गया क्या? 6 महीने हुए हैं। जब 1 साल हो जाएगा तो आपको क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। मैं बात कर रहा हूं कैमरामैन से, एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। उस इंक्रीमेंट से पहले क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या काम किया और आपने किस तरह से कंपनी का फायदा किया,
ये जो मैं इनसे इंटरव्यू ले रहा हूं दैट इज नथिंग बट मेरिट रेटिंग। मैं किसी भी इंप्लॉय से, थैंक यू जी, किसी भी इंप्लॉय से उसके सालाना परफॉर्मेंस का जजमेंट करता हूं कि मिस्टर इंप्लॉय इधर आओ, पैसे बढ़ाने हैं, किस बात के पैसे बढ़ाने हैं? तो इंप्लॉय बोलेगा सर मैंने ये काम किया वो काम किया, जो हर सैलरीड इंप्लॉय करता है, जिससे बोनस मिलता है और अगली बार का इंक्रीमेंट मिलता है। दैट इज कॉल्ड एज मेरिट रेटिंग। मेरिट मतलब बंदे की रेटिंग, बंदे की खास बात। सो बट व्हाट इज जॉब इवैल्यूएशन देन? जॉब इवैल्यूएशन बड़े ध्यान से समझना, मुझे इधर आना, एक बार इधर आना, ये हमारे कैमरामैन है। मुझे एक चीज बताओ, हम दोनों की एक टीम आपको पढ़ाती है, लेकिन हम दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? कौन है हम दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट? हम दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं, एक ही बच्चे के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों में रिलेटिव कौन इंपॉर्टेंट है? हम आपसे थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। आप समझे इस बात को, ठीक है जी, थैंक यू। एक ही काम को करने में तीन चार लोगों का सहयोग होता है, लेकिन उन चारों पांचों में एक बंदा होगा जो रिलेटिवली सबसे जरूरी काम कर रहा होगा, दूसरा बंदा होगा जो उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट काम कर रहा होगा, एक बंदा होगा जो बहुत ही कम इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यार एक बंदा है जो मुझे चाय पिलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहा। कल को अगर डायरेक्टर साहब को पैसे बढ़ाने हैं या उनको एक बंदे को खुश रखना है, वो किसे खुश रखेंगे? चाय पिलाने वाले को कि मुझे? मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे। आप समझ रहे मेरी बात? जॉब इवैल्यूएशन इज रेटिंग नॉट ऑफ द पर्सन बट ऑफ द जॉब। यहां मैं खड़ा हूं, मेरी जगह पंकज सर होते, मेरी जगह सचिन सर होते, सोनू मैम होती, सबके लिए एक ही बात है। यहां पर अंकुर सर इंपॉर्टेंट नहीं है, फैकल्टी पोजिशन इंपॉर्टेंट है, फैकल्टी पोजिशन इंपॉर्टेंट है। बात समझना मेरी दोबारा से, मैं यहां पर मोहित को नहीं बुला रहा था, मैं यहां पर कैमरामैन को बुला रहा था, मैं अब खुद भी खड़ा था, मैं एक फैकल्टी खड़ा था, तो मैं फैकल्टी की एंड कैमरामैन की रिलेटिव जॉब इवैल्यूएशन कर रहा हूं, कौन सी जॉब किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगा सर फैकल्टी की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैमरामैन कुछ भी कर ले, फैकल्टी अगर अच्छा ना हो तो बेकार बात है। हाँ उल्टा भी ठीक है, फैकल्टी कुछ ना कुछ भी कर ले, लेकिन कैमरामैन भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन दोनों में एक थोड़ा रिलेटिव 19 होगा, एक 20 होगा। ये बात है जी, आप हमेशा अपनी जो क्रिटिकल जॉब्स हैं उनको सिक्योर करके चलते हैं। सपोज करो एक दिन के लिए चाय पिलाने वाला ना हो कंपनी में, चल जाएगा, लेकिन एक दिन फैकल्टी ना हो, चल जाएगा क्या? नहीं चल सकती ना क्लास, तो ज्यादा क्रिटिकल कौन हो गया, चाय वाला कि हम? आप लोग कह रहे हो सर चाय वाला, हाँ नलायक देखो जरा रोहतक और उड़ीसा को, अभी बताता हूं जूता उतार के। तो जॉब इवैल्यूएशन मतलब जॉब की रेटिंग, मेरिट रेटिंग का मतलब बंदे की रेटिंग, दो बातें अलग अलग हैं। जॉब इवैल्यूएशन में पर्सन इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। आपने ये सब तो कर ही लिया, क्या चीजें? जेडी एंड जेएस, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। चलो भाई चलो, लेबर भी हो गया हमारा, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग में वैसे भी कुछ नहीं है हमारा, ले देके अब क्या बचा? सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंट, वो तो आपके वैसे ही हो गए हैं, इंटरलॉकिंग सिस्टम है, वो तो हमने प्रैक्टिकल में कर लिए। चलो भाई चलो, लास्ट ईयर का हमने एक एडिशनल पेपर भी डाला हुआ है आपके लिए, अच्छे से कीजिएगा। तो भाई इसके चलते बात करते हैं खत्म। बहुत ही इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए कि मैं आज मतलब आपके साथ ये सफर खत्म कर रहा हूं, और इट इज एक्चुअली वेरी वेरी हार्ड फॉर मी, बिकॉज एक बड़ा ही अच्छा बॉन्ड बन जाता है, कुछ लोग शैतान करते हैं, कुछ लोग अच्छा आंसर देते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब एज अ फैकल्टी वी रियली रियलाइज दिस पॉइंट। मतलब जैसे अब जयपुर में शाम बैठा है, वो FM का फैन है हमारे, वो पता नहीं कैसी कैसी बातें करता था FM में, तो ये मुझे पता है कि वो शाम ही करता है, या मतलब वहां से कुछ ना कुछ आता है। सो इट्स एब्सोल्युटली अ ग्रेट बॉन्ड दैट यू नो वी एज अ फैकल्टी टेन टू मेक। तो इट्स अ वेरी वेरी मतलब डिफिकल्ट यू नो मोमेंट फॉर मी टू से गुड बाय। ऐसा लग रहा है जैसे अपने ही किसी बॉडी पार्ट को आप कहते हो ना कि भाई चल तू अलग हो जा आज से, विच इज रियली वेरी हार्ड टू डू। तो जयपुर लाल कोटी कह रहे सर तेरे चेहरे में वो जादू है कि कहीं दूर खिंचा जाता हूं, जाना चाहता हूं कहीं और, लेकिन तेरी और खिंचा चला जाता हूं। अरे दैट्स वेरी नाइस। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं।
सर हमें नहीं पता अर्जुन को क्या मिलता था, बट हमें जो मिला वो प्राइसलेस, दैट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल लाल कोठी, एंड दिस इज रियली लाइक यू नो द फर्स्ट बैच कमिंग टू एन एंड. फरवरी वाला बैच वॉज मोर ऑफ यू नो टेस्टिमोनियल था, वो तो टेस्टिंग बैच था, बट आई थिंक जो बैच हमने जून में शुरू किया वो बहुत ही उम्मीद के साथ, बहुत ही एफर्ट के साथ, और आपने FM में 85 आवर्स और कॉस्टिंग में ऑलमोस्ट यू नो 120 आवर्स, तो 200 घंटे सबसे लंबा IPCC में कॉस्ट FM है, तो आपने मेरे साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया, मेरे को झेला, और मतलब कह लीजिए मेरी आदतें आपने अपनाई, मेरे कुछ कुछ यू नो छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं वो आपने अपनाए, किसी को बताना नहीं, अब तो आप बड़े बच्चे हो, चलो तुम्हारी पिटाई होनी चाहिए, ये सारी बातें रियली मतलब इट्स वंडरफुल मोमेंट, एंड यू नो स्पेशली लखनऊ वॉज अ वेरी वेरी एक्टिव सेंटर, अब थोड़ा सा शांत हो गया लखनऊ रिलेटिवली, लेकिन जून में तो लखनऊ बहुत ही एक्टिव था, और मतलब इट इज वेरी वेरी. हाँ रोहतक कह रहे सर फाइनल में तो मिल रहे हैं, इमोशनल होने की क्या जरूरत है, नहीं नहीं बात वो तो ठीक है, इमोशनल नहीं हो रहा ऐसा, बट फिर भी मतलब somehow यू नो इट्स बीन. रोहतक देखो इतना शैतान है, वो राम राम ताऊ करता था तो मुझे बड़ा मतलब ऐसा लगता था यार कि बिल्कुल किसी अपने ने बोला है, तो रियली सच बताऊं तो आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, एंड इट इज गेटिंग वेरी वेरी यू नो इमोशनल हियर इन द स्टूडियो. सो आई थिंक मेरा नंबर आपके पास है, और मेरा यू नो ईमेल आईडी आपके पास है, व्हाट्सएप है, सब कुछ यू नो इट इज देयर विद यू. सो कहीं भी कभी भी कैसे भी आपको जरूरत हो, रात देर रात यू नो फोन करने से पहले एक बार भी नहीं सोचना ज्यादा क्या होगा, हर बार की तरह मैं नहीं बताऊंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, देन आई विल कॉल बैक, कौन सी बड़ी बात है ना. हाँ नालायक से पगलू बनने के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद, और जादू की झप्पी देने लाल कोठी, वेरी गुड. आप कोई नालायक नहीं है, नालायक बहुत बड़ी बात होती है, नालायक का मतलब आपके अंदर पोटेंशियल ही नहीं है, हम ऐसा नहीं कह सकते, आप स्टूपिड हो, इडियट हो, पगलू हो, लेकिन आप नालायक बिल्कुल नहीं हो, नालायक तो बहुत बड़ी गाली होती है, हम कभी किसी को नहीं देते. तो ये पॉइंट है जी, रिजल्ट आते ही SFM की कोचिंग स्टार्ट कर देंगे, विच इज एक्सीलेंट. हमारा SEA फाइनल का भी बैच स्टार्ट हो रहा है, बट लेट्स से स्टिल यू नो इट इज अ लिटिल डिस्टेंट फॉर यू. सो ठीक है जी, आराम से, वी रियली रियली यू नो गोइंग टू मिस यू एंड वी लव यू अलॉट. कभी भी आपको ऐसा लगे कि यू नो कुछ मेरी आपको जरूरत है किसी भी चीज में, छोटे से छोटी बड़े से बड़ी में, सो यू शुड यू नो डेफिनेटली गेट बैक टू मी विदाउट एनी हेजिटेशन. मेरा नंबर आपके पास है, आपके नंबर मेरे पास है, so I think it's going to be very very difficult to say goodbye, so I think let us not say that, you know, goodbye bolne se aisa lagta hai ki aapne hi alag kar diya, so I think let us be absolutely mute, let us not say bye bye to each other. I will definitely come to Jaipur once, I will definitely come to Rohtak, I will definitely come to Lucknow, and Bhubaneswar to is very close, very jaldi aane wale hain, so jin jin centers mein mera aana nahi hua I will definitely make it a point to come there. And you know, I think that's about it. तो चलिए, मैं अपने मन से और अपने मुंह से बाय नहीं बोल सकता, तो I think let's be here. So ठीक है जी, चलो भाई क्लास फिर खत्म कर लेते हैं, और that's about it.